पर चलेंगे। एल्बुलाई में जहां पर पीओ टू ज्यादा होता है, CTO, PCO2 कम होता है, H प्लस कम होता है और टेम्परेचर कम होता है। बच्चों क्या बोला, मैं सब कुछ लिख चुका हूँ। एल्बुलाई में ये सब चीज होता है। ये सब के सब फैक्टर क्या है बच्चों, ये सब के सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आसानी से बन गया था वहां पर, मतलब H only resulted in selection of resistant varieties in much lesser time. तो देखो जो एक्सेस हर्बिसाइड्स को यूज करेंगे जो बच्चों क्या करेगा, और पेस्ट जो पेस्ट से जो पेस्ट को मारेगा, जो बच्चों जो क्या है जो हर हर जो डैमेज को मारेगा बच्चों, इससे क्या हुआ, इससे कहीं ना कहीं रिजल्ट हो गया इसमें सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज इन मच लेसर टाइम। दिस इज आल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट व्हिच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक और ड्रग्स अगेंस्ट सी कोरोना बच्चों। तो देखा साथ सुनते हो गए, बड़ा एक टॉपिक फेमस है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सेस एंटीबायोटिक खाने से जो भी आपके माइक्रोब्स होते हैं बच्चों उसमें क्या रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। रेजिस्टेंस क्यों आता बताओ, बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड प्लाज्मिड बच्चों। तो प्लाज्मिड इज अ काउज ऑफ क्या बताओ, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बच्चों। और प्लाज्मिड की वजह में एक जीन होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए बच्चों, वो उसको रेजिस्टेंस करवाता है बच्चों, ठीक है। हेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म आर अपीयरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ्स और इयर्स एंड नॉट सेंचुरीज, ठीक है। देज आर एग्जांपल्स ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब बच्चों मैनमेड एक्शन बच्चों। देखो आदमी की वजह से, आदमी के एक्सेसिव यूज से रेजिस्टेंस आना, मतलब देखो आदमी क्या ब्रीडिंग कर रहा है कुछ प्लांट्स एनिमल्स का, किसका, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट्स और सिक्योरिटी के लिए बच्चों, ठीक है। और मैन डोमेस्टिकेट कर रहा है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल क्रॉप को। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज कुछ रीजन है जो कि बच्चों सी डोरमेंसी कॉज है। आपको जो रीजन बताया मैं याद रखना, आपसे पूछ सकता है इसमें कौन सा रीजन नहीं है। दिस डोरमेंसी सेल्मोनेला टाइफी, देखो एक जोश जुनून आएगा तुम लोग के लिए इतना आसान है यार, बायो खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा 3 घंटे में हम लोग खत्म कर देंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज को, 3 घंटे सफिशिएंट है, आज आधा और कल आधा। तो सेल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड काउज करता है, और इसका आपको याद रखना होगा, इसका देखो एग्जैक्टली मैं कीवर्ड, मैं सब कुछ अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली नीट का क्वेश्चन अंडरलाइन कर रहा हूं। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, दोनों याद रखोगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो दो है। प्लीज एंड प्लीज माइंड माई वर्ड, इन्फ्लुएंजे अकेले, अगर सिर्फ इन्फ्लुएंजा होता है तो ये क्या है, वायरस है। बट अगर वर्ड दोनों एक साथ लिखा हुआ है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या है, बैक्टीरिया है, तो दोनों में अंतर है, प्लीज समझना। तो देखो निमोनिया की बात करेंगे, तो निमोनिया में क्वेश्चन आ सकता है क्या सिर्फ बैक्टीरिया से होता है, नो। तो देखो बच्चों निमोनिया सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं होता, निमोनिया हर चीज से हो सकता है, बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है, प्रोटोजोआ से भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो, निमोनिया में क्या दिक्कत होता है, प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। प्लीज इस टॉपिक को सीरियसली लेना मलेरिया को, क्योंकि मलेरिया से सियोर शॉर्टेज क्वेश्चन नीट 2020 में आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, नीट 2020 में क्वेश्चन सियोर शॉर्टेज से आना ही आना है। तो बात करेंगे हम लोग प्लाज्मोडियम की, तो देखो प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, वेलकम निखिल, प्लाज्मोडियम के बहुत सारे होते हैं, तो एनसीईआरटी में 3 दे रखा है, तो क्या क्या देखो, प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, तो इन्फेक्टिव स्टेज है बच्चों इसका सिकल शेप्ड स्पोरोजॉइट, तो देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में साफ साफ, प्लाज्मोडियम इंटर्स इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, तो इसको ऐड कर लेना, सिकल शेप, छोड़ दिया एनसीईआरटी, सिकल शेप स्पोरोजॉइट, सिकल की तरह, देखो इस तरह से सिकल की तरह दिखता है स्पोरोजॉइट, तो सिकल शेप स्पोरोजॉइट के फॉर्म में ये बॉडी में इंटर किया, ओके, दैट्स ओके। इंटर करने के बाद अब ये करता क्या हम लोग देखते हैं, तो इंटर करने के बाद ये करता क्या हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में, डायरेक्टली हम लोग डायग्राम। तो याद रखना बुचेरिया बैंकोप्टा और बुचेरिया मेलाई बच्चों दो ऐसे कीड़े हैं, दो ऐसे वॉर्म्स हैं जो काउज करते हैं बीमारी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंटेसिस या फाइलेरेसिस, दैट इज कॉल्ड एलिफेंटेसिस या फाइलेरेसिस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कैसे होता है, एक लाइन जो अंदर का प्रेशर कम हो, प्रेशर कम का मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो, तो वॉल्यूम ज्यादा करने का हमारे पास दो तरीका है, नॉर्मली दो तरीका क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला चीज कि डायफ्राम मेरा, देखो डायफ्राम नॉर्मल स्टेट में ऐसे प्रेजेंट होता है डोम से, तो पहला कंडीशन क्या है बच्चों, डायफ्राम को हम लोग क्या कर दे, कॉन्ट्रैक्ट कर दे। तो बच्चों जैसे ही डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मली हम लोग को बचपन में क्या लगता था, मेरे को लगता था कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ऐसे से ऐसे हो गया तो क्या हो गया, ये वाला जो मेरा वॉल्यूम बच्चों, ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया, अरे बढ़ गया ना बच्चों, ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया, तो देखो वॉल्यूम बढ़ गया। चलो आगे देखते हैं, नाउ बच्चों वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड कोस्टल मसल्स, तो कोस्टल मसल्स एमएफडी का मतलब मीडियली हो जाएगा, ओके बच्चों, और कौन से वाले, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बच्चों, ये क्या करेंगे, ये बच्चों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, देखो ये रिब से चिपका हुआ है,
तो क्या होगा, मेरा देखो मेरा रिब्स आगे बढ़ेगा, मेरा रिब्स बच्चों आगे की तरफ बढ़ेगा, जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या मास अंदर आ गया बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट इंस्पायरेशन, का प्रेशर घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो देखो पहला वॉल्यूम क्यों बढ़ा था, डायफ्राम के कॉन्ट्रेक्शन से, और दूसरा वॉल्यूम क्यों बढ़ा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रेक्शन से। अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम दोनों चीज से बढ़ा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा, और प्रेशर इतना घट जाएगा कि अंदर का प्रेशर क्या हो जाए, बाहर के प्रेशर से कम हो जाए। तो देखो एयर क्या हो रहा है बच्चों, अंदर आ रहा है, ठीक है, एयर अंदर आ रहा है। देखो क्या लिखा वन साइड में, रिब। दोस्तों क्या कर रहे थे हम लोग, फोटोरेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। फोटोरेस्पिरेशन तुम लोग को बताया वेस्टफुल प्रोसेस होता है, इसमें खाली 2 एटीपी हम लोग को मिलता है, समझे ना। फोटोरेस्पिरेशन में कब होता है, जब रूबिस्को को ऑक्सीजन मिल जाता है दोस्तों। फोटोरेस्पिरेशन कब होता है, जब रूबिस्को का कांटेक्ट किससे होता है दोस्तों, रूबिस्को का कांटेक्ट किससे होता है, ऑक्सीजन से होता है दोस्तों, ऑक्सीजन से होता है। तो उस टाइम ऑक्सीजन से कन्वर्ट होकर ये उसमें क्या बनाता था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्रुप बनाता था, लेकिन इसमें कुछ और ही बनेगा। इसमें देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा और 1-3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा दोस्तों। 1-3 कार्बन का 1-2 कार्बन, मतलब 1 CO2 बाहर निकल गया, समझे ना। 1-2 कार्बन का और 1-3 कार्बन का मॉलिक्यूल मिलेगा। ये तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, इसका क्या नाम है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 1 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने मिलेगा और 1 मिलेगा हमको 2 फॉस्फोग्लाइकोकोलेट, 2 कार्बन वाला। इसमें 2 कार्बन मिलता है इसलिए इसको C2 साइकिल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमको एक और मिलता है सब्सट्रेट, क्या सब्सटेंस मिलता है, वो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन का है दोस्तों, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या पूछता है दोस्तों कि क्या क्या कहते हैं आपको क्या मिलेगा जब फोटोरेस्पिरेशन होगा। तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, 2 कार्बन कंपाउंड मिलेगा, स्टेबल कंपाउंड होता है, और 1-3 कार्बन का मिलेगा, ठीक है। 1-3 का मिलेगा, 1-2 का मिलेगा, समझे। तो 1-3 कार्बन का मिलता है, 1-2 कार्बन का मिलता है दोस्तों। क्विनोन से जाता है ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F है ना, तो इसको साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यहां पर जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से कहा जाता है, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन, कॉल इथिडियम ब्रोमाइड, और इथिडियम ब्रोमाइड से एक्सचेंज करने के बाद हम लोग इसको एक्सपोज करते हैं, किससे एक्सपोज करते हैं, यूवी रेडिएशन से। तो यूवी रेडिएशन से इसको एक्सपोज किए, और जब एक्सपोज जितना बार QRS क्यों बनता है, देखो QRS क्यों बन रहा है, QRS बन रहा है वेंट्रिकल के डीपोलाइजेशन से, मतलब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन से। तो बच्चों वेंट्रिकल, आपको क्या बोला मैं, जितना बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना बार आपको हार्ट रेट फील होगा, कहां पर हार्ट रेट उतना आपको बेसिकली फील होगा, और आप हार्ट एम्ब्रियो सैक को इंटूमेंट्स के अंदर बच्चों क्या है, देखो मास कॉल न्यूसिलस, बच्चों न्यूसिलस के अंदर क्या है, न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, मैंने जस्ट बताया था, एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं बच्चों, एक्सक्लूसिवली नीट में आ सकता है सर बच्चों, याद रखना हर एक न्यूसिल के अंदर एम्ब्रियो सैक। अब यहां से बच्चों टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, बच्चों पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है। अब बच्चों नीट में इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछेगा तो बच्चों याद रखना, आपसे पूछेगा बच्चों मेल गैमेटोफाइट क्या है, मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का मतलब ऐसा कोई भी चीज जो गैमेट को बनाए, जो गैमेट को बनाए वो क्या बच्चों मेल गैमेटोफाइट है। बच्चों याद रखना पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट। अब लोग सर ऐसा कैसे, लाइक अब तो 12th पास हो, मेरे को लगता है न्यूसिलस का पोलैरिटी क्या होगा बच्चों, 2N होगा बच्चों, ठीक है। MMC का क्या होगा बच्चों, ये भी 2N होगा बच्चों, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर का क्या होगा बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट जो बनेगा बच्चों, एम्ब्रियो सैक सिंपल बात है, डिप्लॉइड बनने का सवाल ही नहीं होता। फंक्शनल मेगास्पोर कैसा, हैप्लॉइड, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या बच्चों, ये भी हैप्लॉइड है। न्यूसिलस कैसा बच्चों, डिप्लॉइड है, ठीक है बच्चों। एमएमसी क्या बच्चों, डिप्लॉइड है बच्चों। नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको आसान लग रहा होगा अभी, बट बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, तो इन्फेक्टिव स्टेज है बच्चों इसका सिकल शेप्ड स्पोरोजॉइट। तो देखो लिखा हुआ एनसीईआरटी में साफ साफ, प्लाज्मोडियम इंटर्स इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, तो इसको ऐड कर लेना, सिकल शेप छोड़ दिया एनसीईआरटी, सिकल शेप स्पोरोजॉइट, सिकल की तरह देखो, इस तरह से सिकल की तरह दिखता है स्पोरोजॉइट। तो सिकल शेप स्पोरोजॉइट के फॉर्म में ये बॉडी में एंटर किया, ओके दैट्स ओके। एंटर करने के बाद अब ये करता क्या हम लोग देखते हैं, एंटर करने के बाद ये करता क्या हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट फेज में, डायरेक्टली हम लोग डायग्राम कि तुम लोग बार बार भूल जाते हो कि हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर दोस्तों, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, समझे ना, ये याद रखना, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, ठीक है।
चलो तो इतना जान लिया तुमने कि हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर के आसपास का जो रीजन है सेकेंडरी जाइलम के आसपास, सेकेंडरी जाइलम तो हार्टवुड हो गया। पूछा जाता है कि हार्टवुड का नेचर क्या होता है, हार्टवुड इज सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम हार्टवुड है। तो उसके अलावा जो आसपास का रीजन होता है वो लाइट कलर का होता है, उसको कहते हैं सैपवुड, लाइट कलर। बच्चों एनालॉग सॉर्ट किसको बोलेंगे, जिसका कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बच्चों सेम नहीं है बट फंक्शन क्या है सेम है। और बच्चों यहाँ पे देखो ये सेम लाइन फिर से, हेंस एनालॉगस ऑर्गन्स आर अ रिजल्ट ऑफ, देखा बच्चों दिखा ना, हाँ क्या बोला मैं, एनालॉग ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि एनालॉगस से कन्वर्जेंट, नो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ इससे क्या होगा एनालॉग ऑर्गन बने, उल्टा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कन्वर्जेंट ऑर्गन इवोल्यूशन हुआ बच्चों और एनालॉगस ऑर्गन बने, ठीक है बच्चों समझते हैं इसको, देखो सिंपल सा कांसेप्ट है ये बच्चों, आपको बटरफ्लाई समझ करो ठीक है, और बच्चों ये आपका बर्ड बच्चों, हेंस एनालॉगस डॉल्फिन को बच्चों, तो फ्लिपर दोनों का दोनों क्या बच्चों, दोनों का दोनों स्ट्रक्चर सेम है, अलग है बच्चों सॉरी, और फंक्शन क्या है बच्चों सेम है, ठीक है लिख लो बच्चों, तो लिख लेना आई ए, आई से जोर कौन सा मतलब लिख लो बच्चों नागा, कौन सा जोर बच्चों नागा, फुल फॉर्म लिख लो एन एसिटाइल, लिखो एन एसिटाइल, लिखो गैलेक्टोसामाइन, गैलेक्टो सॉरी लिख लो बच्चों ऊपर में एन एसिटाइल, एन एसिटाइल गैलेक्टो सामाइन बनता है, ठीक है बच्चों किसमें ए वाले में, आई भी लिखो बच्चों, आई भी क्या सुगर बनाता है लिख लो बच्चों, क्या बनाता है नाग बनाता है, क्या बनाता है बच्चों नाग, ये कपिल शर्मा वाले ठुल्लू, फुल फॉर्म लिख लो बच्चों नाग का एनस्टाइल, लिखो एनस्टाइल गैलेक्टोज, क्या बच्चों एनस्टाइल गैलेक्टोज बनाता है, वेरी गुड समझ में आ गया। तो देखो उससे नागा बनता है, इससे क्या बनता है बच्चों नाग बनता है, और बच्चों बात करेंगे किसकी आई ओ से, किसकी आई ओ या आई की, तो ये क्या होता है बच्चों नो सुगर, तो कोई सुगर नहीं बनाता बच्चों, तो ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों एम्स, देखो आई ए और आई बी क्या होता है कंप्लीट डोमिनेंट होता है किसके ऊपर एक्सप्रेस करेंगे, और क्या बनेगा ब्लड ग्रुप में क्या होगा आई बी और आई एलील होगा, तो क्या होगा बच्चों आई बी एक्सप्रेस करेगा क्योंकि आई क्या है रिसेसिव एलील है, लेकिन जब आई ए और आई बी दोनों के दोनों का वेरी गुड बच्चों, तो दोनों के दोनों एक्सप्रेस करेंगे और क्या बनेगा बच्चों बोलो ना ब्लड ग्रुप बी बनेगा। तो देखो नीट में क्वेश्चन क्या आएगा, नीट में क्वेश्चन आएगा इंसान का कौन वर्टिब्रेटा है, इसके अंदर क्या देखो ये नोटोकॉर्ड पोजेस करते हैं, बताओ ड्यूरिंग इमरिंग लेवल बच्चों, मतलब बेसिकली हम लोग के अंदर, हम लोग क्या वर्टिब्रेटा है, तो बच्चों हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर नोटोकॉर्ड था, तो क्या क्या फीचर्स होते हैं कॉर्डेट के, तो पहला हो गया बच्चों एक नोटोकॉर्ड, दूसरा हो गया बोलो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड बच्चों, एक डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, तो बच्चों याद रखना एक नोटो बच्चों कभी कभी अगर लिख लो इस चीज को, अगर 180 से ज्यादा, अगर सुगर का लेवल 180 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर सुगर का लेवल मोर देन हो जाए 180 एमजी पर डीएल, तो क्या होगा बच्चों देखो, तो क्या होगा देखो किडनी एक लिमिट तक, समझो बच्चों प्लीज समझो किडनी का क्या, किडनी का एक लिमिट है, किडनी का एक लिमिट किस चीज को, देखो आपके बॉडी में क्या होता है ये पीसीटी है बच्चों, ये लोगों को फिल है और ये क्या बच्चों पीसीटी है, तो किडनी का एक लिमिट होता है, किस लिमिट होता है रीअब्सॉर्ब करने का, तो एक लिमिट तक रीअब्सॉर्ब कर पाएगा, सपोज करो इस प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करके फेंक देगा कहां पर वापस बॉडी में, और एक लिमिट तक रहेगा बच्चों 180 एमजी पर डीएल क्या होता है, 180 एमजी पर क्या होता है किडनी इसके बाद अब नहीं फेंक पाता है, मतलब ये थक जाता है फेंकते फेंकते ग्लूकोज वापस बॉडी में, तो 180 एमजी पर डीएल के बाद क्या होता है बच्चों दिस इज द किडनी का थ्रेशोल्ड वैल्यू, क्या बच्चों ये किडनी का थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू, लिख लो सब लोग रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर शुगर बच्चों, तो 180 से ज्यादा होने के बाद क्या होगा अल्टीमेटली आपका टॉयलेट के थ्रू बच्चों क्या आएगा शुगर निकलना शुरू हो जाएगा, टॉयलेट थ्रू शुगर निकलना शुरू हो जाएगा बच्चों, तो क्या लिखा बच्चे सॉरी द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, तो बच्चों यूरिन के थ्रू कम निकलेगा, पूछ सकता है बच्चों कम निकलेगा ग्रेटर देन 180 एमजी पर डीएल बच्चों, ठीक है अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड बच्चों पढ़ा चुका हूं, कीटोन बॉडी बनेगा, क्या बनेगा बच्चों कीटोन बॉडी बनेगा, कहां पर डायबिटीज वाले केस में, तो मैं बता चुका हूं बच्चों कीटोन बॉडी तीन जगह बनता है, कहां का लिख लो डायबिटीज मेलिटस से बनता है, अगला लिखो बच्चों प्रेगनेंसी बनता है, अगला लिखो बच्चों प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन बनता है, आदमी जब लंबे टाइम से भूखा होता है तब भी बनता है, तो बच्चों प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तो दिस इज द कांसेप्ट बच्चों कीटोन बॉडीज क्यों बनता है एनीवन, इसको मैं पढ़ा देता हूं, लिख लो कीटोन बॉडीज क्यों बनता है, लिख लो बिकॉज़ ऑफ, लिख लो बिकॉज़ ऑफ पार्सियल ब्रेकडाउन ऑफ, लिख लो बिकॉज ऑफ पार्सियल ब्रेकडाउन ऑफ फैट, बच्चों फैट का क्या होता है पार्सियल ब्रेकडाउन होता है, कीटोन बॉडी बनता है, और कीटोन बॉडी कहां मिल रहा है बोलो, यूरिन मिल रहा है, यूरिन मिल रहा है बच्चों, तो क्या कहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं इंसुलिन थेरेपी से बच्चों, नहीं मिल रहा है, तो अगर ब्लड के अंदर सॉरी यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिले तो क्या बोलेंगे बच्चों ग्लाइकोसूरिया, बच्चों क्या देखो ये ग्लाइकोसूरिया, ओके ग्लूकोसूरिया नहीं है ग्लाइकोसूरिया है, अगला बच्चों कीटोन बॉडीज मिलेगा, तो कीटोन का मतलब बच्चों कीटोनूरिया, बच्चों लिख लेना कीटोन बॉडीज क्या लिख लो बच्चों कीटोन बॉडीज क्या लिख लो, एग्जांपल लिख लो कीटोन बॉडीज का लिख लो एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड, दूसरा लिखो बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड बच्चों, तो दो कीटोन बॉडीज होते हैं बच्चों, तो देखो आपको पढ़ाया भी था मैं पहले कीटोन बॉडी यूरिन में बन रहा है और यूरिन में
अमीनो एसिड एक्टिवेट कर गया। नाउ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो बच्चों एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो ये क्या करेगा देखो, ये जाएगा कहां पर, थ्री डस एंड ऑफ टीआरएनए पे जाएगा और जाके क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। तो थ्री डस एंड पे जाकर बाइंड कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जैसे ही थ्री डस एंड पे बाइंड करेगा तो क्या होगा, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, किसका, टीआरएनए का। तो बच्चों देखो अभी तक ये क्या था, टीआरएनए था, अब क्या इसका नाम हो गया, अब इसका नाम हो गया चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए कह सकते हो या कह सकते हो एमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए, ठीक है बच्चों, या कह सकते हो क्या लोडेड टीआरएनए। तो बच्चों तीनों नाम एक ही है, लोडेड टीआरएनए, फंस जाओगे नीट पे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चार्ज टीआरएनए, लोडेड टीआरएनए, लोडेड का मतलब लोड कर दिए, सामान लोड कर दिया, क्या लोड कर दिया, एमिनो एसिड को लोड कर दिए, या एमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए, कोई दिक्कत नहीं। एक सर पानी पी लेता हूँ, मेरा वीडियो ऑफ है, तुम लोग बोलते क्यों नहीं कि वीडियो ऑफ है यार, गजब हालत है, कोई बोला भी नहीं कि सर आपका वीडियो ऑफ है। चलो पानी पी लेता हूँ। टीआरएनए स्पेसिफिक है किसके लिए, अपने अपने एमिनो एसिड के लिए, तो अपना अपना को पकड़ेगा और वो घींच के ले जाएगा बच्चों, ठीक है ना। एमिनो एसिड अटैच करेगा किसके, एमिनो एसिड के थ्री डस एंड पे, ओके ओके बच्चों। तो देखो एमिनो एसिड जो है बच्चों कौन सा, ये वाला जो ऊपर हमने पढ़ा, अरे देखो ऊपर लिखा हुआ, तुम लोग बोलोगे सर कहां से आ गया, ये देखो बच्चों, ये देखो, बात करेंगे जो कौन सा होगा ना, क्या नाम होगा उसका, एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है दोस्तों, ओवरी पूरे तरीके से बंद हो जाती है, बाकी जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं वो सब ओवरी से ऊपर उगते हैं दोस्तों, वो सब ओवरी से ऊपर उगते हैं, समझे ना। थैलेमस, देखो थैलेमस भी ओवरी से ऊपर रहता है, ओवरी से ऊपर उगते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ओवरी बंद हो गए, ओवरी इंफीरियर होगी, बहुत छोटी ओवरी होगी ना, क्यों, क्योंकि नीचे है ओवरी, इंफीरियर मतलब नीचे, बाकी सारे पार्ट्स ओवरी से ऊपर उग रहे हैं दोस्तों। ये केस किसमें दिखता है, इस ओवरी को इंफीरियर कहते हैं। हाफ इंफीरियर का एग्जांपल क्या था दोस्तों, प्लम रोज पीच, यहाँ इंफीरियर की बात कर रहे हैं, इंफीरियर में सारे प्लांट पार्ट्स ऊपर उग रहे हैं, ओवरी नीचे है। इसका एग्जांपल क्या है, फ्लावर्स ऑफ गुआवा है, फ्लावर्स ऑफ क्यूकंबर है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिससे मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। बार बार ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि क्या कहते हैं, सनफ्लावर के दो होते हैं, डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट में अलग होता है, रे फ्लोरेट या लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज बच्चों, इसको हम बोलते हैं लॉग बच्चों। देखो लॉग है ये, लैग नहीं है, ओके, दिस इज नॉट लैग, लैग मतलब पिछड़ जाना। तो बच्चा यहाँ पे पिछड़ जा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा उतना, बट बच्चों क्या हो रहा है, अब आप जब 11 12 साल के हो रहे, तो आप लॉग फेज में आगे, एक्सपोनेंशियल फेज में आगे, यहाँ पे क्या होगा, देखो बोथ प्रोगेनिक सेल्स यहाँ क्या होंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो ज्योमेट्रिक फेज के अंदर क्या हो रहा है, दोनों के दोनों प्रोगेनिक सेल्स डिवाइड कर रहे हैं माइटोसिस से बच्चों, क्या हो रहा है, और दोनों के दोनों में एबिलिटी बच्चों रह जा रही है डिवाइड की, और डिवाइजन कंटिन्यू है। तो वही बोला ना, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, सोन सोन बच्चों। तो हाउ एवर विथ लिमिटेड, तो अब क्या, ग्रोथ ज्यादा बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है बच्चों, बट ग्रोथ में ज्यादा बढ़ रहा है, देख रहे हो बच्चों, ग्रोथ ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों टाइम के मुताबिक बच्चों। ये क्या, एक्सपोनेंशियल फेज, ओके बच्चों। और तीसरा क्या बच्चों, देखो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, खा खा के दे रखा कॉट, मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, तुमको पता है क्यों फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ये रीजन तुम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो मेन प्राइमरी रूट है ना, प्राइमरी रूट, वो शॉर्ट लिव होता है, उसकी जिंदगी छोटी रहती है, वो डीजनरेट कर जाता है, रिमूव हो जाता है। तो उसकी जगह कौन आता है, डीजनरेट होने के बाद बहुत सारे दूसरे रूट्स आ जाते हैं जो बेस से डायरेक्ट ओरिजिनेट होते हैं। तो ये वाले रूट सिस्टम को क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। ये किसमें दिखता है, मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल क्या है, वीट प्लांट दोस्तों। क्यों, मैं क्या समझ में आया, समझ में, अब समझ में आ जाएगा बच्चों। इन मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ, देखो बच्चों वाटर हाइसिंथ इकोर्निया को बोलते हैं, और वाटर लिली, द फ्लावर इमर्जेस एवर द लेवल। तो देखो क्या होगा बच्चों, ये पानी का लेवल होगा, देखो ये पानी के टॉप पे आ जाएंगे, पानी के सरफेस पे आ जाएंगे, कौन से बच्चों, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। और बच्चों क्या होंगे, अब आने वाले होंगे, अब इंसेक्ट से या विंड से पॉलिनेट होंगे, जैसे जमीन पे हुआ करते थे बच्चों, बच्चों इंसेक्ट्स और विंड से होंगे बच्चों, एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, जरूरी नहीं कि सब पानी का पॉइंट पानी में हो बच्चों, कुछ पानी के ऊपर सरफेस पे आते बच्चों। क्या होता है, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, नीट में आ सकते बच्चों, ठीक है बच्चों, दोनों में डब्ल्यू लगा हुआ, याद रखोगे। चलो बच्चों आगे देखते हैं, वेलेसनेरिया के बात करते हैं, बच्चों वेलेसनेरिया बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इस टैंक में, अब इस टैंक में बच्चों प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना बच्चों, ये क्या मोस्टली इंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर रहते हैं, इंसान के अंदर ही मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों। तो अंदर में पैरासाइट की तरह रहेंगे प्लेटफॉर्म्स बच्चों, बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल है बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट, बीच से काटोगे दो फट में होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसुलोमेट है, और बच्चों इसके अंदर ऑर्गन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों ना, हुक टेक्निक लिख लो,
रख दे, क्या रख दे, रख देने मतलब ये सब है बेसिक अमाइनो एसिड, आर से आर्जिनिन, के से लाइसिन, एच से हिस्टिडीन, ठीक है, ये हो गए तुम्हारे बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है दोस्तों। और क्या ये मैंने क्या कहा, दे, डी 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 से क्या होता है एस्पार्टिक एसिड, ई से होता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एसिडिक अमाइनो एसिड, क्या होता है एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है दोस्तों। बना बच्चों, चार बना बच्चों, देखो आठ ब्लास्टोमियर तक के स्टेज को क्या करता है बच्चों, ये फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, कहां डाल दिया बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, और क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में चला गया बच्चों, अब याद करो मैं क्या बताया था, मॉड्यूल यूट्रस में क्या घुसता है बच्चों, पोस्टरे में घुसता है बच्चों, किस स्टेज में, बताओ एडवांस मॉड्यूल, किस स्टेज में बच्चों, एडवांस मॉड्यूल स्टेज में घुसता है। तो देखो बच्चों हम लोग क्या किया, हम लोग एट स्टेज तक विद इन स्टेज क्या किया बच्चों, हम लोग फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया बच्चों, अब क्या होता है, डाल दिया बताओ, क्योंकि अब क्या होता है आठ से सोलह बनेगा बच्चों, सोलह से क्या बनेगा बताओ, क्या धीरे धीरे पोस्टरे पर एंटर कर जाएगा यूट्रस में, यूट्रस में क्या करेगा, एंडोमेट्रियम में जाकर इम्प्लांट कर जाएगा बच्चों, दैट इज कॉन्सेप्ट, ये कौन करता है, न्यू डॉक्टर्स करते हैं ये चीज, मतलब कोई डॉक्टर क्या करता है, कोई डॉक्टर उसको फैलोपियन ट्यूब डाल देता है, उसको क्या बोलते हैं जिप, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब जायगोट के अंदर बच्चों, इंट्रा मतलब विद इन, देखो जायगोट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, फिर उल्टा बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब में क्या कर रहे हैं, जायगोट को पुट कर रहे हैं, जायगोट को हम लोग फैलोपियन के अंदर पुट कर रहे हैं बच्चों, लेकिन बच्चों अगर इम्ब्रियो हो जाए बच्चों, क्या देखो मोर देन एट ब्लास्टोमेर, पर सब अगर आठ से ज्यादा का हो तो क्या देखो आठ से ज्यादा का बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टाइम को स्किप कर दें, इस टाइम को हम लोग स्किप कर दें, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्टली पुट करेंगे, डायरेक्टली खाते हैं तो डायरेक्टली यूट्रस में डाल देंगे, देखो क्या लिखा हुआ, अगर आठ से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे उसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा मतलब विद इन द यूट्रस को डाल देंगे, बताओ क्यों, टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट, तो आगे का डेवलपमेंट बच्चों कंटिन्यू कर सके, तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों, जिफ्ट करेंगे आठ से ज्यादा है आईयूटी करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, उसमें क्या कर सकते हैं, एक बना बनाया, एक सपोज करो एक्स नाम की फीमेल है, उस एक्स नाम की फीमेल के अंदर जो बच्चों एम्ब्रियो बना, इस फीमेल को हम लोग क्या करेंगे, इस एम्ब्रियो को क्या करेंगे, निकालेंगे और एक वाई नाम की फीमेल डाल देंगे बच्चों, ये मेथड बच्चों हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इन विवो फर्टिलाइजेशन वाले मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक जायगोट को लिए बच्चों, जायगोट को लिए और ऐसे फीमेल में डाल दिए बच्चों, जो कि क्या कर सकते हैं बच्चों, जो कि कंसीव खुद नहीं कर सकते बच्चों, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली कंसीव करवा रहे हैं बच्चों, तो के लिए बच्चों कंसीव का होता है बच्चों, टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है बच्चों। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, क्या है दोस्तों इंक्लूजन बॉडीज, तो इंक्लूजन बॉडीज के बारे में हम लोगों को क्या जानना है दोस्तों, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में देखो, इंक्लूजन बॉडीज जो रहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज वो क्या काम करते हैं, वो एक्चुअली रिजर्व मटेरियल रहते हैं, कहां क्या काम करते हैं, रिजर्व मटेरियल की तरह काम करते हैं, मतलब रिजर्व फूड जो स्टोर होता है उसकी तरह काम करते हैं, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, समझे ना, और इनको साइटोप्लाज्म में स्टोर किया जाता है दोस्तों, कहां स्टोर किया जाता है, साइटोप्लाज्म में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज पे ध्यान रखना है तुम लोग को, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा चांस है पूछने का, ये पूछ सकता है क्या कहते हैं कि इंक्लूजन बॉडीज होते क्या है, क्या काम करते हैं, तो क्या होते हैं, रिजर्व मटेरियल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, और क्या बात होता है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है कि ये क्या किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से, क्या ये किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से बंधे हुए हैं, आर दे बाउंड बाय मेम्ब्रेन सिस्टम, तो नहीं, ये किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से दोस्तों बंधे हुए नहीं है, और ये साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, फ्री होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स है दोस्तों, क्या है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, समझे, और तो मैं स्किप करूंगा, देखो मोर देन बेसिकली सेक्स लिंकेज का थ्योरी दिया, ओके, किस फ्लेव, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ठीक है, लिख लिया बच्चों, हाँ ठीक है, ड्रोसोफिला मेलंगोस्टर, पूरा नाम लिख लो, ड्रोसोफिला मेलंगोस्टर, ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रूट फ्लाई, क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई फ्रूट पे उड़ती है, ठीक है, देखता है ना, मक्खी वी वी करके उड़ती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो बच्चों देखो यहाँ पे इन्फेक्शन कर दिया, पहले ये कहता बच्चों, पहले था ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज था बच्चों, पहले ये डिजीज था बच्चों, तो देखो यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में क्या क्या दिया हुआ बच्चों, सेम कौन से बच्चों, यहाँ पर दिमाग लगाना, यहाँ पर बीमारी को नाम देना और क्वालिटी को जाना बच्चों, तो वैसे इन्फेक्शन या वैसे मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स का फैलता, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं लोग वेनर डिजीज, उसको बोलते हैं लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है, यहाँ पर देखो तो पहला गोनोरिया, लिख लो बच्चों, नेसेरिया गोनोरिया, लिखो बच्चों, कौन करता है, लिखो नेसेरिया गोनोरिया, नेसेरिया स्पेलिंग लिखना NESSERI, नेसेरिया गोनोरिया, अगला लिखो सिफिलिस, सिफिलिस क्या लिख लो, ट्रेपेनोमा प्लेडियम, ट्रेपेनोमा प्लेडियम, बहुत नीट में लास्ट 2 साल से बचना रहा है, मैं तो फॉलोइंग पूछता है, ठीक है, आंसर में दिया बट फिर पूछता है बच्चों, जेनिटल हर्पीज, क्या बच्चों, जेनिटल हर्पीज, लिख लो, कौन करता है, हर्पेक्स सिंप्लेक्स वायरस करता है बच्चों, ठीक है, अगला है क्लैमाइडियासिस, क्या बच्चों, क्लैमाइडियासिस, लिखो बच्चों, कौन करता है, लिखो क्लैमाइडिया, लिखो बच्चों, क्लैमाइडिया बैक्टीरिया करता है बच्चों, क्लैमाइडिया बैक्टीरिया करता है बच्चों, अगला लिखो जेनिटल वार्ड्स, लिख लो बच्चों, स्किन टू लेने के साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कौन करता है बच्चों, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करता है, कौन, जेनिटल वार्ड्स कॉज करता है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगला लिखो बच्चों, ट्राइकोमोनासिस, लिख लो बच्चों, क्या लिखो बच्चों, लिखो ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस, ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस बच्चों, ठीक है बच्चों, अगला हेपेटाइटिस बी, कौन करता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस करता है, अगला क्या बच्चों, एड्स, कौन करता है, एचआईवी वायरस बच्चों, तो सबको स्क्रीन पर लेना है बच्चों, देखो ये सब बाबू कुछ आपके डाटा दे रखे हैं जो कि बीमारी कॉज करता है बच्चों, जो कि बीमारी बच्चों कॉज करता है, और बी वाले पेप्टाइड को अलग वाले में ग्रो करवाया, तो ए एंड बी अलग करवाया, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपसे पूछेगा कि इंसुलिन का जीन इंसान के किस क्रोमोजोम पे होता है, तो याद रखना ये होता है क्रोमोजोम नंबर 11 पे, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पीएमटी में आने लायक है, क्रोमोजोम नंबर 11 पर बेसिकली इंसुलिन का वो जीन होता है इंसान के अंदर, इनका जो क्रोमोजोम 11 पे जीन है उस जीन को एक्सट्रैक्ट किया और उस जीन को वेक्टर के साथ पुट किया और वेक्टर के साथ पुट करके उसको फाइनली
इसरिसिया कोलाई के अंदर ग्रो किया। नो ए चैन अलग बन गया, बी अलग बन गया और फाइनली ए और बी को निकाला और दोनों को कंबाइन किया कैसे, बाय क्रिएटिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो ए और बी के बीच लगा दिया। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहा है। तो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड के बीच वी हैव गॉट समथिंग दैट इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। हां दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिन, दिस मैनमेड इंसुलिन इज कॉल्ड ह्यूमिलिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है कि गोल्जी अपैरेटस जो है इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। ये बड़े बड़े नाम है लेकिन जान लो ये चीज क्या, ग्लाइको, ये बात याद रखना। दुनिया में कहीं भी ग्लाइको देख लो इसका एसिटिक एसिड, एस्परजिलस निगर सिट्रिक एसिड, इसको ध्यान रख लोगे। कोस्टिडियम ब्यूटालिकम, नाम ही में लगा हुआ ब्यूटालिकम, क्या बनाएगा ब्यूटालिक एसिड। लैक्टोबैसिलस, नाम में लगा हुआ लैक्टो, मतलब बनाएगा क्या लैक्टिक एसिड। याद साइक्लोस्पोरिन ए, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं किसमें, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पैटर्न। तो मैं काफी डिटेल पा चुका हूं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लिख लेना, रेफर टू ह्यूमन हेल्थ डिजीज, वहां जाके उसके क्रैश कोर्स में देख लेना, डिटेल पा चुका हूं। क्या बोलता हूं मुंह से बोलता हूं, रिपीट कर देता हूं। देखो ट्रांसप्लांट करने के बाद हम लोग पेशेंट को छोड़ देंगे ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रांसप्लांट करने के बाद होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है बच्चों, कोई भी ग्राफ्ट लगाओगे तो क्या होगा, बॉडी का जो सीएमआई होता है कौन सा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कौन बनाता है बताओ, ये बनाता है टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट में कौन सा बाबू, टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर, याद आ रहा है ना, ये बनाता है टी लिम्फोसाइट में कौन सा होगा, टी साइटोक्सिक या टी किलर। तो वो ये क्या करता है, ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग करना क्या करेगा, इससे बचने के लिए हम लोग को क्या होगा, आदमी को देना होगा इम्यूनोसप्रेसिव, तो हम लोग उसके इम्यून सिस्टम को दबा कर रखेंगे, सो दैट क्या करे ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं हो जाए। दैट इज द कांसेप्ट। किससे ऑप्टेन करते बताओ, फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बच्चों, ठीक है। ये फिर से क्वेश्चन नीट 2020 में आएगा, ये पैराग्राफ से क्वेश्चन बहुत सियोर से फिर से आना, ठीक है। हां वेरी गुड आंसर, चलो ठीक है। पीकेस आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है बाबू, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कह सकते हो, नहीं पैसिव नहीं बाबू, वो पैसिव इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है, वो क्या एक्टिव इम्यूनिटी बाबू, बॉडी के अंदर तो माइक्रोब को डाल रहे हो और इम्यूनिटी देखो एक्टिव इम्यूनिटी, दैट इज नॉट आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। चलो आगे आते हैं, तो क्या बोल रहे बच्चों, देखो यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम को यूज करेंगे, क्या बाबू फंगस है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बच्चों, साइक्लोस्पोरिन ए से याद रख लोगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, याद बच्चों ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में काफी डिटेल्स में पढ़ा चुका हूं आपको, ह्यूमन हेल्थ में क्रोमोसोम नंबर 6 का मैचिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं वगैरह वगैरह, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलो आगे बच्चों, देखो अगला स्टैटिन, स्टैटिन कौन बनाता है बच्चों, ईस्ट बनाता है, कौन सा ईस्ट, देखो मोनिस्कस परपुरस, मोनिस्कस परपुरस एक ईस्ट है जिससे बनता है स्टैटिन, जिसको हम यूज करते हैं एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट। तो देखो वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट यूज करते हैं, तो आप कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी मैं डिटेल पढ़ा चुका हूं, बस सुन लो मेरे मुंह से दो लाइन। तो देखो कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, तो लिख लो इसको प्लीज, देखो टू स्टाइल को एंजाइम ए, ठीक है बच्चों, टू स्टाइल को ए क्या होता है बच्चों, ये टू स्टाइल को ए बहुत सारे स्टेप्स करते हुए बच्चों क्या अल्टीमेटली क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, क्या बनाता है बच्चों स्टेप्स। जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, बहुत तरह से पूछता है, पूरा पाथवे पूछता है, ठीक है। तो क्या बोला मैं, देखो बच्चों टू स्टाइल को ए क्या बनाता है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल कितना होता है 27 कार्बन का होता है, ये कितना कार्बन का होता है, फॉर्मूला क्या बच्चों T27 H46O, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो मेरे काम का वो बताऊंगा मैं। तो बच्चों समझो क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल बनने के टाइम में, समझो बच्चों प्लीज समझो, कोलेस्ट्रॉल बनने के टाइम में, हाँ वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर साइमा, साइमा बता सकती हो कि तुम ये किस स्टेप को इनहिबिट करता है, एंजाइम का नहीं पता कौन स्टेप करता है। चलो तो लिखते हैं बच्चों, तो देखो ये जो कोलेस्ट्रॉल बनता है बच्चों, इसमें एक बीच में स्टेप होता है, बीच में एक स्टेप होता है, हम लोग जूम करके देखते हैं बच्चों, बीच में एक स्टेप होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, याद रखना उस स्टेप में क्या होता है, उस स्टेप में HMG लिखो बच्चों, HMG कोई, मैं फिर बोला रैंकर के लिए क्वेश्चन है, ये टॉप रैंकर के लिए क्वेश्चन, इसको 90 में 90 करना उसके लिए बच्चों। लिखो HMG कोई एक बहुत सब्सट्रेट होता है बीच में, जो कि कन्वर्ट होता है किसमें, लिखो मेवालोनेट में, किसे वो मेवालोनेट में, और इस कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम चाहिए, इस कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम चाहिए, कौन सा एंजाइम, इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, HMG CoA रिडक्टेज, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, HMG CoA रिडक्टेज, ठीक है। तो बाबू जो हम लोग स्टैटिंस देते हैं, स्टैटिंस क्या करता है बच्चों, स्टैटिंस जाके क्या करता है, वेरी गुड, इस एंजाइम को क्या करता है बच्चों, इस एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है बच्चों, इस एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट, कैसा इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कैसा बाबू, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करेगा, ये जाके क्या करेगा, ये जाके वहां पे उसको बाइंड करने से रोक देगा, ठीक है बच्चों, दिस इज द कांसेप्ट। तो HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिट करता है किस एंजाइम को, तो सिंपल सा कांसेप्ट बताओ, अगर ये प्रोसेस रास्ते में रुक गया, मतलब HMG कोए मेलाफोलेट नहीं बना, तो मेलाफोलेट आगे बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने स्टैटिंस को देके कहीं ना कहीं बाबू इस स्टेप को रोक दिया, तो आपसे नीट पूछेगा पहला क्वेश्चन, स्टैटिंस किस एंजाइम को इनहिबिट करता है, आंसर क्या जाएगा, HMG कोए रिडक्टेज, ठीक है बच्चों, लवर्स ऑफ फाइव स्टार, HMG कोए रिडक्टेज पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, HMG कोए रिडक्टेज किस चीज को किस चीज कन्वर्ट करता है, HMG कोए टू मेलाफोलेट, तो आपसे नीट में ऐसे पूछ सकता है कि स्टैटिंस को देके हम लोग कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाते हैं, तो स्टैटिंस किस चीज को बनने से रोकता है, अगर सपोज कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन नहीं देता है तो क्या जाएगा बच्चों, मेवालोनेट, क्या जाएगा बच्चों, मेवालोनेट जाएगा, दैट्स मेक्स सेंस टू यू। चलो बताते हैं कॉन्सेप्ट, तो इस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकते हैं, ओके बच्चों। ना बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की, कहां गया कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की बच्चों, याद रखना कोलेस्ट्रॉल कहां होता है बच्चों, याद रखना बहुत जगह होता है, सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों, लीवर में होता है, सबसे ज्यादा कहां बच्चों, लीवर में, उसके अलावा कहां बच्चों, एडिपोज टिश्यू में। अब तो मैं आंसर तो मेरे क्वेश्चन का, अगर हम लोग के बॉडी में, अगर हम लोग के बॉडी में, मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं, अगर सपोज करो मेरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिपीट तो नहीं करना ना। तो बाबू ये क्या कर रहा है, देखो स्टैटिंस ऐसे दवाइयां होती है बाबू, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इनहिबिट करता है किसको, इनहिबिट करता है इस स्टेप को, HMG कोए को मेवालोनेट बनने में, और इस तरह से क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनने से रोकता है। चलो तो बाबू ये तो आपको आ गया, ना आगे का पॉइंट देखता हूं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे अभी तक, नहीं लिए तो बोलना फिर से मैं लाके दिखा दूंगा। चलो तो बाबू और कुछ पॉइंट होना चाहिए, तो क्या ऐसा फायदा हुआ, क्यों हम लोग किए,
तो अभी याद रखना होगा चीज को, तो देखो इसको लिखो बच्चों, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत सारा बॉडी में फायदा करता है ऑलरेडी आपको पता होगा, तो लिखो बच्चा बच्चों पहला क्या देखो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बनाता है, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बनाता है, ये पता होगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, क्या कह सकते हो आप लोगों को, मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी, एक सेकंड कर लीजिए, क्लास ले रहे हैं, क्या हुआ नीट ट्रिक बाजी, अरे बाबू ले नहीं, मैं पूछ रहे हैं क्वेश्चन, पूछ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को मेंटेन करता है बच्चों, ठीक है, पॉइंट ध्यान रख लो, आगे लिखो क्या करें बच्चों, लिख लो बच्चों, आगे लिख लो स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, बच्चों बॉडी के अंदर जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो कैसे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है, स्टेरॉयड पता होगा ना, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों विटामिन डी सिंथेसिस, बच्चों विटामिन डी सिंथेसिस कौन करवाता है, कोलेस्ट्रॉल करवाता है, बच्चों ये सब आपके यूज है, बाकी आपको नॉर्मली बताते हो कितना होता है बच्चों, लेस देन 200 मिलीग्राम पर कार्ड, ये देखो स्लाइन को, तो बेसिकली देखो अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, बट इसको डिसप्रूव कौन कर दिया, इसको डिसप्रूव कर दिया आगे जाके किसने, देखो दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेर, बच्चों देखो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, डीटी पूछ सकता है एम्ब्रियोलॉजिकल इवोल्यूशन को डिसप्रूव कौन किया, कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेर, तो बच्चों नाम बहुत बड़ा है, आपको बच्चों कम से कम दो लाइनें रखना है बच्चों, क्या वॉन बेयर याद कर लोगे बच्चों, वॉन बेयर याद कर लोगे, देखो अर्नेस्ट यहाँ पर भी है, कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, ठीक, और अर्नेस्ट यहाँ पे भी है, इनफैक्ट मैं भी पढ़ा था, मैं भी चौंक गया थोड़ी देर में, ठीक है, इसको डिस्प्रूव किया किसने, वॉन बेयर साहब ने, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, तो ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहने का मतलब सपोज करो दो वेक्टर है, एक वेक्टर का ओआरआई 100 कॉपी देता है और एक वेक्टर का ओआरआई 60 कॉपी देता है, आप किसको प्रेफर करोगे, ऑब्वियसली 100 वाले को, तो हम लोग हमेशा और हमेशा उस ओआरआई को चूज करेंगे जिसका जो सॉरी हमेशा और हमेशा उस वेक्टर को चूज करेंगे जिसका ओआरआई ज्यादा सपोर्ट करता है, किसको, हाई कॉपी नंबर को, देखो क्या लिखा हुआ है, सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर व्हिच ओरिजिन सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर, समझ में आ गया बच्चों, तो पहला पॉइंट इजी है, तो मैं प्लीज प्लीज बोल रहा हूं, हम लोग ओआरआई में नहीं, हम लोग ओआरआई के साथ, बोला ना आप लोगों की अगर किसी का विधायक से लिंक है, तो समझ नहीं कि विधायक के अंदर घुस गया, वो विधायक से लिंक है मतलब सपोज करो पूरा विधायक है और विधायक का ये पोर्शन है, ओके अब समझ में आ गया होगा, चलो आगे आते हैं, किसी को डाउट हो तो बच्चों, फ्री आरएनए है मतलब बच्चों क्या है, सिर्फ एक आरएनए है बच्चों, और यहां पे क्या देखो, यहां पे प्रोटीन कोट नहीं है बच्चों, प्रोटीन कोट नहीं है, अब्सेंट है बच्चों, जो कि वायरस से मिलता है बच्चों, और इसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग वायरॉइड बोले बच्चों, ध्यान रखना यहां पर, पहला लाइन बच्चों यहां पे आरएनए है, प्रोटीन कोट अब्सेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन नीट में आया था 2 साल पहले, नाउ आरएनए ऑफ द वायरॉइड की बात करेंगे तो बच्चों क्या है, काफी लो मॉलिक्यूलर वेट का है, मॉलिक्यूलर बच्चों कम है, देखो वायरॉइड क्या बच्चों, वायरॉइड लग रहा है वायरस का छोटा भाई, इसके लिए क्या बनाया गया, एक बनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि कहीं ना कहीं जो भी डिलेटरस इफेक्ट ओजोन को उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करता है बच्चों, और ये बच्चों मॉन्ट्रियल बच्चों कहाँ पर, कनाडा में बच्चों, तो क्या रखना, कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल एक जगह है बच्चों, उस वहाँ पे साइन किया गया कहाँ पे, 1987 में बच्चों, याद रखना बच्चों, डीटे पूछ सकता है, बट इफेक्टिव का हुआ 1989 में, क्यों बताओ, किस चीज के लिए बनाया गया, टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, तो बच्चों 87 दोनों याद है, और बच्चों बहुत सारे एफर्ट्स बनाए गए हैं बच्चों, ठीक है, वगैरह वगैरह कर रहे हैं, सो दैट कि हम लोग सीएफसी को रिड्यूस कर सके, ठीक है, तो सिंपल कौन सा वाला जिसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम है दोस्तों, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस में दोस्तों, इस प्रोसेस में हमें क्या मिलता है दोस्तों, हम लोग को मिलता है जीटीपी, इस प्रोसेस में दोस्तों हम लोग को क्या मिलता है, जीटीपी, अब जीटीपी कहो या एटीपी कहो, जीटीपी और एटीपी बात एक ही है, जीटीपी और एटीपी बात एक ही है, अब मैंने तुम लोग को बताया था कि जो एनएडीएच है और जो एफएडीएच है दोस्तों, एनएडीएच और एफएडीएच है ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम, मतलब इनसे एटीपी निकालने के लिए तुमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे तो तुमको डायरेक्टली एटीपी मिल रहा है, मतलब जीटीपी मिल रहा है, लेकिन एटीपी जैसा है ना, तो डायरेक्टली एटीपी जीटी मिल रहा है, जीटीपी मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन, समझे ना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन कहते हैं इसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमको एटीपी जीटीपी मिल रहा है दोस्तों, डायरेक्टली एटीपी जीटीपी मिल रहा है, उसको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, ठीक है, कितना मिल रहा है हमको एटीपी जीटीपी दोस्तों, हमको इस पूरी साइकिल में देखो यहीं पे खाली मिल रहा है, तो एक मॉलिक्यूल का एक साइकिल हमको सिर्फ एक एटीपी जीटीपी दोस्तों मिल रहा है, एक एटीपी जीटीपी, तो एक एटीपी जीटीपी यहाँ पे मिल रहा है, और रिड्यूस कोएंजाइम कितने मिले, एनएडीएच यहाँ मिला, एनएडीएच यहाँ मिला, एफएडीएच यहाँ मिला, एक ऊपर भी एनएडीएच मिलता है, टोटल 3 एनएडीएच रिड्यूस्ड और एक एफएडीएच मिलता है, और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन वाला एटीपी का या जीटीपी का दोस्तों, ठीक है, सही था बच्चों, यहाँ पे क्या बोला मैं, देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल क्या किया, नेगेटिव फीडबैक दिया किसको, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, बच्चों एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन निकल रहा है बच्चों, वेरी गुड, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन निकलता है, तो इसको भी नेगेटिव फीडबैक देना चाहिए था, इसको भी नेगेटिव फीडबैक देना चाहिए था बच्चों, बट वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा बच्चा रखना, ये एस्ट्रोजन क्या करता है बच्चों, उल्टा क्या करता है बच्चों, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, क्या करता है बच्चों, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, इंपॉर्टेंट कौन सा बच्चों, तो ये ग्रोइंग एस्ट्रोजन बच्चों, देखो ये एस्ट्रोजन क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और क्या करता है बच्चों, एलएच को बढ़ाता है और एफएच को बढ़ाता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा, फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ग्रोइंग फॉलिकल,
ग्रोइंग फॉलिकल से निकला क्या एस्ट्रोजन, इसको देना क्या चाहिए था नेगेटिव फीडबैक, बट उल्टा क्या देता है बॉडी, एक्सेप्शन है बॉडी का, ये वो क्या करता है पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको ये देता है बच्चों पॉजिटिव फीडबैक, किसको पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्या करता है बोलो एफएसएच को बढ़ाता है, वेरी गुड बच्चों, और एलएच को बढ़ाता है, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बच्चों, दिस इज द एक्सेप्शन बच्चों जो आपको याद रखना है, सबको क्लियर जल्दी बोलो, सब लोग को क्लियर है चीज, डन बोलो, बाकी ग्राफ सब कुछ क्लियर है, ग्राफ हर कुछ क्लियर जल्दी बोलो, सबको दिख रहा है बच्चों, देखो ये क्या दिख रहा है, ध्यान से दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या बच्चों क्या करेगा फॉलिकल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल के साइज को बढ़ाएगा बच्चों, अगला क्या देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच है बच्चों, तो देखो क्या होगा सिंपल कांसेप्ट है, एलएच का लेवल देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो एलएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ रहा है, वेरी गुड बच्चों, बढ़ रहा है, वेरी गुड, और देखो बच्चों एफएसएच का लेवल बच्चों धीरे धीरे बढ़ रहा है, एफएसएच का लेवल बच्चों देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों, तो देखो पहला कांसेप्ट समझो, देखो नीट का क्वेश्चन, एलएच एलएच का लेवल बढ़ता है, एफएसएच का चांस क्या दोनों को बढ़ता है, देखो बच्चों एलएच का लेवल बढ़ता है, एफएसएच का लेवल बढ़ता है, याद रखना वेरी गुड कांसेप्ट, पहला क्वेश्चन एलएच सर्ज भी होता है बच्चों और एफएसएच सर्ज भी होता है बच्चों, एलएच सर्ज भी होता है बच्चों और एफएसएच का सर्ज भी बच्चों होता है, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट बच्चों, याद रखना बच्चों एलएच सर्ज और एफएसएच सर्ज दोनों होता है, ठीक है बच्चों, नाउ अब देखो नीट में क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, नीट में क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, नीट में क्वेश्चन आएगा पहला क्वेश्चन, अब दोनों को मतलब समझो बच्चों, दोनों को मतलब समझो, सर्ज का मतलब क्या होता है और पिक का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर फोकस करो, यहाँ क्या दिख रहा है, देखो एलएच यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया बच्चों, एलएच यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया बच्चों, और देखो यहाँ तक बढ़ा बच्चों, देखो ये जो ड्यूरेशन है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्यूरेशन बच्चों दिख रहा है, हाँ इसको मैं फोकस करो बच्चों, देखो इसको मैं डार्क कर रहा बच्चों, तो जिस ड्यूरेशन तक बच्चों, जिस ड्यूरेशन तक एलएच का लेवल बढ़ा हुआ बच्चों, इस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों एलएच सर्ज, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एलएच सर्ज बोलते हैं, समझो बच्चों, बहुत खतरनाक खतरनाक चीज बताऊंगा मैं, तो बच्चों आपसे पूछेगा नीट में कि एलएच सर्ज कब होता है बच्चों, याद रखना 36 लिख लो इसको, लिखा हुआ है ठीक है, मतलब 36 आवर बिफोर ऑवुलेशन बच्चों, बच्चों याद रखना ऑवुलेशन से, देखो ऑवुलेशन कहाँ हो रहा है, ये देखो ये ऑवुलेशन है 14th ऑवुलेशन बच्चों, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक समझो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है 36 घंटा होता है बच्चों, याद रखना एलएच सर्ज 36 घंटा पहले शुरू हो जाता है, एलएच सर्ज 36 आवर बिफोर ऑवुलेशन शुरू हो जाता है बच्चों, बट आपसे पूछेगा बच्चों एलएच पीक कब होता है, तो पीक कहाँ होता है बच्चों, देखो एलएच का लेवल हाईएस्ट कहाँ है, हाईएस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलएच पीक बोलते हैं, हाईएस्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, एलएच पीक बोलते हैं, तो दोनों वर्ड मतलब समझ आ गया बच्चों, देखो जहाँ से बढ़ना शुरू हुआ उसको क्या बोलते हैं सर्ज बोलते हैं, और जहाँ पे हाईएस्ट को क्या बोलते हैं एलएच पीक बोलते हैं, बच्चों पूछेगा एलएच पीक कब होता है, आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर जाएगा बच्चों बोलो 12 आवर बिफोर ऑवुलेशन बच्चों, बच्चों याद रखना वेरी गुड आंसर, 12 आवर बिफोर ऑवुलेशन, ठीक है बच्चों, दैट इज कांसेप्ट बच्चों, याद रखना बच्चों ये 36 घंटा पहले होता है बच्चों, ये 12 घंटा पहले होता है, बट सपोज नेटिव 36 नहीं आएगा तो आंसर क्या जाएगा बच्चों 32 से 36 घंटा, क्या जाएगा बच्चों 32 से 36 घंटा, बच्चों यहाँ पे 12 घंटा ऑप्शन आंसर क्या जाएगा 10 से 12 घंटा, बच्चों देखो कोई भी रेंज में याद रखना बच्चों, कोई भी आपको रेंज में याद रखना है 10 घंटा और 32 से 36 घंटा, बच्चों समझ गया क्या समझ में आया बच्चों, देखो एलएच जब बढ़ना शुरू हुआ तो बच्चों बढ़ना शुरू हुआ से लेकर टिप तक, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस करो बच्चों यहाँ पर ऑवुलेशन बच्चों ये रहा, और ऑवुलेशन से कितना घंटा पहले बच्चों 12 घंटा, कुछ समझ में आ गया बच्चों, यस समझ में क्या बच्चों, समझ में यही आया हम लोगों को, क्या समझ में आया बच्चों, समझ में मेरे तो यही आया कि एलएच सर्ज कह लो या एलएच पिक कह लो बच्चों, ये हुआ तब क्या हुआ ऑवुलेशन हुआ, एलएच सर्ज हुआ कि एलएच पिक हुआ तो क्या बच्चों ऑवुलेशन हुआ, तो क्या हुआ बोलो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, तो बच्चों याद रखना मियोसिस 1 और ऑवुलेशन दोनों के दोनों एलएच सर्ज एलएच पिक से होता है बच्चों, कोई दिक्कत बच्चों कर लोगे नाउ, अब बच्चों क्या दिख रहा है देखो एफएसएच का लेवल दिख रहा है बच्चों हाईएस्ट, दिख रहा है एफएसएच का बच्चों लेवल क्या होता है बच्चों हाईएस्ट, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ठीक है बच्चों, तो देखो एग्जांपल्स तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी वाला याद करना है, तो बच्चों याद रखना मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है बच्चों, ना ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करेंगे तो क्या है बताओ, लिख लो सिकल सेल एनीमिया, लिख लो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है बच्चों, अगला लिख लो सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगला लिख लो सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगला लिख लो एल्बिनिज्म, तो बस तीन एग्जांपल आपके सिलेबस में है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और एल्बिनिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्सलिन डोमिनेंट का एक ही एग्जांपल है वो काफी रेयर होता है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, और जल्दी कवर हो जाएगा पता है तुम्हारा, जेनेटिक्स जितना हम लोग टाइम लग रहा था उतना ही लगेगा, क्योंकि इसे मेरे को लिखवाना पड़ता है एनसीईआरटी में, स्पीड से किसी को दिक्कत क्या बोलो, स्पीड सही है जल्दी बताओ, अगला बच्चों देखो सिकल सेल एनेमिया, सब लोग कंफर्म कर दो मेरे को सिकल सेल एनेमिया, अब समझते बच्चों, तो देखो 11th क्रोमोजोम पर, डीएनए के 11th क्रोमोजोम पर, मतलब इंसान के सेल के अंदर क्रोमोजोम नंबर 11 पे क्या होता है बच्चों, जीन होता है, किसका, बीटा जीन बनाने का जीन होता है, कोई दिक्कत नहीं, ओके ना, होता क्या समझते बच्चों, इस केस में क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन क्या करता है बच्चों, ठीक है बच्चों याद रखना, पीसीटी वाले में अलग से देखता हूँ बच्चों, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, मैं तो अभी जस्ट लिखा हुआ था फिर से लिख दे रहा हूँ बच्चों, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में क्या लिखो, ब्रस बॉर्डर बच्चों, ब्रस बॉर्डर बोलो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है यहाँ पर क्यूबॉइडल है बच्चों, यहाँ पर ब्रश बॉर्डर है, मतलब बेसिकली क्या है बताओ, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है बच्चों, और जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है बच्चों तो ये क्या करता है, ये देता है अपीयरेंस ऑफ ब्रश और सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है गाइस कॉपी कर लेना फटाफट इसको, चलो ऑटोमेटिक क्या करेगा, डीएनए को डैमेज करेगा और म्यूटेशन करेगा, और इससे क्या होगा, एजिंग ऑफ स्किन होगा, ठीक है बुढ़ापा जल्दी आएगा, डैमेज टू स्किन होगा, एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर बच्चों, याद रखना इट कैन कॉज स्किन कैंसर, मोस्ट कॉमन इज मेलानोमा, ठीक है इट कैन कॉज मेलानोमा आल्सो, स्किन कैंसर को मेलानोमा बोलते हैं, इन ह्यूमन आई कोरोना कॉर्निया एब्जॉर्ब, तो कॉर्निया का काम क्या होता है, कॉर्निया को पता होगा आगे होता है, ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड अगर हाई डोज पड़ जाएगा इसका अल्ट्रावायलेट रहेगा तो इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन कॉर्निया बच्चों, ये कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन करवा देगा बच्चों, यानी कॉल स्नो ब्लाइंडनेस बच्चों, क्या रखना बच्चों, स्नो ब्लाइंडनेस का नाम लिख लो क्या होता है, तो स्नो ब्लाइंडनेस को बच्चों बोलते हैं देखो फोटोकेरिटिस बोलते हैं बच्चों, इस नाम से भी आ सकता है, ठीक है इस नाम से बच्चों एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग सोचना ये मत सोचना कि नहीं आएगा, ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीज है,
ओके गाइस, तो बच्चों स्नो ग्लैंडिस नाम से याद रखते हैं बच्चों, हम लोग बोलते हैं क्या लिखो, फोटो केराटाइटिस ठीक है बच्चों। और इसका हम लोग बच्चों तीसरा नाम क्या लिखो, आर्क आई बोलते हैं बच्चों। किसमें कॉमन होता है, तो जो आदमी सपोज करो गलती से अल्ट्रावायलेट बी का डोज ज्यादा देर तक ले लिया, ज्यादा देर तक उसको देख लिया अपने नेकेड आई से, तो उसको दिक्कत हो जाएगा बच्चों। हम लोग फोटो केराटाइटिस बोलते हैं, मतलब बेसिकली कॉर्निया जो बच्चों डैमेज हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली दैट इज कॉल्ड कुपोषण से वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स बच्चों। एक अल्टरनेट सोर्स क्या साइंटिस्ट को सोचा, वो सोचा कि चलो हम लोग क्यों ना यूज कर सके क्या प्रोटीन्स को, किसके प्रोटीन्स को, ऑफ फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो देखो वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स फॉर प्रोटीन्स फॉर एनिमल्स, तो बच्चों देखो एनिमल्स और ह्यूमन रिप्रेजेंट के लिए अल्टरनेट सोर्स क्या दिखा हम लोग को, सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन हम लोग को अल्टरनेट सोर्स दिखा, तो कांसेप्ट क्या है, देखो सिंगल सेल प्रोटीन हम लोग करके आ रहे हैं, ऐसे माइक्रोब जिसको हम लोग ग्रो कर रहे हैं, मतलब किसमें माइक्रोब जिसको हम लोग ग्रो कर रहे हैं इंडस्ट्रियल स्केल में, मतलब कैसे एज अ गुड सोर्स फॉर प्रोटीन बच्चों। क्या एग्जांपल देखो बच्चों, पहला एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक एस्पर्गिना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, करना ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको क्या बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं बच्चों। ब्लू ग्रीन एल्गी हम लोग ग्रो करते हैं बच्चों कहां पर, मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो बच्चों, पोटैटो वाटर जो होता है अगर सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज होता है दोस्तों, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है किसको, जो स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं लोग, स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं दोस्तों, समझे ना, स्पेस ट्रैवलर खाने की तरह यूज, किसे, क्लोरेला को, किसके लिए यूज करते हैं, क्लोरेला को। क्लोरेला क्या है दोस्तों, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है, एक सेल वाला यूनिसेलुलर एल्गा है जो प्रोटीन से भरा रहता है, समझे ना, इसलिए इसको फूड खाने की तरह यूज करते हैं कौन, स्पेस ट्रैवलर्स। और वैस्कुलर बंडल्स क्या रहते हैं, देखो डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल्स के बीच में कैंबियम होता है तो ओपन रहता है, इसमें क्या है कंजॉइंट और क्लोज्ड है, क्योंकि वो आगे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकते, इनके अंदर कैंबियम नहीं है दोस्तों, ठीक है। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन सेंट्रली, तो सिंपल बात है, सेंटर वाले जो रहते हैं वो थोड़े बड़े रहेंगे, वैस्कुलर बंडल्स बाहर जाते हैं छोटे हो जाते हैं। क्या लिखा, देखो मेंडल सेलेक्ट किए 14 ब्रीडिंग वैरायटीज को एज पेयर्स व्हिच वेयर सिमिलर एक्सपेक्ट फॉर वन कैरेक्टर, देखो बाकी सब कैरेक्टर सिमिलर था दोनों में, बट डिफरेंस क्या था बच्चों, एक ही कैरेक्टर, जैसे कि हाइट की बात करेंगे तो एक टॉल था एक डॉट था, बाकी 6 कैरेक्टर दोनों का क्या था, सेम था, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कैसे स्टोर होता है, तो इनके अंदर फूड स्टोर होता है फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में, रेड एल्गे में फूड कैसे स्टोर होता है दोस्तों, फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में। फ्लोरिडीन स्टार्च जो होता है वो किसकी तरह दिखता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह दिखता है। एनिमल्स में ग्लाइकोजन मिलता है, अमाइलोपेक्टिन मिलता है, उसकी तरह एल्गे में क्या मिलता है, फ्लोरिडीन स्टार्च, उसकी तरह क्या मिलता है, फ्लोरिडीन स्टार्च। इसका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है दोस्तों, देखो इसका पर देखो डुप्लीकेट अभी नहीं करेगा बच्चों, G2 तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, जीवन क्या है, जीवन वो फेज है जो है, बताओ किसके बीच, माइटोसिस के बीच और इनिशिएशन ऑफ डीएनए, मतलब एस में क्या होगा, एस में होगा डीएनए रिप्लेसमेंट बच्चों, मतलब जीवन वो फेज है जो डीएनए रिप्लेसमेंट से पहले का है और माइटोसिस के बाद का है। जीवन फेज के बीच सेल मेटाबॉलिक एक्टिव है और बच्चों क्या होगा, कंटिन्यू ग्रो करेगा साइज में, बट यहाँ पर देखो डुप्लीकेट अभी नहीं करेगा, डुप्लीकेट करेगा एस फेज में करेगा। एस और सिंथेसिस फेज में बच्चों वो पीरियड है जहाँ छोड़ दिया बच्चों, क्या लिखा देखो, हिसार्डल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ शिप, तो बच्चों हिसार्डल एक शिप है जिसको कि पंजाब में बनाया गया, वैसे कैसे, बाय क्रॉसिंग बीकानेरीज एंड मैरिनो रैम बच्चों, तो बीकानेरीज और मैरिनो रैम्स को कंबाइन करके बनाया गया है, हिसार्डल बनाया गया बच्चों, हिसार्डल बीकानेरी इज एंड मैरिनो रैम्स बच्चों, याद रखोगे नीट में आ सकता है बच्चों ये भी, और ये सब भी जो मैंने आपको बताया है इसको आपको ध्यान रख लो बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस ब्रीडिंग बच्चों। नाउ आगे और जब बॉडी बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है, टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि तुम किसी को वैक्सीन दिए, BLAC करके क्या है, BLAC कहाँ लिखे हैं यार, हमको दिख ही नहीं रहा है, ये ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगा, अगर दांत ज्यादा काट लिया कुत्ता, ज्यादा दांत गड़ा दिया है तो उस केस में हम लोग को सीरम देना पड़ेगा। चलो गुड इवनिंग मुकेश भैया। चलो तो एक्टिव इम्यूनिटी स्लो है और टाइम लगता है फुल इफेक्टिवनेस देने में, बट इसका इफेक्टिवनेस बहुत तगड़ा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे कि बचपन में आप याद करो, बचपन में जब आप पैदा हुए होगे तो सबको वैक्सीन पड़ा होगा, 2-3 वैक्सीन सब लिए होंगे, और पोलियो का तो लिए होंगे, बेसिस लिए होंगे, कुछ लोग हेपेटाइटिस का लिए होंगे, अब मिलना शुरू हो गया, पहले जब हम लोग के टाइम में नहीं मिल रहा था। चलो ओके, वीडियो को बैक करके सुन लेना, समझ में क्या बोल रहे हो, रेविज के नीचे, रेविज के नीचे लिखा ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग होगा ज्यादा चोट होगा तो हम लोग सीरम देना पड़ेगा। तो सिंपल द कॉन्सेप्ट है, प्लीज स्क्रीन पर देखो मेरे, टाइम ज्यादा लगेगा फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में। तो क्या कर रहे हैं देखो, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्टस ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स को हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं कब, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में,
और इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म को खोल रहे हैं और बॉडी में नेचुरल इन्फेक्शन ये क्या करता है एक्टिविटी देता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ट बना के चार्ट आप लोग नाम से बना लेना लेकिन रेडीमेड एंटीबॉडी जो हम लोग बॉडी को देंगे उसको हम क्या बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी पैसिव का दो टाइप क्या एक्टिव एंड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल तो आप क्या लिखा होता है मदर के मिल्क में पता है क्या होता है मदर के मिल्क में क्यों देते हैं क्योंकि मदर के मिल्क में होता है कोलेस्ट्रॉम एंड कोलेस्ट्रॉम में क्या होता है कोलेस्ट्रॉम में होता है एबंडेंट आईजीए बट ये लाइन इनफ नहीं है याद रखना कोलेस्ट्रॉम में आईजीए नहीं कोलेस्ट्रॉम में सब होता है आईजीए भी आईजीडी भी आईजीएम भी आईजीए भी कोलेस्ट्रॉम के अंदर सारा होता है बट में होता है आईजीए होता है ठीक है इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है एबंडेंट लिखा हुआ है तो ये बच्चे को मिलता है और फिटस कुछ ना कुछ एंटीबॉडी प्लेसेंटा से मिलता है कौन सा आईजीजी वाला एक एग्जांपल है पैसिव इम्यूनिटी का किसी को कोई डाउट यहां तक जल्दी बताओ किसी को R for rough strain, R for बच्चों rough strain, याद रखोगे, R rough strain है, और one क्या है, simple सा बात है, इस रिसिया कोलाई को जो हम लोग grow किए, तो उसके strains में देखेगा कि जो first वाला था बच्चों, Eco R1, वो कट किया किस sequence में, very very important, NEET में, अभी तक पता नहीं, NEET वालों का favorite question क्यों है, NEET वालों का ये favorite question क्यों है, अभी तक last 10 सालों में, 5 बार जरूर पूछोगे इसको, Eco R1 का sequence क्या होता है बच्चों, ठीक है, तो होता है GATC, चलो, तो आपको ये clear हो गया, ये पढ़ लेना बच्चों, जो मैं खुद बोल दिया वही लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक foreign DNA कह लो, या desired DNA कह लो, या जीन ऑफ इंटरेस्ट कह लो ये मेरा हाँ मलयालम ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ठीक है जो कि मेरा डीएनए है एलियन डीएनए सो कर सकते हो एलियन डीएनए कर सकते हो जो तुम कहना कह लो सारा नाम एक ही चीज है चलो तो ये क्या कि हम लोग अब दोनों में कट लगा रहे हैं तो यहां पर गैट्सी सीक्वेंस खोल लिया कौन एंजाइम इक्वल वन यहां पर गैट्सी को खोल लिया अब देखो जब भी गैट्सी को खोजता है तो प्लीज एंड प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट कभी भी जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो क्या करता है देखो गैट्सी की बात करेंगे सॉरी इक्वल वन की तो इक्वल वन क्या किया गैट्सी खोल लिया और ये कट लगाता है कहां पर देखो जी और ए के बीच जी और ए के बीच कट लगाता है तो देखो यहां पर जी और ए के बीच मेरे पेन को देखना कट लगा रहा है यहां पर एनसीईआरटी थोड़ा गलत कर दिया आप लोग के बुक में कुछ और हो सकता है देखना यहां पर ये होगा ठीक करेक्शन कर लेना अगर आपके बुक में गलत है तो करेक्शन कर लेना तो जी और ए के बीच कट लगाया जैसे ही कट लगाया तो क्या होगा यहां पर कट लगने के बाद ये पोर्शन कट के हट जाएगा ये पोर्शन कट के हट गया ये पोर्शन हट गया वेरी गुड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है देखो अ लिटिल अवे वेरी इंपॉर्टेंट अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइड क्या बोला आपको देखो मैं गैट्सी की बात करेंगे तो खुद बताओ गैट्सी का सेंटर क्या होगा देखो 6 लीटर से बना हुआ है 1 2 3 6 सेंटर ये होना चाहिए तो सेंटर में कट करने के अलावा ये क्या कर रहा है लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब ये सेंटर से हल्का हट के जी और ए के बीच सिमिलरली यहाँ पर क्या कर रहा है सिमिलरली यहाँ पर बच्चों क्या कर रहा है जी और ए के बीच कट लगा रहा है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्ट्रैंड को कट तो करता है बट कहाँ कट करता है अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड बट वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट साइड बेस हमेशा दोनों साइड सेम होगा क्यों ताकि स्टिकी एंड इक्वल तरीके का बन पाए इससे क्या हो गया देखो दिस लिव्स सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड्स एंड दे आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स तो जो ये जो बच्चे ओवरहैंगिंग स्ट्रेसेस बने जो अभी जस्ट पिछले डायग्राम में देखे हम लोग स्टिकी एंड बोलते हैं और स्टिकी एंड को स्टिकी एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चिपचिपा होता है और चिपचिपा क्यों है मतलब एक समझने का तरीका बिकॉज यही जाके आगे क्या बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट के साथ और स्टिकनेस ऑफ द एंड जो स्टिकनेस होता है बच्चों यहां पर जो स्टिकनेस होता है ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है एंजाइम को किस एंजाइम को डीएनए लाइगेज के एक्शन को तो डीएनए लाइगेज को फैसिलिटी मिलता है या कह सकते हो कि डीएनए लाइगेज को काम करने में सहूलियत मिलता है आसानी मिलता है व्हाई बिकॉज ऑफ दिस स्टिकनेस तो क्वेश्चन नीट में आ सकता है क्वेश्चन भले तुमको आसान लग रहा होगा क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज ऑप्शन रहेगा स्टिकनेस ऑप्शन रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ कुछ भी रहेगा आंसर क्या जाएगा स्टिकनेस ठीक है बच्चों तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान रख लो इसे मिस कर जाते हैं लोग ना आगे बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कितना है 3.4 नैनोमीटर है इसके बीच दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कितना है बच्चों 3.4 एंगस्ट्रॉम और बात करेंगे लेंथ ऑफ डीएनए की तो देखो इंसान के अंदर लेंथ ऑफ डीएनए कितना हर सेल के अंदर 6.6 देखो डिप्लॉयड सेल के अंदर कितना 6.6 इनटू 9 बेस पेयर तो बच्चों जब हम लोग 6.6 इनटू 10 पावर 9 बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ अरे बोलो ना जी इसे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स सिंपल कांसेप्ट देखो इतना लंबा मेरा डीएनए और हर बेस पेयर के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पढ़ो ना क्या पढ़ो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड टू टाइम होता है बच्चों सेम कांसेप्ट है जिस स्पीड से आप मूव कर रहे हो और जितना टाइम कर ले रहे हो तो आपका डिस्टेंस कवर होगा बच्चों 6.6 इनटू 9 बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस कितना होगा 2.2 मीटर इसका लेंथ ऑफ डीएनए का तो क्वाइट सरप्राइजिंग है बताओ क्यों सरप्राइजिंग है क्योंकि एक जो सेल होता है इंसान के अंदर उस सेल के अंदर सेल की बात छोड़ो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है बच्चों वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होने के बावजूद भी क्या उसका साइज बताओ ओनली एंड ओनली 10 पावर माइनस 6 मीटर बच्चों ठीक है पॉइंट ओनली 10 पावर माइनस 6 मीटर उसका क्या है एक डायमीटर है बच्चों ठीक है उसका एक साइज है बच्चों हमारा दिया हुआ है तो सिंपल कांसेप्ट है 2.2 मीटर चीज को तुम कैसे घुसाओगे इतने छोटे साइज में उसी का कांसेप्ट है बच्चों उसको पढ़ते हैं उसी को हम लोग देखते हैं ठीक है चलो तो बच्चों हम लोग देखेंगे किस तरह से पैकिंग होती है ओके बच्चों नाउ अब सिंपल कांसेप्ट बच्चों देखो न्यूमेरिकल साथ कुछ भी आ सकते हैं ऊपर डाटा लिखा है उसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है और आपके एनसीईआरटी में पूछा भी गया न्यूमेरिकल ठीक है आगे देखते हैं तो देखो नंबर ऑफ बेस पेयर्स बताएंगे इसकी रेशियो को लेके कितना है 4.6 इनटू 6 बच्चों 4.6 इनटू 10 पावर 6 बेस पेयर्स है तो लेंथ कितना निकलेगा बच्चों लेंथ 1.36 मिलीमीटर बच्चों लेंथ कितना है 1.36 मिलीमीटर देखो लेंथ तुम्हारा दिया हुआ है ठीक है बच्चों और बेस पेयर कितना बच्चों दिया हुआ है तो तुमने पूछ सकता है क्या पूछ सकते बताओ डिस्टेंस कितना होगा बेस पेयर के इनटू एक्स कर दोगे तो एक्स कितना आएगा बताओ बच्चों 1.36 मिलीमीटर को बच्चों डिवाइड कर दोगे से 4.6 इनटू 6 बच्चों आंसर निकाल लोगे इससे सब क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में तो सिंपल कांसेप्ट बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स के कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आपको कैसे बनाना है बेस पेयर दिया हुआ है और बेस पेयर के बीच लेंथ नहीं दिया हुआ कुछ एक चीज हिडन छोड़ देगा और एक चीज निकालना होगा बच्चों याद सिंपल कांसेप्ट है लेंथ क्या हो गया बच्चों लेंथ हो गया तुम्हारा बच्चों क्या डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स बताओ बच्चों इनटू क्या हो गया बताओ इनटू नंबर ऑफ बेस पेयर्स ठीक है बच्चों ये फॉर्मूला यूज कर लोगे और सॉल्व कर लोगे नीट में क्वेश्चन आ गया गलती से भी तो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू नाउ अब बच्चों देखो लॉन्ग साइड का डीएनए आपको पूछेगा कहां कितने होता है तो देखो 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होता है बच्चों और 6 एब्डोमेन में होता है बच्चों याद रखना
तीन थोरेक्स में बच्चों और छह एब्डोमेन में होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइन है। कितना बच्चों छह और तीन हो गया। नो, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रेड होता है पूरे बॉडी में। अब बच्चों हेड में भी थोड़ा सा नर्वस सिस्टम होता है, व्हाइल द रेस्ट बच्चों क्या है पूरे बॉडी के वेंट्रल साइड में, मतलब बेली साइड पेट साइड स्प्रेड होगा, पेट दिखेगा बच्चों। ठीक है, ओके, सुनते हैं जो कहता बच्चों ने। ओके, इसको मानने का क्या है, इसको हंसाओ, दूध पेट में दूध लगाओ और मुंह खोले तो हिट पिला दो, ये वाला कांसेप्ट। ठीक है, अब वेंट्रल या बेली साइड में बच्चों क्या है उसका रेस्ट और नर्वस सिस्टम, तो देखना थोड़ा सा वो कहां उसके मुंडी में, थोड़ा सा वो उसके हेड में, बाकी कहां पूरे पूरे बॉडी में। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कॉकरोच का अगर हेड काट दोगे तो बाबू तब भी ये सर्वाइव कर जाएगा, बताओ कब तक, अप टू एज लॉन्ग एज वन वीक, एक वीक तरह जाए, क्यों, क्योंकि तुमने हेड काट दिया है बच्चों। देखो उसका नर्वस सिस्टम बाबू मैक्सिमम कहाँ है, वेंट्रल साइड, बेली साइड है बच्चों। ठीक है ना, हाँ, तो देखो इन हेड रीजन, हेड में बच्चों ब्रेन कैसे होता है, ये आपका हो गया जू प्लैंकटन, ग्रास ऑफर हो गया बच्चों, या काओ हो गया। ठीक है, चलो तो देखो जो फाइटो प्लैंकटन खाना बनाया, ग्रास खाना बनाया, ट्री खाना बनाया बच्चों, तो ये क्या हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल T1, ये हो गया बच्चों सेकंड, ये तो मैंने बता दिया बच्चों, ये हो गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल और ये हो गया बच्चों फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, देखो ह्यूमन बींग यहाँ पे क्या फोर्थ में दिया बच्चों, ये क्या है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है बच्चों, याद रखना बच्चों ह्यूमन बींग क्या करें, ह्यूमन बींग बर्ड को खाएगा, चिड़िया खाता है बच्चों, ह्यूमन बींग मछली को खाता है बच्चों, ये क्या है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल बच्चों, ये क्या है टॉप कार्निवोर बच्चों। ठीक है, हालांकि मैन का क्वेश्चन कुछ भी बच्चों, देखो एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में टॉप कार्निवोर दिया है। ठीक है, फोर्थ टॉपिक लेवल दिया है, सपोज आपसे पूछ दिया ऐसा क्वेश्चन, आएगा रिलेवेंट क्वेश्चन है, मैन आपका थर्ड होता था, सपोज आपसे पूछ दिया कि मैन कौन सा टॉपिक लेवल, आपको क्या देना बच्चों एनसीईआरटी देना, क्या बच्चों फोर्थ टॉपिक लेवल देना बच्चों, और टर्शियरी कंज्यूमर देना आंसर। हालांकि ये वेरिएबल हो सकता है, डिपेंड करता है कि फूड चेन कैसा है, छोटा सा फूड चेन है उसके अंदर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक समय चाय पी लो अपना, एक सेकंड गाइस, पैंक्रियास का ट्रिक है PCTLN से याद रख लोगे, PCTLN तो पी फॉर मैं लिखूंगा, टाइम नहीं है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, सी फॉर काइमोट्रिप्सिनोजेन, टी फॉर ट्रिप्सिनोजेन, ए फॉर एमाइलेजेज, बच्चों देखो एमाइलेजेज है, एमाइलेज नहीं है, बच्चे गलती करते हैं, एमाइलेजेज है ये, एल फॉर लाइपेजेज, लाइपेजेज लाइपेज नहीं है ये, और एन फॉर न्यूक्लियेजेस। ठीक है, तो ये सब एंजाइम्स होते हैं किसके, ये सब एंजाइम्स बच्चे होते हैं पैंक्रेटिक के, ओके, ट्रिक होता है ना बच्चों, बात करेंगे क्या होता है सबसे पहले, तो बच्चों एक एंजाइम होता है कौन सा, इंट्रोकाइनेज, तो इंट्रोकाइनेज क्या होता है बच्चों, इंट्रोकाइनेज कहाँ से निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आना चाहिए सर, इंट्रोकाइनेज रिलीज होता है इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से, तो प्लीज समझो बच्चों इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से एंजाइम निकलता है इंट्रोकाइनेज, इंट्रोकाइनेज क्या करेगा, इंट्रोकाइनेज जैसे ही आएगा ये क्या करेगा टॉपर को पकड़ेगा, टॉपर कौन है ट्रिप्सिनोजेन, तो टी फॉर टॉपर और टॉपर को कन्वर्ट करेगा किसमें ट्रिप्सिन में, तो देखो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ कौन ट्रिप्सिनोजेन, और जैसे ही ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये बाकी सभी को, बाकी सभी को मतलब इसको 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 इसको, ठीक है, बाकी पांचों को ये एक्टिवेट कर देगा। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंट्रोकाइनेज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन म्यूकोसा ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट किया, व्हिच इन टर्न एक्टिवेट अदर एंजाइम्स। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो बाकी को इन्फेक्ट, बच्चों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा नीट में याद रखना, इंट्रोकाइनेज कहां से निकलता है, ऑप्शन मिलेगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये अभी आपको याद है, पता है नीट में जब जाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा इंटेस्टाइनल सब म्यूकोसा, तो वहां पे लोग भूल जाते हैं, वहां पे लोग भूल जाते हैं, इसलिए बोलते हैं बार बार मल्टीपल टाइम्स पर याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं ना बच्चों, प्लीज फोकस करना है यहाँ पर, सीकम की बात करेंगे, तो सीकम क्या है, सीकम एक ब्लाइंड सैक है, मैं बता देता हूँ, सीकम एक ब्लाइंड सैक है, ब्लाइंड सैक का मतलब बेसिकली कह सकते हो एक बंद गुंबद जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये ब्लाइंड सैक इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इस ब्लाइंड सैक के अंदर वी हैव गॉट सम बैक्टीरिया लाइक इसरेसिया कोलाई, इसके अंदर इसरेसिया कोलाई से बैक्टीरिया होते हैं, और ये क्या है बच्चों, ये सिम्बायोटिक है, मैं इसको पहले ही बोला था, सिम्बायोटिक है मतलब बेसिकली ये बॉडी के अंदर म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं दो, और अनअब्जॉर्ब्ड फूड है जो क्रॉस कर रहा था, कहां पे क्रॉस कर रहा था, इसको क्रॉस कर रहा था, तो वैसे भी क्रॉस करके क्या होता है वो बर्बाद हो जाता है, इसरेसिया कोलाई क्या करता है, इसरेसिया कोलाई इस अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड फूड पे जाता है और इसको कन्वर्ट करता है कुछ विटामिन में, तो लिखना कौन कौन सा विटामिन, विटामिन B12, विटामिन के, ठीक है, थियामिन, ठीक है, और राइबोफ्लेविन, तो ये चारों विटामिन आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, राइबोफ्लेविन, तो सीकम के स्ट्रक्चर एक अटैच है, इसको क्या बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो क्या बोला था आपको, जस्ट पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ, क्या बोला था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एनसीईआरटी में यहाँ लिख दिया है वेस्टिजियल ऑर्गन, तो वहाँ क्या लिखा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, बट आपको नीट में हमेशा क्या करना है, सेकेंडरी लिम्फोइड बेटर देन वेस्टिजियल, नीट में ऐसा कभी ऑप्शन नहीं आया कि दोनों रहे, नीट वाले इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है, हमेशा एक ऑप्शन देंगे वो। चलो अपेंडिक्स का फंक्शन क्या है, अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं, कुछ खास फंक्शन नहीं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो 12th क्लास के लिए, यू हैव गॉट समथिंग स्ट्रक्चर बॉल इन बॉल, दिख रहा आपको काफी सारा गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले बच्चों क्या है आउटर मोस्ट स्टार्ट करेंगे, तो आउटर मोस्ट वी हैव गॉट व्हाट इज सेरोसा, और सेरोसा बच्चों बना होता याद रखना, सेरोसा इज मेड अप ऑफ नथिंग, इट इज मेड अप ऑफ थिन मेजोथेलियम, बोलोगे सर मेजोथेलियम क्या होता है, तो मेजोथेलियम इज नथिंग बच्चों, मेजोथेलियम एक स्पेशल नाम है किसका, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स का, तो एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स इज कॉल्ड कौन सा, लेंटरो एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स इज कॉल्ड मेजोथेलियम, ठीक है, इट इज नथिंग, इट इज द एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, तो बच्चों सेरोसा में आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, मेंटर कैनाल का लिख लो, ऐड कर लो, अनुपम शेखर सर क्लास कितने टाइम पर हुई है, क्लास जस्ट शुरू हुई है, अनुपम शेखर फ्रॉम वेयर यू आर टेल योर इंट्रोडक्शन, अभी जस्ट शुरू हुई, ठीक है, 10 मिनट पहले, एलिमेंट्री कैनल का बच्चों याद रखना, टोटल लेंथ होता है 30 फीट, 30 फीट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 9 मीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में भूल जाओगे, लिख लेना, और सबसे लंग, सबसे लंबा पार्ट क्या होता है, सबसे लंबा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लंबा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले कितना है 20 फीट का, 20 फीट का मतलब अप्रॉक्स 6 मीटर, और सबसे बात करेंगे सबसे वेरी गुड, वेरी गुड रोहित लखनऊ से, चलो वेलकम रोहित, सबसे लंबा पार्ट क्या होता है बच्चों याद रखना, इलियम, तो इलियम सबसे लंबा होता है कितना, इट इज अराउंड 3.5 मीटर, तो तीनों डाटा बच्चों इंपॉर्टेंट है, टोटल लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ और इलियम का लेंथ, इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो सारा डाटा को आप साथ में नोट करते, चलो चलो बात करेंगे हम लोग, देखो स्मॉल
देखो हम लोग शुगर केन के क्रॉप पे जिब्रेलिन को पटा देंगे तो क्या होगा, लेंथ लंबाई बढ़ जाएगी किस स्ट्रीम पे, तो बोला ना लेंथ वाला कॉन्सेप्ट देखेगा वो जिब्रेलिन टिक करना है। दज इंक्रीज, बच्चों देखो यील्ड वो कब होता है, एक एकड़ में 20 टन तक यील्ड हो सकता है, ऐसा देखा गया है कि गन्ने के खेत पे वो 1 एकड़ से वो 20 टन तक तुम गन्ना उपा सकते हो। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए और हम लोग उस तरह से उसको बनाते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग दोनों के दोनों होस्ट और वेक्टर को एक ही डीएनए सॉरी एक ही एंजाइम से कट करेंगे तभी जाके हम लोग एक तरीके का बना पाएंगे, क्या एक तरीके का स्टिकिंग बना पाएंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम स्टिकिंग एंड दिस कैन बी जॉइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज, सेम कॉन्सेप्ट जबकि हम लोग नॉर्मल स्पीड से लेके चल रहे हैं। नो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है देखो अ लिटिल अवे, वेरी इंपॉर्टेंट, अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। क्या बोला आपको, देखो मैं गैट्सी की बात करेंगे तो खुद बताओ गैट्सी का सेंटर क्या होगा, देखो 6 लीटर से बना हुआ है, 1 2 3 6 सेंटर ये होना चाहिए, तो सेंटर में कट करने के अलावा ये क्या कर रहा है, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब ये सेंटर से हल्का हट के जी और ए के बीच। सिमिलरली यहां पर क्या कर रहा है, सिमिलरली यहां पर बच्चों क्या कर रहा है, जी और ए के बीच कट लगा रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्ट्रैंड को कट तो करता है बट कहां कट करता है, अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट बट वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट साइड, बेस हमेशा दोनों साइड सेम होगा, क्यों ताकि स्टिकी एंड इक्वल तरीके का बन पाए। इससे क्या हो गया, देखो दिस लीव्स सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड्स एंड दे आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। इनहिबिशन के एग्जांपल जान लो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव के एग्जांपल जान लो, कॉम्पिटिटिव का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो पूछता है कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, तुमने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम दोस्तों, इसको इनहिबिट कौन करता है, इसको इनहिबिट करता है मैलोनेट, क्या करता है मैलोनेट, मैलोनेट इनहिबिट करता है इसको, इनहिबिटर कौन है इसका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है, मेलोनेट है, क्यों, क्योंकि सक्सिनेट का नेचुरल सबस्ट्रेट जो है ना नेचुरल वो है वो सक्सिनिक एसिड है, नेचुरल सबस्ट्रेट दोस्तों क्या है इसका, सक्सिनिक एसिड इसका नेचुरल सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिटर कौन है, मेलोनेट, मेलोनेट सक्सिनिक एसिड के साथ कंपटीशन करता है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है दोस्तों, ठीक है। इसका हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सेप्टेट, अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉसवाल्व, बच्चों उसके अंदर सेप्टा या क्रॉस पूछता है काइटिन और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। चलो ना सेल्स ऑफ द फंगी, तो सेल वाल होते हैं कैसे बने बताओ, काइटिन और पॉलीसेकेराइड, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बने बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखना बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इंपॉर्टेंट पूछता है काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बने बच्चों इनके सेल। अब किसके बारे में करता है, प्रोटीन के बारे में कुछ खास बात भी कहा इसने, क्या खास बात कहा है कि कोलाजिन जो है प्रोटीन्स में सबसे ज्यादा जो एनिमल वर्ल्ड मतलब एनिमल्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा प्रोटीन है, कोलाजिन, और रूबिस्को प्लांट फिजियोलॉजी में तुम लोग पढ़ोगे रूबिस्को के बारे में, तो रूबिस्को जो है उसका फुल फॉर्म याद कर लेना है। ये पूरे वर्ल्ड में एनिमल प्लांट सब मिला के जब अगर कहेगा कि सबसे ज्यादा कहाँ क्या मिलता है प्रोटीन, तो वो है रूबिस्को, ये भी एक एंजाइम है प्लांट्स के अंदर मिलता है, ठीक है दोस्तों, जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स को जो जोड़ते हैं उस जोड़ने वाली चीज को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो जान लो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ के बनाए, उनको जोड़ता कौन है, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब कुछ कुछ कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स, क्या देखो कुछ कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं और क्या करते हैं सीक्रेट करते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। तो कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज हो जाएंगे क्या किस चीज के, बताओ फॉर सीक्रेशन, और हम लोग क्या बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे बच्चों। देखो फिगर 7.2 में दिया बच्चों ना, ये हो सकते हैं दो तरह के, क्या क्या देखो, या तो ये होंगे बताओ यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल होंगे उसके अंदर, जिसमें क्या होगा सिर्फ एक आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल मिलेगा, या हो सकते हैं बच्चों क्या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। तो देखो यूनिसेलुलर एग्जांपल क्या है बच्चों, गॉबलेट सेल बच्चों, वेरी वेरी बड़ा बच्चों, क्या है एग्जांपल गॉबलेट सेल है बच्चों, यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल बच्चों, तो बच्चों गॉबलेट सेल आपको ये दिख रहा होगा बच्चों, या ये हो सकते हैं बताओ मल्टीसेलुलर मतलब उसमें बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे बच्चों, एग्जांपल क्या बताओ सैलिवरी ग्लैंड बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड एग्जांपल इसका मल्टीसेलुलर का बच्चों, यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों मल्टीसेलुलर बच्चों छोटे-छोटे दिख रहे हैं, मल्टीसेलुलर छोटे-छोटे ग्लैंड दिख रहे हैं बच्चों, एग्जांपल क्या बच्चों सैलिवरी ग्लैंड, ओके बच्चों इंपॉर्टेंट है, सैलिवरी में आ सकता है, ठीक है, पर्सनली मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। चलो आगे आते हैं बच्चों, नो ऑन द दिखेगा पूरा, चलो बच्चों क्या दिख रहा है यहाँ पे इलॉन्गेटेड लंबा बॉडी है और 6 से 15 क्या बच्चों गिल्स हैं, 6 से 15 पेयर बच्चों गिल्स रिड्स हैं बच्चों, किसके लिए बताओ रेस्पिरेशन करने के लिए। नो साइक्लोस्टोम्स के पास क्या है, सकिंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, छू के करंट लगेगा, क्या बच्चों टॉर्पीडो, तो बच्चों रखना इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो के अंदर मिलेगा, कुछ के अंदर बच्चों पॉइजन स्टिंग है, जहरीला स्टिंग है, किसके अंदर ट्रिगोन के अंदर, ट्रिगोन को छूओगे तो तुमको झटका लगेगा नहीं,
जहरेगा और टॉर्पेडो को छूते हो बच्चों, टॉर्पेडो को छूते हो झटका लगेगा बच्चों। ये क्या होते हैं, ये है बच्चों कोल्ड ब्लड बच्चों, क्या है ये कोल्ड बाबू, ये क्या है कोल्ड ब्लड बल्ब। ठीक है, मेल को तुम पहचानने का तरीका क्या है, कौन सा इसको कि फिन्स में वो क्लैस्पर्स होते हैं बच्चों, तो वो मेल को पहचानने का तरीका क्या है कि जो पेल्विक फिन्स होते हैं बच्चों उसमें क्या है क्लैस्पर्स होते हैं बच्चों, नीट में आ सकता है चल। ठीक है, तो वो मेल को तुम पहचानने का तरीका क्या है, कौन सा इसको कि फिन्स में वो क्लैस्पर्स होते हैं बच्चों ना, उनके अंदर बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बच्चों और मैनी के अंदर बाबू बेबी पेरस बच्चों, और बहुत सारे बाबू डायरेक्टली बच्चे को पैदा करेंगे बाबू। ठीक है, बहुत सारे साइक्लोइड या टीनोइड स्केल किसे मिलेगा, ऑस्टियोसाइटिस से मिलेगा बच्चों। चलो आगे आते हैं, एयर ब्लैडर बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट, वहां पर क्या था अब्सेंट था बच्चों। ठीक है, और बच्चों क्या है ये बायोंसी को रेगुलेट करेगा, तो बच्चों इसको लगातार तैरना नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, नो हार्ट बच्चों दो प्रोफेस सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे बाबू हर साल एक क्वेश्चन पक्का है, नीट 20 में फिर से आएगा, तो नीट 2020 में बाबू एक क्वेश्चन फिर से आएगा, यहाँ सी और शॉर्ट है। तो देखो बच्चों इसके स्टेप्स क्या है, तो देखो पहला है क्रॉसिंग ओवर बच्चों, वहां पे हो रहा है बच्चों और वहां पे थोड़ी देर के बच्चों क्रोमोसोम लिंक छूट जाते हैं। ठीक है, ना अगला बच्चों देखो डिप्लोटिन बच्चों, क्या है ये डिप्लोटिन, तो बच्चों ना डिप्लोटिन डी फॉर डिप्लोटिन और डी फॉर दूर, देखो बच्चों जेड फॉर क्या बोला जुड़ने लगेंगे और डी फॉर बच्चों दूर होने लगेंगे बच्चों। तो याद रखना बच्चों जो साइनोटोनोमिक कॉम्प्लेक्स था बच्चों जो चिपकाया था बच्चों, ये क्या होगा, तो ये अब डिजोल्यूशन होगा, क्या होगा बच्चों गलने लगेगा, क्या होगा साइनोटोनोमिक कॉम्प्लेक्स गलने लगेगा और क्या होगा टेंडेंसी हो जाए क्या बताओ रिकम्बाइंड जो होमोलोगस क्रोमोसोम बच्चों, जो रिकम्बिनेशन हुआ है वन और थ्री के बीच, सॉरी बच्चों टू और थ्री के बीच जो रिकम्बिनेशन हुआ है बच्चों, जो मैं समझाया था बच्चों पहले, वो बच्चों क्या हो गया वो अब धीरे धीरे दूर जाने लगे बच्चों। ठीक है, और बच्चों क्या होंगे बायवेलेंट सेपरेट होंगे बताओ फ्रॉम ईच अदर बच्चों, देखो जैसे ही आपका डीएनए स्ट्रैंड फैलना शुरू करेगा, प्लीज फोकस ऑन दिस, चलो देखो बच्चों जैसे ही आपका ये प्रोमोटर आया बच्चों, प्रोमोटर क्या किया प्रोमोटर आया आरएनए पॉलीमर से बाइंड किया, कौन बच्चों सिग्मा फैक्टर, तो बच्चों बाइंड तो किया वेरी गुड, और जैसे ही बाइंड किया तो क्या बच्चों देखो डीएनए स्ट्रैंड खुल के फूल गया, देखा ये फूला हुआ दिख रहा है बच्चों वेरी गुड, बच्चों यहां पर क्या दिख रहा है स्वेलिंग दिख रहा है, यहां पर बच्चों हम लोग दिख रहा है साफ साफ ये स्वेलिंग यहां पर दिख रहा है बच्चों, क्या बोलते हैं स्वेलिंग को क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बल्ब बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बल्ब बोलते हैं, तो बच्चों ये क्या है ट्रांसक्रिप्शन बल्ब है, हालांकि यहीं पर बन जाएगा बट यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन बल्ब है। अब क्या होता है बच्चों, अब जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा, देखो जैसे आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा आगे वैसे वैसे क्या होगा बच्चों वैसे वैसे ट्रांसक्रिप्शन होते रहेगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा बच्चों क्या होता है सिंपल कांसेप्ट है, ऊपर वाला क्या है 3 डेज टू 5 डेज है और नीचे वाला क्या है बच्चों 5 डेज टू 3 डेज है, तो मैं बॉक्स या टाटा बोलते हैं बच्चों, देखो टाटा लिखा हुआ है टाटा, तो ये क्या देखो टाटा, ये क्या है टाटा टाट टाटा टाट, ठीक है टाटा में एक खा गया, ठीक है एक खा गया हम लोग, और ये क्या बच्चों टाटाट, देखो टाटाट टाटा टाटा टाट, ठीक है इस तरह से याद किया जाता है, प्रतीक क्लास में वापस आ गया। ठीक है, मुझे देखो प्रतीक कहाँ आ गया बीच में, यहाँ तो भागते हुए भी दिखता है यहाँ पे, मैं एक एक बच्चे का एक्टिविटी मॉनिटर किया जा रहा है में घर लेते हो तुम लोग क्लास, चलो बच्चों दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद करने ही पड़ेंगे, एक प्रिप्नो बॉक्स वाले और एक टाटा टाटाट टाटा टाट, एक आ गया यहाँ पर, ठीक है लिख के काट दो, ठीक है ऐसे याद हो जाएगा, देखो टाटा में टाटा जोड़ रहे हो साथ ही पुराना एक खा गया, तो उनका बताओ टाटा बॉक्स और हॉगने बॉक्स, ठीक है ऑगनेस बॉक्स, ठीक है हाँ चलो आगे आते हैं, ओके ओके ध्यान से देखो ध्यान से देखो, मजा आएगा अच्छा टॉपिक है मजेदार टॉपिक है। ठीक है, और बाबू ये तो मेरे को मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मैं बोलो गाइज सिंपल कॉन्सेप्ट क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर एक खुल गया, यहाँ पर एक खुल गया, हाइड्रोजन टूटा तो खुल जाएगा ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, दो चीज तुम जोड़ते हो तो चिपका जाता है, बट अगर बॉन्ड टूट जाए तो फैल जाता है ना, बच्चों खुल क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बल्ब, चलो क्लियर है चलो ओके आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों को क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बल्ब बोलते हैं। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आया और क्या किया हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, कहाँ पर बच्चों बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स और सेपरेट किया, नाउ अब क्या देखो एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा इसमें, बच्चों क्या है बेसिकली हमारे पास तीन साइड्स है, तो सबसे पहले क्या देखो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा कहाँ पर वहाँ पर, आरएनए पॉलीमरेज बच्चों है वो ट्रांसक्रिप्शन को शुरू नहीं कर सकता, ओके उसको क्या चाहिए स्टार्टिंग फैक्टर जो कि सिग्मा है, उसके बाद क्या होगा बच्चों सबसे पहले प्रमोटर रीजन पे जाकर बाइंड करेगा, कौन आरएनए पॉलीमरेज, तो याद रखना पी फॉर प्रमोटर एंड पी फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ये जाकर बाइंड किया, जैसे ही बाइंड करेगा क्या होगा अब सिग्मा फैक्टर आएगा और सिग्मा फैक्टर आएगा और यहाँ पर क्या होगा बच्चों ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, देखो क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे क्या बनेगा ट्रांसक्रिप्शन बल्ब बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन बल्ब बनेगा, देखो यहाँ पर स्वेलिंग दिखेगा आपको, देखो ट्रांसक्रिप्शन बल्ब, देखो खुल गया हाइड्रोजन बॉन्ड और जैसे जैसे क्या हुआ अनवाइंडिंग हो रहा है, और देखो जैसे जैसे अनवाइंडिंग हो रहा है फोकस करो बच्चों, जैसे जैसे अनवाइंडिंग हो रहा है क्या दिख रहा है, देखो सक्सेसिवली नए 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 राइबोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, देखो सक्सेसिवली नए नए राइबोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है आ रहे हैं, ये किस फॉर्म में थे बताओ, ये थे ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, बट ये किस फॉर्म में आ रहा है बताओ मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में आ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में आ रहे हैं, और देखो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एडेनिन के आगे क्या आएगा यूरासिल आएगा, गुआनिन के आगे क्या आएगा साइटोसिन आएगा, इस तरह से क्या हो रहा है देखो इस तरह से एक एक करके नया एमआरएनए बेसिकली मेरा बनता हुआ दिख रहा है, चलो देखते हैं, तो देखो नया हमारे इस तरह से मेरा बनते जा रहा है और बाबू प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, देखो और डायरेक्शन क्या है हमेशा याद रखना पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन 5 डेज 3 डेज है, और जो एमआरएनए बन के बच्चों निकल रहा है वो भी क्या देखो अच्छा कंप्लीमेंट्री देखो दिखा रहा है, ए के सामने टी, ठीक है सी के सामने जी और यू के सामने ए, दिख रहा है कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो नीचे वाला बच्चों ये क्या है नीचे वाला मेरा डीएनए, ये डीएनए डीएनए में थायमिन होता है नो डाउट, और देखो ये यूरासिल क्यों हो गया बताओ यूरासिल क्यों हो गया क्यों आरएनए है, चलो कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, देखो इस तरह से क्या हो रहा है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होते जा रही है, और कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण क्या हो रहा है देखो कंटिन्यू मेरा 5 डेज टू 3 डेज में मैसेंजर एमआरएनए बन रहा है, ना ये जो मैसेंजर एमआरएनए बन रहा है बच्चों ये मैसेंजर एमआरएनए लोचा क्या, देखो ये मैसेंजर एमआरएनए बेसिकली है क्या
अगर यूकेरियोट्स के अंदर है, अच्छा देखो टर्मिनेटर रीजन में पहुंच गया, जैसे आरएनए पॉलीमर टर्मिनेटर रीजन में पहुंचा तो क्या होगा, यहां पर स्टॉपिंग फैक्टर आएगा, कौन सा, सिग्मा फैक्टर आएगा और ये क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। तो देखो डिटैच हुआ, डिटैच होने से जैसे ही आरएनए जो बना हुआ था वो फॉल कर गया, आरएनए जो फॉल किया ये न्यूक्लियस के पोर के थ्रू, देखो न्यूक्लियस के पोर के थ्रू बाहर निकलेगा। अब देखो आरएनए की बात करते हैं, इस आरएनए के अंदर हम लोग क्या दिख रहा है बच्चों, देखो इस आरएनए के अंदर हम लोग दिख रहा है कुछ पार्ट यूजफुल और कुछ पार्ट यूजफुल नहीं है। यू कैन सी बोथ थिंग्स, वी हैव गॉट द इंट्रॉन्स आल्सो एंड वी हैव गॉट द एक्सॉन्स आल्सो, ये एक्सॉन्स है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, इंट्रॉन है। तो सिंपल सा कांसेप्ट, हम लोग इंट्रॉन्स को हटाना है, एक्सॉन्स को रखना है, और करना क्या है, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। तो बच्चों स्प्लाइसिंग को देखते हैं कैसे हो रहा है, विजुलाइज कॉम्प्लेक्स आएगा। अब देखो स्प्लाइसोजम कॉम्प्लेक्स आ रहा है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, कैपिंग और टेलिंग भी करेंगे, तो फाइव एंड पे लगा देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बैक करूंगा, बहुत ही बेहतर, दिस इज स्प्लाइसोजम कॉम्प्लेक्स, स्टेपलर की तरह आया और इसको यहां पे देखो स्प्लाइसोजम कॉम्प्लेक्स आ रहा है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, कैपिंग और टेलिंग भी करेंगे, तो फाइव एंड पे लगा दिया क्या, सेवन मिथाइल गोनिसिन, और वहां क्या लगा दिया बच्चों, पॉलीएडाइनिलिक एसिड, कितना, 200 से 300। ना बच्चों देखो क्या होगा, इंट्रॉन्स पीला वाला है मेरा, उसको हम लोग रिमूव करना, क्या करेंगे देखो, स्प्लाइसोजम कॉम्प्लेक्स बाइंड किया और बाइंड किया, देखो स्टेपलर की तरह, फोकस ऑन दिस बच्चों, दिस इज स्प्लाइसोजम कॉम्प्लेक्स, स्टेपलर की तरह आया और इसको यहां क्या किया, चाप दिया, ठीक है, यहां पर चाप करके क्या कर दिया, इसको बच्चों काट दिया, और काट करके क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बैक करूंगा, बहुत ही बेहतरीन चीज है, देखो फिर से एकदम रियल एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा इस चीज का, टक और काट के निकाल दिया, तो इंट्रॉन्स रिमूव हो गया, और क्या हुआ देखो, सिर्फ और सिर्फ रेड वाला पोर्शन बचा, तो क्या है, अब मेरा एमआरएनए फुल्ली एक्सॉनिक है। तो देखो बच्चों, अब मेरा फुल्ली एक्सॉनिक एमआरएनए ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के पोर के थ्रू, देखो यहां पर न्यूक्लियस के पोर के थ्रू बाहर निकल रहा है, और कहां चला गया बच्चों, ये साइटोप्लाज्म में चला गया। नाउ इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा। नाउ इस एमआरएनए को ध्यान से देखो क्या, ए और टी के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे क्या बच्चों, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, ए और टी दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जी और सी तीन बनाता है बच्चों, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और बच्चों क्या देखो, ए क्या है बोलो, एडेनिन गुआनिन क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो क्या दिखा हुआ है, सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट समझना चाहिए बच्चों। एक समय की बात है जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या करते थे बच्चों, 14% अर्थ का लैंड सरफेस, देखो पूरे का पूरा अर्थ का 6% हो गया बच्चों, 14% से 6% हो गया क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बच्चों, ये नीट में आ सकता है बच्चों, क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के, ठीक है, चला गया, देखते हैं। नो दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, उसको बच्चों डिस्ट्रॉय दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन फॉरेस्ट, क्योंकि पूरे के पूरे ब्रह्मास्त्र, सॉरी पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा उसका नंबर था बच्चों, अमेजन रेन फॉरेस्ट को बच्चों हम लोग बोलते थे, लंग्स ऑफ द प्लैनेट हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीशीज बच्चों, ये बहुत ज्यादा स्पीशीज को मिलियंस को मतलब हार्बर करता था, मतलब उस जंगल में जानवर कीड़े मकोड़े रहते थे बच्चों। लेकिन अब क्या उसको हम लोग कट कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं, बताओ क्यों, फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स और फॉर कन्वर्जन टू ग्रास लैंड। बच्चों हम लोग अमेजन रेन फॉरेस्ट को काट रहे हैं नीट का क्वेश्चन, सोयाबीन को ग्रो करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए, किसके लिए बताओ, टू कन्वर्ट फॉर द कन्वर्जन टू ग्रास लैंड। बच्चों हम लोग उसको ग्रास पूछने वाला, परेशान मत होना, डाटा वाटा से नहीं पूछने वाला ये सब, ठीक है, जो काम का वो पूछेगा। नो अगला देखो, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजन फॉरेस्ट, बच्चों अमेजन फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, लंग्स ऑफ अर्थ बच्चों बोलते हैं ना, अर्थ का लंग्स है बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस यही करता है। चलो तो बच्चों अमेजन फॉरेस्ट जो है बच्चों कहाँ पर, साउथ अमेरिका में बच्चों, तो नीट पूछ सकता है ये, तो साउथ अमेरिका के अंदर जो अमेजन फॉरेस्ट है उसका बच्चों ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है बच्चों, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इनफैक्ट लिखा हुआ है, इट इज होम टू मोर देन, तो देखो यहाँ क्या मिलेगा, 40,000 से ज्यादा स्पेसिफिक प्लांट के हैं, 3,000 से ज्यादा बच्चों फिशेस के हैं, 1,300 बच्चों बर्ड्स के हैं, 427 मेमल्स के हैं, 427 एम्फीबियंस के हैं, 370 रेप्टाइल्स के, और मोर देन 125,000 इनवर्टिब्रेट्स बच्चों। तो ये देखो नीट में पर्सनली ये पूछ सकता है, क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट खुद में इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों अमेजन फॉरेस्ट का डाटा आपको याद बच्चों, सबसे पहले लिखो बच्चों, सबसे पहले लिखो डिसऑर्डर्स में, लिखना शुरू करो बच्चों डिसऑर्डर्स, तो सबसे पहले लिखो एडिसन डिजीज ही पहले कर लेते हैं, क्योंकि एडिसन डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली जिक्र किया है, तो क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा इसी से, ठीक है बच्चों। चलिए एडिसन डिजीज की बात करते हैं बच्चों, एडिसन डिजीज में क्या होता है, लिख लो एड्रेनल कॉर्टेक्स, लिखो एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो रहा है बच्चों, देखो हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, किसके एड्रेनल कॉर्टेक्स का लेवल डिक्रीज हो रहा है बच्चों। एग्जांपल क्या बताओ, कब होगा ये, टीबी में, तो बच्चों टीबी हो गया किसको, एड्रेनल कॉर्टेक्स में टीबी हो गया, तो क्या होगा बच्चों, उसका हार्मोन्स कम बनेगा। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब आपको खुद समझ में आना चाहिए। तो देखो एड्रेनल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या था बताओ, एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या किया था बोलो, जस्ट बताया आपको, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकला क्या, अभी माइंड में आप लेके चलोगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकला, वेरी गुड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकला, और क्या निकला, सेक्स कॉर्टिकॉइड निकला। तो जो जो ये काम किया था वो काम हो पाया क्या, नहीं, क्योंकि लेवल घट गया बच्चों, देखो लेवल घट गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिखना शुरू करो बच्चों सिम्टम्स, तो सिम्टम्स लिखना शुरू करो बच्चों, देखो सिम्टम्स क्या होगा बच्चों, पहला लिखो ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन बच्चों, ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस आदमी का जो चेहरा है बच्चों एकदम तांबा की तरह दिखेगा, ब्रोंज को शायद तांबा ही बोलते हैं, देख लेना कोई दिक्कत नहीं, आपके नीट में ब्रोंज ही आएगा बच्चों। ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन होगा, क्यों होगा पता है, किसी को पता है बच्चों, किसी को नहीं पता, लिखना बच्चों, लिखना एसीटीएच का जो एक्टिविटी होता है वो एमएसएच के इक्वल होता है बच्चों, एसीटीएच मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का जो एक्टिविटी होता है बच्चों, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का जो एक्टिविटी होता है वो किसके होता है इक्वल बच्चों, एमएसएच के इक्वल होता है। एमएसएच क्या बच्चों, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा यहां पर, वेरी गुड बच्चों, यहां पर क्या हो जाता है बच्चों, एमएसएच जो है बच्चों यहां पर तांबा का स्किन देखेगा बच्चों,
कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चलो आगे आते हैं ना बच्चों। देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या बोला मैं याद करो, कॉर्टिसोल हर वो काम करेगा जो क्या करता है बॉडी के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो बच्चों यहाँ पर कॉर्टिसोल है क्या, नहीं, क्योंकि एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन लेवल घट गया तो वो भी घट गया होगा। बच्चों क्या होगा, देखो ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगले को लो प्लाज्मा एन ए, तो बच्चों क्या होगा, नमक में प्लाज्मा में एन ए प्लस कम हो जाएगा। बच्चों एन ए प्लस कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, मैं जस्ट पढ़ा दिया बच्चों। एन ए प्लस को क्या करता है बोलो, एन ए प्लस को रीअब्सॉर्ब करता है कौन, डीसीटी, एल्डोस्टेरोन करता है डीसीटी में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एल्डोस्टेरोन भी नहीं बनेगा ना तो क्या होगा, आपके प्लाज्मा में क्या होगा, एन ए प्लस कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा, एन ए का मतलब होगा एन ए प्लस मोर इनकम मिलेगा, यूरिन मिलेगा, तो अगर टॉयलेट के थ्रू एन ए प्लस ज्यादा निकलने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत होगा, भेजे जाए क्वेश्चन सर माना, नहीं ठीक है, मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन। चलो बच्चों आगे लिखते हैं, हाई प्लाज्मा के प्लस। बच्चों देखो प्लाज्मा में क्या मिलेगा बोलो, हाई प्लाज्मा के प्लस। बच्चों तो के प्लस मिलेगा बच्चों, फॉस्फेट ज्यादा मिलेगा, तो इसको ऐड कर लेना, ग्रे मेटल वाले बच्चे ऐड कर लो। देखो प्लाज्मा में के प्लस ज्यादा मिलेगा, बच्चों फॉस्फेट ज्यादा मिलेगा, क्यों बता दिया आप लोगों, क्या करता है बच्चों, के प्लस और फॉस्फेट जो है बच्चों इसको क्या करता है बोलो ना, अभी जस्ट बताया, एन ए प्लस को रीअब्सॉर्ब करता है बच्चों, और इसको क्या करता है बच्चों, ट्यूबुलर सीक्रेट करता है। के प्लस और पी फोर को क्या करता है, ट्यूबुलर सीक्रेट करता है। तो क्या सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना, के फोर पी ओ थ्री माइनस लेस इन यूरिन, उल्टा बात है, जस्ट एक बात उल्टा हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो प्लाज्मा में ज्यादा होगा यूरिन में कम होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। पांचवा लिख लो, जो कि बकवास है, नोजिया होगा, वॉमिटिंग, कुशिंग सिंड्रोम, सिंड्रोम बड़ा खतरे, प्लीज फोकस करो। आपके अंदर जो बच्चों डायबिटीज मेलाइटिस है, इसका फिर दो टाइप होता है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बच्चों, क्योंकि आपके नीट में पूछता है, हमेशा पूछता है। तो बच्चों देखो डायबिटीज मेलाइटिस में क्या हो रहा है, एनसीईआरटी क्या लिखता है, देखो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब लंबे टाइम से या ज्यादा लंबा टाइम तक अगर हाइपरग्लाइसेमिया हो, मतलब शुगर बढ़ा हो, तो हो जाएगा बच्चों कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स, कौन क्या बोलते हैं बच्चों, डायबिटीज मेलाइटिस, व्हिच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, तो बताएंगे उसको आगे बताएंगे। चलो सुन लो बच्चों, ना डायबिटीज मेलाइटिस की बात करेंगे बच्चों। देखो ये दो तरह का है, क्या बच्चों, एक को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 और एक को क्या बच्चों, हम लोग टाइप 2, ठीक है बच्चों। टाइप 1 टाइप 2 का समझो प्लीज। तो बच्चों टाइप 1 जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, क्या बोलते हैं बच्चों, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों ना, ये जो बच्चों टाइप 2, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो समझते हैं कैसे कैसे क्या होता है, समझते हैं कैसे कैसे क्या होता है, क्यों क्यों होता है। तो बच्चों टाइप 1 जो होता है, टाइप 1 कैसा है, ऑटो इम्यून, कैसा बच्चों, ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून क्या मतलब, तो देखो बच्चों यहां पे क्या होंगे, एंटीबॉडी बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगे किसके अगेंस्ट, एंटीबॉडी बनेंगे लिखो अगेंस्ट बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। तो बच्चों बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे, तो सिंपल मतलब सपोज पैंक्रियाज है, और पैंक्रियाज के वो बीटा सेल्स है, तो अगर बीटा सेल्स भी मर जाएंगे तो इंसुलिन बनेगा क्या, नहीं ना, जब इंसुलिन बनेगा तो क्या ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होगा क्या, नहीं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो बच्चों याद रखना, ऑटो इम्यून होता है कौन, टाइप 1 वाला। और क्यों होता है यहां पर, एंटीबॉडी बनता है अगेंस्ट बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। जब बीटा सेल्स नहीं रहेगा तो क्या होगा बच्चों, देख लो इंसुलिन नहीं होगा, जब इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा बोलो, शुगर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, जब शुगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा। बट बच्चों बात करेंगे टाइप 2 की, तो देखो जो टाइप 2 का नॉन इंसुलिन डायबिटीज, ये क्यों होता है बच्चों, देख लो ये होता है एग्जांपल, देख लो क्रोनिक ओबेसिटी, क्यों हो रहा बच्चों, क्रोनिक ओबेसिटी कारण, क्यों होता है क्रोनिक ओबेसिटी में, देख लो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या मतलब इसका, देखो इंसुलिन का मतलब, देखो बच्चों ये सपोज करो सेल है, तो कोई भी सेल के अंदर ग्लूकोज क्या कर रहा है, घुस रहा है, कैसे घुस रहा है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन, कौन सा बच्चों, इंसुलिन। तो सपोज करो कि जो सेल है बच्चों, ये सेल के जो सरफेस है, ये सेल का जो मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाए, रेजिस्टेंस हो, इसके ऊपर रेजिस्टेंस आ जाए, मतलब बेसिकली इसके अंदर अपोजिशन हो जाए, किसके लिए, इंसुलिन के एक्शन के लिए। तो देखो इंसुलिन आपके बॉडी में, समझो बच्चों इंसुलिन आपके बॉडी में है, बट उसके बावजूद क्या है बाबू, दिक्कत क्या है कि यस सेल में क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो देखो ब्लड में इंसुलिन होगा भी, बट उसके बावजूद क्या होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर नहीं घुस पाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर नहीं घुस पाएगा, क्यों, क्योंकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है, एक कॉमन कॉज क्या है, क्रोनिक ओबेसिटी बच्चों, क्रोनिक ओबेसिटी में बेसिकली देखा जाता है क्या, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब बच्चों देखना, ऑटो इम्यून जो होता है, ये किसमें होता है, मेनली यंग लोगों में होता है, 10-15 साल 20 साल का लड़का में टाइप 1 मिलेगा, और टाइप 2 किसमें होता है बच्चों, ओल्ड एज में होता है, मतलब 40-45 साल के ऊपर क्या मिलेगा बच्चों, टाइप 2 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, सब लोग कंफर्म करो, ये दोनों का दोनों क्लियर है, सब लोग कंफर्म करो। अब बताओ तुम लोग खुद आंसर दोगे, देखिए बताओ टाइप 1 को ट्रीट कैसे करेंगे। तो देखो टाइप 1 में ट्रीटमेंट आपसे कोई पूछेगा नहीं, नाम समझो बच्चों, ये क्या इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करने का मतलब, अगर तुम जैसे ही इसको इंसुलिन का इंजेक्शन दोगे, जैसे ही तुम इसको इंसुलिन इंजेक्शन दोगे, खटाक से शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि बीटा सेल डैमेज है, तो अब ये इंसुलिन पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट। बट टाइप 2 की बात करेंगे बच्चों, देखो टाइप 2 में इंसुलिन है, इंसुलिन ब्लड में है बच्चों, देखो इंसुलिन ब्लड में फ्लो कर रहा है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज इंसुलिन के रेजिस्टेंस है सेल में बच्चों, तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चों, इंसुलिन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सब लोग कंफर्म करो, दोनों पॉइंट क्लियर बच्चों, सब लोग कंफर्म कीजिए, दोनों पॉइंट एक्जैक्टली क्लियर हो गया बच्चों, नीट का क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों। तो याद रखना बच्चों, टाइप 1 को ट्रीट कैसे करेंगे बोलो, इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे। इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देते हैं, आंसर देव देगा, देव बताओ आंसर दो, इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देते हैं, इंसुलिन का टैबलेट क्यों नहीं देते हैं, जल्दी बताओ, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इसको, बायोटेक्नोलॉजी में, बताओ जल्दी, देव बोलो, इंसुलिन का टैबलेट क्यों नहीं देते हम लोग, इंजेक्शन क्यों देते हैं, सब लोग कंफर्म कीजिए, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है दोनों टॉपिक, डायबिटीज मेलिटस बाबू दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में आ सकता है, सब लोग कंफर्म करो, क्लियर है। अब बच्चों डायबिटीज टाइप 2 को ट्रीट कैसे करते हैं, टैबलेट देते हैं, टैबलेट का नाम आपको नहीं पढ़ना है, टैबलेट देते हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं आता। तो बच्चों ये हो गया हम लोग के थायराइड के काम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन नीट में आएगा वो क्या बच्चों, डिसऑर्डर्स, वो क्या बच्चों, डिसऑर्डर्स आएगा, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, और मैं साइन करके लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर देख लो, नीट में नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, नीट में डिसऑर्डर्स एक पक्का आएगा थायराइड का सेल, ठीक है, ये साइन करके मैं देता हूँ, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेकर रख लेना, ठीक है। तो बहुत डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिसऑर्डर्स को देखते हैं। चलो तो देखो बच्चों पहला डिसऑर्डर क्या, हम लोग डिसऑर्डर हम लोग बात करेंगे, तो डिसऑर्डर को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, क्या बच्चों, एक पढ़ेंगे हाइपो और एक पढ़ेंगे बच्चों हाइपर। हाइपर का मतलब थायराइड कम हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपर में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, स्क्रीन को मैं क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, स्क्रीन को मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलिए तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पहले हाइपो। बच्चों देखो हाइपो वाले में क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहला चीज ड्यू टू, देखो इन एडल्ट में बताई थी, देखो ड्यू टू, यहाँ पहले एनसीईआरटी में हाइपर दे दिया, मैं हाइपर पढ़ लेता हूँ, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड, सपोज करो बच्चों कैंसर हो जाए या नोड्यूल्स बन जाए, ठीक है बच्चों, या सिस्ट बन जाए, सपोज करो कैंसर हो जाए या नोड्यूल या गांठ बन जाए कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो क्या होगा बच्चों,
इसके वजह से क्या होगा, थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा बनेगा क्या, थायराइड का हार्मोन बनेगा। और क्या होगा बच्चों, देखो थायराइड का एबनॉर्मल लेवल बढ़ जाएगा बच्चों, इंक्रीज एबनॉर्मल लेवल। बच्चों को पता क्या बोलते हैं बच्चों, एबनॉर्मल लेवल बच्चों क्या बोलते हैं, देखो थायरोटॉक्सिकोसिस, क्या लिखते हैं बच्चों, थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं बच्चों। तो थायरोटॉक्सिकोसिस वो किसमें हो रहा है बच्चों बताओ, हाइपर थायरॉइडिज्म में हो रहा है। मतलब देखो ऐसा बीमारी जहां पर थायराइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब थायराइड लेवल इतना बन जाएगा कि वो बॉडी के लिए जहर का काम करेगा, वो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और बॉडी को क्या कर रहा है, बॉडी को पूरी तरह से खराब कर देगा। तो अब एग्जांपल लिखते हैं, तो एग्जांपल क्या क्या हाइपर का, तो पहला है बच्चों एक्जोथेलमिक गॉइटर। देखो एक्जो का मतलब बाहर निकला, ऑप्थेलमिक का मतलब आंख। तो बच्चों देखो यहाँ पर आंख तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, क्यों निकलता है मैं समझाता हूँ बच्चों। तो देखो यहाँ पर एक्जोथेलमिक गॉइटर में लिख लो काउच क्या होता है, तो पहला काउच लिखो बच्चों, लिखो बिकाउज ऑफ, लिखो डिपोजिशन ऑफ, लिखते जाओ डिपोजिशन ऑफ फैट एंड फ्लूड। तो देखो बच्चों फैट और फ्लूड जम जाता है कहाँ पर, इन रेट्रो बल्बर, लिखो बच्चों इन रेट्रो बल्बर स्पेस बिहाइंड आई बॉल। तो बच्चों देखो आंख का जो बॉल है, ये जो बाबू आई बॉल है, इस आई बॉल के पीछे क्या हो रहा है, फैट और पानी जम जाता है, क्या करेगा धक्का लगेगा आंख बाहर निकल जाएगा। कॉज नंबर वन ये हो गया बच्चों। कॉज नंबर टू लिख लो बच्चों, लिख लो डी जनरेशन ऑफ, लिखो बच्चों डी जनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। तो बच्चों देखो डी जनरेशन हो जाएगा किसका, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का बच्चों। तो जो वो आंख के जो मसल उसका डैमेज हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों आंख बाहर निकल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं एक्जोथेलमिक गॉइटर बोलते हैं। और ये किसमें होता है बच्चों, ये होता है हाइपर थायरॉइडिज्म के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, कैरेक्टराइज बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। तो देखो थायरॉइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, क्यों कैंसर हो गया है। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, तो वो देखो आंख बाहर निकलता है, क्यों निकलता है, पहला बताया मैं क्या, देखो पानी और फैट जम जाएगा तो आंख को धक्का लगेगा। दूसरा क्या बच्चों, आंख के चारों तरफ जो मसल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। आंख के मसल्स को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ये कहीं ना कहीं टूट जाएंगे तो आंख तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा बाहर निकल जाएगा, बाहर निकला हुआ दिखेगा। ओके बच्चों, ना अगला देखो इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थायराइड के लेवल ज्यादा होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा बच्चों, बेसल मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, हाँ बेसल मेटाबॉलिक रेट काफी बढ़ जाएगा बच्चों। और अगला क्या देखो बच्चों, वेट लॉस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वजन घटेगा ना, वजन क्यों घटेगा, क्यों बोला बताओ बोला, थायराइड ग्लैंड क्या करता है बच्चों, थायराइड ग्लैंड इंक्रीज करता है क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ क्या, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन टूटने लगेगा बच्चों, वजन घट जाएगा आदमी का, वेट लॉस हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं बच्चों, क्या रखना, ग्रेव्स डिजीज और एक्जोथर्मिक गॉइटर क्या वो सेम है। और पता है इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या, एक्जोथर्मिक गॉइटर क्या बच्चों, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज, क्या बच्चों ये ऑटो इम्यून डिजीज है बच्चों। एक बेहतरीन क्वेश्चन नीट का बन सकता है, ऐसा कौन सा ऑटो इम्यून जहां पे आंख निकलता है, आदमी का वजन घटता है, आदमी का बीएमआर बढ़ता है और आदमी के थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, तो क्या जाएगा बच्चों, एक्जोथेलमिक गॉइटर। कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को बच्चों। तो ये होता है एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज बच्चों। और क्या होता है कंडीशन, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड लेवल इतना बढ़ जाता है कि जहरीला हो जाता है बॉडी के लिए, ऐसा लगता है। चलो हम लोग आगे आते हैं बच्चों, ना प्लीज देखते हैं यहाँ पर बीमारी नंबर टू। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके नो, अच्छा वैसोप्रेसिन एक्ट करता है किस पे, देखो बच्चों नो, वैसोप्रेसिन क्या है, एडीएच का नाम क्या बच्चों, एडीएच का नाम क्या है, वैसोप्रेसिन है बच्चों। तो एडीएच को लिख लो बच्चों, एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है, पिट्रेसिन, क्या होता है, लिखो पिट्रेसिन। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैसोप्रेसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। तो बच्चों वैसोप्रेसिन क्या करता है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं फिल्टर सिस्टम में, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, रेफर बैक कर लेना वहां पर, मतलब सुन पढ़ के सुना था बच्चों। ये काम कर रहा, देखो इट मेनली एक्ट्स ऑन किडनी एंड स्टिमुलेट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल बच्चों, कौन सा, डीसीटी से, एंड देयरबाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। तो बच्चों कहीं ना कहीं लॉस ऑफ वाटर को रोकता है, मतलब डायरोसिस होने से रोकता है, ठीक है, ज्यादा पानी लॉस होना को हम क्या बोलते हैं, डायरोसिस बोलते हैं, इसको कहीं ना रोकता है। हेंस इट इज कॉल्ड एंटी डायरेटिक, एंटी का मतलब अगेंस्ट किसके, डायरोसिस के, मतलब टॉयलेट ज्यादा होने से कहीं ना कहीं रोक रहा है, बॉडी के अंदर से वाटर के लॉस को रोक रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एडीएच हार्मोन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलो बच्चों। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों, एडीएच की कमी से क्या होता है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों। तो देखो एडीएच की कमी अगर हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको बच्चों, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, देखो डायबिटीज इंसिपिडस में दो चीज होता है, या तो एडीएच बनता कम है, समझो बच्चों प्लीज, या तो एडीएच लिख देता हूं मैं इसको, मैं साइंस एनसीईआरटी में लिखा हुआ बच्चों। देखो एडीएच या तो क्या होता है बच्चों, बनता कम है, या तो रिलीज कम होता है बच्चों, ठीक है, ओके। या क्या हो सकता है बच्चों, लिख लो, या लिख लो बच्चों क्या होता है, लिख लो एक्ट लेस बच्चों, ये काम कम करता है, क्यों, लिख लो ड्यू टू लैक ऑफ रिसेप्टर्स बच्चों। देखो अगर रिसेप्टर्स ही खत्म हो जाए, कहां पर रिसेप्टर्स कहां होते हैं बच्चों, देखो यहां पर डीसीटी में, कहां पर बच्चों डीसीटी में। तो देखो डीसीटी के ऊपर क्या है, रिसेप्टर्स है किसके, एडीएच हार्मोन के। तो दो कंडीशन है, तीन पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी बच्चों, देखो या तो एडीएच बने ही नहीं, या तो बने रिलीज ना हो, या तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बच्चों, रिसेप्टर्स उसके कम हो जाए। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इन तीनों कंडीशन से क्या होगा, किडनी का जो एबिलिटी है किसका, वाटर को रीअब्सॉर्ब करने का, वो घट जाएगा और बॉडी क्या कर पाएगा, वाटर को कंजर्व नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, और क्या होगा बच्चों, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या बोलते हैं बच्चों, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बाकी चीज पढ़ा चुका हूं। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब क्या होता है बच्चों, टेस्टलेस, यहां पे यूरिन कैसा होगा बच्चों, टेस्टलेस यूरिन होगा। यूरिन का मतलब प्रभु, इंसिपिडस का मतलब क्या होता है, टेस्टलेस होता है। तो बाबू टॉयलेट का टेस्टलेस क्यों, देखो यहां पर ग्लूकोज ज्यादा नहीं है, ग्लूकोज कम नहीं है, टेस्टलेस है, क्यों, क्योंकि यहां पर पानी ही पानी है बच्चों। लिख लो मैसेज को, प्लीज लिख लो, डायबिटीज इंसिपिडस दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रल और एक होता है बच्चों नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल बोलेंगे बच्चों, प्लीज लिखना, हम लोग को देखा कि N2 मिला 8 इलेक्ट्रॉन और 8 हाइड्रोजन की वजह से, और 16 एटीपी लगा बच्चों, 16 एटीपी लगा और क्या बना बताओ, दो अमोनिया बना, क्या बना बच्चों, दो अमोनिया का मॉलिक्यूल बना बच्चों। और क्या बना, देखो H2 रिलीज हो गया बच्चों, ये H2 है बच्चों, ये आ गया 16 एटीपी, देखो 16 एटीपी यूज हुआ, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया बच्चों, डाइफॉस्फेट से, और क्या है बच्चों, 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया, क्योंकि हाई एनर्जी बॉन्ड टूटा ना बच्चों। हाँ याद रखो बच्चों, क्या दिख रहा है वो, देखो तो दो अमोनिया बनने के लिए कितना है बच्चों, 16 एटीपी, इसका मतलब क्या बच्चों, एक अमोनिया के लिए कितना बोलो,
8 ATP, कितना बच्चों 8 ATP, क्या दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एनर्जेटिकली ये एक्सपेंसिव मतलब काफी एटीपी लग रहा है, एक एमोनिया बनाने के लिए बाबू काफी एटीपी की मदद होती है बच्चों, तो दैट इज द कांसेप्ट, ठीक है। नाउ देखो एंजाइम जो नाइट्रोजनेज है बच्चों, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम में आयरन का बच्चों क्या होता है, रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन, मतलब बेसिकली वापस से Fe+3 से Fe+2 बन जाता है, बट अभी क्या फिलहाल तो Fe+2 Fe3 बना है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के टाइम बच्चों। नाउ इट एक्टिवेट्स कैटलेज एंजाइम बच्चों, इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है, तो बच्चा रखना पूछेगा आपसे कैटलेज एंजाइम को कौन ट्रांसफर जाएगा, आयरन जाएगा, तो आयरन एक्टिवेट करता है बोलो किसको, कैटलेज एंजाइम को, और एसेंशियल है बताओ इसके लिए, एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल बच्चों, बच्चों ये क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए बच्चों एसेंशियल है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दोनों पॉइंट याद रखोगे बच्चों, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के बच्चों आयरन इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बच्चों यहाँ देखो मैंगनीज हेल्प करता है बच्चों, हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों देखना बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज क्या बच्चों, और चलो ये तो लिख दिया बच्चों, मैं तो बोला था नहीं लिखा होगा, क्या बताओ तो स्प्लिटिंग वाटर बच्चों, वाटर को स्प्लिटिंग करने में हेल्प करता बताओ क्यों, ऑटोसिंथेसिस के प्रोसेस बताओ क्यों, ताकि ऑक्सीजन निकले बच्चों, क्या निकले ऑक्सीजन निकले, ऑक्सीजन क्या बच्चों, ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है, क्या बच्चों ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का बच्चों, बेसिकली प्लांट फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं बताओ, बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपने फूड बनाने के लिए बच्चों, ऑक्सीजन तो गलती से बन जाता है, समझ रहे हो ना, तो ऑक्सीजन बनना वो क्या, ये एक बाय प्रोडक्ट है, ये क्या बताओ एक बच्चों बाय प्रोडक्ट है इसका, और बच्चों यहाँ क्या देखो स्प्लिटिंग वाटर बच्चों, नीट में आ सकता है 2020 नीट 2020 लगा लेना यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है बच्चों, गेस से मेरा, ठीक है, स्प्लिटिंग वाटर नीट 2020 में आ सकता है। चलो आगे देखते हैं, नाउ जिंक की बात करेंगे तो जिंक ऑप्टेन होता है बताओ जेडनली कार्बोक्सिलेज बच्चों, तो याद रखना जिंक एक्टिवेट करता है बाबू बच्चों, एक बता ही दिया मैं आप लोगों को कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कौन बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का ये क्या बताओ कैटलिस्ट बच्चों, तो याद रखना जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करता है बच्चों, स्पेशली कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स को बच्चों, और बच्चों ये भी नीडेड होता है किसके कौन बच्चों, तो याद रखना जिंक का काम क्या बच्चों, ऑक्सीजन जो पढ़ेंगे आज ही पढ़ेंगे, ऑक्सीजन बच्चों का एक प्लांट हार्मोन बच्चों, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जिंक का काम आता है, जिंक उसको बनाता है गाइस। चलो आगे देखते हैं, नो कॉपर की बात करेंगे तो देखो कॉपर क्या, कॉपर से पूछा जाता है वो बच्चों पॉलन जर्मिनेशन बच्चों, तो याद रखना बोरोन पॉलन जनरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ऐसा रास्ता बच्चों बी फॉर बोरोन है, बी फॉर बोर, बोर बच्चों मतलब क्या कहता है, गड्ढा खोदते जाता है, गड्ढा खोदते जाता है, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट, स्टिग्मा पे क्या होगा, स्टिग्मा पे बाबू क्या होगा, पॉलन ग्रेन गिरेंगे तो क्या होगा, बोरोन की मदद से क्या होगा बच्चों, पॉलन ट्यूब बनेगा बच्चों, पॉलन ट्यूब बनेगा तो क्या होगा, फाइनली बाबू आगे पॉलन जनरेट करेगा बच्चों, देखो कॉन्सेप्ट बच्चों, याद रखना बच्चों पॉलन जनरेशन में बच्चों हेल्प करता है गाइस। ओके अगला देखो क्या है, एब्जॉर्ब होता है बच्चों BO3 3-, तो BO3 कैल्शियम के अपटेक बच्चों आ सकता है नीट में सर। चलो बच्चों आगे देखते हैं, पोलन बोरोन बच्चों रिक्वायर्ड होता है बताओ किसके लिए, बोरोन रिक्वायर्ड फॉर अपटेक क्या करता है समझते हैं, देखो बॉडी में अगर कभी भी गलती से भी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या GFR कम हो जाए, ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सा कांसेप्ट है, अगर बॉडी के अंदर फॉल हो जाए क्या ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तीनों के तीनों बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगर ये तीनों के तीनों कम हो जाए तो ये क्या करते हैं बच्चों बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, किसको, बॉडी के जेजी सेल्स को, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को ये एक्टिवेट करते हैं। नाउ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज करता है क्या एक हार्मोन को, क्या बोलते हैं, रेनिन बोलते हैं। नाउ रेनिन क्या करेगा बच्चों समझते हैं, तो मैं क्या बोल दिया, मैं सुन लो प्लीज, देखो GFR कम, GVP कम या बच्चों ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम, ठीक है, या बच्चों ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम, तीनों के तीनों बच्चों कम हो गए, ओके, किसी भी कारण से कम हो गए, ओके, तो क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, जैसे ही कम होगा तो क्या होगा बच्चों, जेजी सेल्स क्या करेगा बच्चों, निकालेगा क्या, रेनिन, जेजी सेल निकालेगा बच्चों रेनिन, रेनिन किसे निकलता है बच्चों, रेनिन निकलता है वाया रेनल वेन, रेनल वेन के होते हुए निकलता है बच्चों, रेनिन सिंगल एन वाला है, डबल एन वाला हम लोग पढ़ते हैं, डबल एन वाला कहां होता है, बच्चे के अंदर होता है, इन्फेंट्स में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। चलो मैं फिर से रिपीट करूंगा ना बच्चों, रेनिन क्या करता समझते हैं, रेनिन करता है बच्चों क्या, ये एंजियोटेंसिनोजेन को बच्चों समझो, एंजियोटेंसिन को बच्चों समझो, एंजियोटेंसिनोजेन को बच्चों, एंजियोटेंसिनोजेन, अरे यार ये रहा लिखा स्पेलिंग, ठीक है बच्चों, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, किसमें बच्चों, एंजियोटेंसिन 1 में, अरे कोई दिक्कत नहीं, हाँ वेरी गुड। चलो नाउ ये एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है बच्चों, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसके प्रेजेंस में ये क्या करता है बच्चों, कन्वर्ट करता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में, किसमें बच्चों, एंजियोटेंसिन 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एंजियोटेंसिन 2 जो है बच्चों ये भयंकर खतरनाक चीज है, ये तीन काम करेगा, क्या क्या काम सुनते जाओ, पहला काम क्या करेगा बच्चों, ये है पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये है पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है बच्चों, अगला काम करेगा समझते हैं बच्चों, अगला काम करेगा बच्चों क्या समझते हैं, वैसे कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब क्या करेगा बच्चों, आर्टरी को क्या करेगा बच्चों, आर्टरियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, आर्टरियोल्स को बच्चों कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, अगला काम समझते हैं बच्चों, काम नंबर 2, काम नंबर 2 क्या करेगा बच्चों, देखो ये क्या करेगा, वेरी गुड, पीसीटी को सिग्नल देगा और बोलेगा कि पीसीटी तू क्या कर बाबू, तू एनएससीएल और वाटर को मोर एंड मोर रीअब्जॉर्ब कर, तू जितना करता था वो ठीक है बट तू अब ज्यादा कर, इसको बोलेगा पीसीटी को बोलेगा, और तीसरा काम बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या करेगा बच्चों, ये स्टिमुलेट करेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, तीसरा काम यहाँ लिखता हूँ इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों स्टिमुलेट करेगा किसको, स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल ग्लैंड को, तो बच्चों एड्रेनल ग्लैंड के अंदर होता है कॉर्टेक्स, तो बच्चों स्टिमुलेट करेगा, बोलेगा कि तू बेटा एक काम कर, तू निकाल क्या एल्डोस्टेरोन, तू निकाल एल्डोस्टेरोन हार्मोन,
एल्ड्रेस्टोन हम क्या करेगा बच्चों, एल्ड्रेस्टोन हम कहां जाएगा बच्चों, वेरी गुड, डीसीटी पे जाएगा, डीसीटी पे जाएगा, डीसीटी पे जाके क्या करेगा, वेरी गुड, ये क्या करेगा बच्चों, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, ओके, या बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, किसका, ऑफ Na+ एंड वाटर। तो बच्चों देखो पानी और नमक का क्या करेगा, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। तो क्या बोला मैं, जहां जहां नमक जाएगा वहां पानी जाएगा। तो देखो तीनों तरीके से क्या कर रहा है, देखो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ओके, पीसीटी को क्या बोल रहा है तू, NaCl और वाटर को मोर रीअब्जॉर्ब कर, और एल्ड्रेस्टोन हार्मोन क्या कर रहा है, डीसीटी पे बोल रहा है कि तू भाई Na+ और वाटर को मोर एंड मोर रीअब्जॉर्ब कर, पीसीटी को बोल रहा है तू मोर एंड मोर रीअब्जॉर्ब कर। इस तरह से क्या कर रहा है बच्चों, इस तरह से कहीं ना कहीं वन टू और थ्री, वन टू और थ्री, ये तीनों के तीनों मिलकर क्या कर रहा है बच्चों, ये तीनों के तीनों मिलकर कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर क्या कर रहा है बच्चों, वेरी गुड, बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। तो देखो बच्चों ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, जैसे ही बीपी बढ़ गया तो वेरी गुड, ये तीनों चीज कमा था बच्चों, ये तीनों चीज कमा था, ये क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। करेक्ट होने का मतलब GFR नॉर्मल हो गया, GVP नॉर्मल हो गया और GVF भी नॉर्मल हो गया। सब लोग कंफर्म कीजिए, क्लियर हो गया पॉइंट, सब लोग कंफर्म कीजिए, सब लोग कंफर्म करो, टॉपिक समझ में आ गया वाला। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड RAS, दिस इज कॉल्ड बच्चों RAS, RAS क्यों बोलते हैं, देखो रेनिन है यहाँ पर, एंजियोटेंसिन है बच्चों और एल्डोस्टेरोन है बच्चों। तो फुल फॉर्म समझो इसको क्या है, इसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मेथड। एनसीईआरटी लिखा नहीं है, एनसीईआरटी नहीं लिखा, आप लोग को लिखना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, RAS बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, RAS, RAS का मतलब सब लोग कंफर्म कीजिए, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बच्चों देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बच्चों एंजियोटेंसिनोजेन, ये कहां से निकलता है बच्चों, याद करना लीवर से निकलता है, प्लीज बच्चों लिखते जाओ, एंजियोटेंसिनोजेन लीवर से निकलता है। ये क्या बना बच्चों, एंजियोटेंसिन 1 बना, एंजियोटेंसिन 1 एसी क्या बच्चों, मैं लिख देता हूं, एसी है एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या बच्चों, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये कहां से निकलता है बच्चों, ये निकलता है बच्चों लिखना लंग से, कहां से निकलता है, लंग से निकलता है बच्चों। देखो ये लीवर से और ये लंग से, प्लीज समझो इस चीज को सीरियसली, इस टॉपिक को लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का आना है, मैं पहले बोलता हूं नीट 2020 में एक क्वेश्चन पक्का इस टॉपिक से आना है। नाउ लीवर के अंदर से निकला एंजियोटेंसिनोजेन और फाइनली वो क्या बन गया, एंजियोटेंसिनोजेन 2 बन गया। बॉडी के अंदर क्या हो गया बच्चों, बॉडी के अंदर ज्यादा पानी जम गया, सपोज करो बॉडी के अंदर बच्चों ज्यादा पानी जम गया, तो क्या होगा बच्चों, हर्ट के एट्रिया से निकलता एक फैक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, अगर सपोज करो आपके ब्लड वेसल के अंदर ज्यादा ब्लड हो, ये क्या करे बच्चों, ब्लड वेसल को फाड़ सकता है, डैमेज कर सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है आदमी को, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एएनएफ क्या बच्चों, एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर, ये बच्चों तीन काम करता है, तीनों काम लिख लो, एनसीईआरटी एक लिख के छोड़ दिया, इसे काम नहीं चलेगा बच्चों। तो देखो पहला बच्चों, पहला क्या करता है बच्चों, ये वैसोडायलेशन। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों, बीपी बढ़ गया है, तीसरा केस में क्या हो रहा है बच्चों, तीसरा केस में बीपी बढ़ा हुआ है, इसको हम लोग को कम करना है, ओके, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कह सकते हो, या कह सकते हो GFR बढ़ा हुआ है, या कह सकते हो GVP बढ़ा हुआ है, कह सकते हो ग्लोमुलर ब्लड रेट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया बच्चों, और तीसरा क्या बच्चों, तीसरा है हमारा ग्लोमुलर ब्लड फ्लो, ओके, GFP बढ़ गया बच्चों। तो ये कंडीशन में ये काम करेगा, देखो बीपी ज्यादा है, GFR ज्यादा है, GVP ज्यादा है, GFP ज्यादा है, तो क्या होगा बच्चों, एट्रिया से निकलेगा एनएफ, जो क्या वैसोडायलेशन। अब बच्चों अगला लिखो, हाँ अगला लिखो बच्चों, स्टेप नंबर 2, अगला लिखो बच्चों, ये क्या करेगा बच्चों, लिखो ये रिड्यूस करेगा, क्या रिड्यूस करेगा, लिखो क्या, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड बच्चों, एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को बोलेगा तू मत निकल, क्योंकि एल्डोस्टेरोन क्या करता है बताया ना, एल्डोस्टेरोन काम क्या है, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर, ठीक है, तो बोलेगा तू मत निकल भाई, तू रहा, ऑलरेडी मेरे पास बीपी बहुत ज्यादा है। बच्चों तीसरा काम लिखो बच्चों, तीसरा काम लिखो, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बच्चों, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ, लिखो Na+ इन यूरिन। तो बच्चों Na+ को टॉयलेट में ज्यादा से ज्यादा भेजेगा, बोलेगा कि देख भाई तू Na+ को ले जा, ले जा, ले जा, तो आएगा। तो क्या बोला मैं, जहां नमक जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों, इस तीनों तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तीनों तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं बीपी को कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों। तो करेगा तो उसका यूरिन क्या होगा बच्चों, टेस्टलेस होगा, टेस्टलेस यूरिन होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो ADH की डिफिशियंसी है, ADH डिफिशियंसी क्या होगा बच्चों, ADH क्या कर रहा है, ADH कर रहा है डीसीटी पर क्या कर रहा है, Na+ और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सपोज करो किसी आदमी में ADH कम है या बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, ADH नहीं रहेगा, तो ADH नहीं रहेगा तो क्या होगा, Na+ और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। जब ये प्रोसेस नहीं होता क्या होगा बच्चों, ये जो पानी निकलता बॉडी के लिए वापस, ये वापस क्या होगा बच्चों, यूरिन के थ्रू बाहर आएगा। आदमी को क्या होगा बच्चों, आदमी को क्या होगा, वेरी गुड, पॉली यूरिया होगा बच्चों, पॉली यूरिया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, पेशाब ज्यादा करेगा बच्चों, ठीक है। नाउ अब देखो अब्जॉर्ब हो जाएगा बच्चों, और उस तरह से क्या होगा, वो नेक्स्ट मंथ में फीमेल के मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ बाहर आ जाएगा। बट सपोज करो स्पर्मेटोजो आ गया 24 से 48 घंटे के अंदर, तो क्या होगा बताओ बच्चों, 24 घंटे के तो अंदर आ गया, तो क्या होगा, जैसे ही स्पर्मेटोजो कनेक्शन में आएगा किसके, सेकेंडरी ओसाइट के, बताओ क्या बोला था मैं, मियोसिस 2 अभी तक कंप्लीट नहीं था, कहां रुका हुआ था बताओ, मेटाफेज स्टेज में बच्चों, यहां लिखा हुआ देखो, एरेस्टेड मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2 बच्चों। तो ये जो स्टेज रुका हुआ था, ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा बच्चों, ये अल्टीमेटली क्या होगा बोलो, ये अल्टीमेटली मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। और क्या होगा बताओ, मियोसिस कंप्लीट बच्चों, ये भी क्या, ये भी एक अनइक्वेशनल डिवीजन, क्या बच्चों, ये भी एक अनइक्वेशनल डिवीजन बच्चों, अनइक्वेशनल डिवीजन बच्चों। तो क्या होगा बताओ, जैसे ही अनइक्वेशनल डिवीजन होगा तो क्या होगा, देखो एक लार्ज ओवम बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, एक लार्ज ओवम या एग आउटपुट बनेगा, एक लार्ज एग ओवम या ओटिट बन जाएगा बच्चों, इज इंपॉर्टेंट बच्चों, एनसीटी में लिखा हुआ है बच्चों, तीनों एक ही चीज है, एग ओवम ओटिट तीनों एक ही चीज है, ठीक है। हालांकि एग और ओवम में अंतर होता है, आगे दिखाऊंगा आपको मैं, बट फिलहाल आप लोग ध्यान रख लेना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तीनों एक ही चीज है, हालांकि क्या अंतर आगे देखेंगे, आप लोग ध्यान रख लेना बच्चों, याद रखना मियोसिस 2 जैसे कंप्लीट होगा तो क्या होगा, लार्ज ओवम या एग आउटपुट बनेगा बच्चों, और एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा सेकंड पोलर बॉडी बनेगा बच्चों, याद रखना सेकंड पोलर बॉडी भी बाबू डिजेनरेट कर जाएगा, आगे जाकर डिजेनरेट कर जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो इसको बच्चों आप लोग ध्यान रख लोगे बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ ऐसा, तो देखते हैं बच्चों। तो देखो जैसे स्पर्म आता है बच्चों, ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है, तो पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है, स्पर्म की एंट्री क्या करता है बच्चों, रीस्टार्ट करता है इसको सेल साइकिल को बच्चों। तो सेल साइकिल जो रुका हुआ था कहाँ पे बोलो, मेटाफेज
टू में बच्चों उसको वापस रिस्टार्ट कर देता है बच्चों, कैसे बताओ, ब्रेकिंग द मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। बच्चों देखो मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करता है, रट लो बच्चों उसको, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करता है बच्चों, और क्या करता है बताओ, एंड टर्निंग ऑन एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। बच्चों देखो मेटाफेज क्या क्या आता है, एनाफेज आता है बच्चों, सिंपल था बच्चों, एनाफेज वाले फैक्टर को क्या करता है बच्चों, टर्न ऑन कर देगा बच्चों, क्या करेगा, टर्न ऑन कर देगा बच्चों, और क्या करेगा, ब्रेक किसको करेगा बताओ, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को बच्चों, तो मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेगा और एनाफेज को ऑन कर देगा बच्चों। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, देखो नीट 2019 में क्वेश्चन आया था और बच्चों फिर से आ सकता है, ये क्वेश्चन बाबू फिर से आ सकता है, रट लो इसको ठीक है, तो रट लो, रिपीट करने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो बच्चों दैट इज कॉन्सेप्ट कि ये प्रमोट करेगा किसको, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को, और जितने बीमारियां मैंने आपको लिखवा रखे हैं ह्यूमन हेल्थ में वहां से पढ़ लोगे, क्यूलेक्स से क्या क्या बीमारी होता सब पढ़ा चुका है ठीक है। चलो ना बच्चों, ये मॉस्किटोज हो गए, ग्रीगेरियस पेस्ट बच्चों, कुछ लोग ऐसे पेस्ट है जो ग्रीगेरियस पेस्ट जैसे कि लोकस्ट ठीक है बच्चों, टिड्डा जो ये करता है, ये बेसिकली आपके प्लांट या क्रॉप को डैमेज करता है बच्चों, ये बेसिकली डैमेज पहुंचाता है फार्मर्स को बच्चों, ये लोकस्टा हो गया, टिड्डा हो गया जो कि बड़ा फेमस है, भी आ सकता है। ओके गाइस, नाउ लिविंग फॉसिल बच्चों क्या है, देखो लिविंग फॉसिल लिथोपोडा वर्ड बना हुआ है दो वर्ड से, अर्थोज मतलब जॉइंट और पोडा मतलब अपेंडेजेस बच्चों। इनके अंदर क्या दिख रहा है, इनके अंदर लग रहा है कि हाथ पर देख लो, ये पैर है इसका लग रहा है जुटा हुआ है ठीक है बच्चों, तो ये जॉइंटेड अपेंडेज है बच्चों। रेस्पिरेटरी की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। ना बुक गिल्स इसमें होता है, बुक लंग्स इसमें होता है, सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मैं बोलो ना, सब कुछ हम लोग मेहनत किए हैं, लास्ट में काफी कम मेहनत करना पड़ रहा है ठीक है, क्योंकि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, दोबारा मेरा पॉसिबल नहीं कि लिख पाऊंगा, टाइम नहीं होगा ठीक है। तो गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग्स होंगे, या ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है बच्चों, तो नीट में आ सकता है, इतना तरीके का आपका सिस्टम है बच्चों, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम मेरा एनिमल आपको मिलेगा। और ऑर्गन सिस्टम और यहाँ से बता ही चुका हूँ मैं। एक अडल्ट की बात करें तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट, मैं क्या बोला, पानी का प्रेशर पड़ेगा बच्चों, तो क्या होगा, पानी का प्रेशर पड़ने से क्या होगा बाबू, कि आपके जो एडल्ट है बच्चों, तो देखो यहाँ पर लार्वा क्या बच्चों, देखो लार्वा इसका बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल बच्चों, लार्वा क्या बोलो, लार्वा इसका बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल बच्चों। तो लार्वा स्टेज होगा क्या होगा, ये बच्चों सिर्फ दो एक्सेस में कटेगा ठीक है बच्चों, बट क्या होगा वो कंटिन्यूस पानी के प्रेशर पड़ने से, जैसे जैसे एडल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये इस तरह से बाबू फैल जाएगा कि तुम इसको किसी एक्सेस से काटो ये बाबू कट जाएगा बच्चों। नीट में आ सकता है क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीट में पूछेगा वो कि एडल्ट क्या होते हैं, रेडियली होते हैं, और लार्वल क्या होते हैं बच्चों, बायोलॉजिकल होते हैं। तो बच्चा रखना बच्चों ARLB ठीक है बच्चों, ARLB ठीक है बच्चों, इस तरह से याद रख लेना, एडल्ट बच्चों रेडियली होते हैं और लार्वल बच्चों बायोलॉजिकल होते हैं, एक याद कर लो दूसरा खुद याद हो जाएगा बच्चों। AR से याद कर लो बच्चों, AR एसर्सन रीजन ठीक है बच्चों, एसर्सन रीजन एडल्ट वाले रेडियल होते हैं, एक तो उल्टा कर लेना खुद से, एसर्सन रीजन से याद रख लेना इसको चलो ठीक है। तो याद रखना बच्चों इस तरह से होता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट है बच्चों ठीक है, प्रॉपर सिलोम मिलेगा इसके अंदर बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों यहाँ पे कंप्लीट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बच्चों। चलो भाई एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, स्टेज बच्चों स्टार देख रहा, बड़ा फेमस है स्टार फिश दिख रहा है, देखा स्टार की तरह दिख रहा है बच्चों, स्टार फिश स्टार की तरह दिखता है, तारा की तरह बच्चों, स्टार फिश हो गया। अगला इकाइनस सी अर्चिन, और यहाँ पे बड़ा खासियत क्या देखो, बायो लेमिनेंस बच्चों, बच्चों बताओ बायोलेमिनेंस कल भी मैंने पढ़ाया था, बताया बताओ डायटम्स बच्चों, बायोलेमिनेंस बच्चों डायटम्स का भी होता है बच्चों फीचर बच्चों, बायोलेमिनेंस इसका भी फीचर है। तो देखो बायोलेमिनेंस इज द फीचर, और ये क्या बच्चों प्रॉपर्टी जिससे कि चमकेगा बच्चों, ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करेगा बच्चों, टेनोफोर्स में बहुत अच्छे से दिखने को मिलता है। और सेक्सेस बच्चों यहाँ पर सेपरेट नहीं बच्चों, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, रिप्रोडक्शन वो काफी इजीली होता है सेक्सुअल तरीके से बच्चों, तो वो रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल से होता है, यहाँ पर एसेक्सुअल अब्सेंट है बच्चों। और फर्टिलाइजेशन बच्चों एक्सटर्नल है, पानी के बाहर होता है, मतलब बॉडी के सॉरी बाहर होता है, उल्टा बोलते हैं बॉडी के बाहर होता है, और यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट की जगह इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट टीनोफोरा, तो देख रहे हैं देखो बच्चों गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 देख रहा है, 8 क्या बच्चों, 8 एक्सटर्नल रोज है बच्चों सिलेटेड कॉम्प्लेट के बच्चों। तो ये क्या है, ये आपके कॉम्प्लेट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं लोको मोशन में बच्चों, गाइस इसको ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों दैट इज ऑल अबाउट, बोलो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट योर बच्चों, ये हेल्प कर रहा है बच्चों लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। ओके ना एग्जांपल देखो, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना से ध्यान रख लोगे। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मुंह देखने आते हो, क्लास कर रहे हो तो आंसर दोगे ना यार, अजब हालत है। तो क्या बोला मैं देखो, 8 9 10 जो वर्टिब्रा बच्चों, ये क्या किया 7 से ज्वाइन किया और जाके फाइनली कंबाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। पीछे से देखो एक वर्टिब्रा आ रहा था जो कि रास्ते में रुक जाता है बच्चों, पीछे से एक वर्टिब्रा आ रहा है जो कि रास्ते में रुक जा रहा है, वो क्या बच्चों, वो है आपका 11 एंड 12, वो क्या है 11 एंड 12। तो ये क्या बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स क्या बच्चों, देखो पीछे से जुड़ा हुआ बट आगे में जुड़ा नहीं है ठीक है, तो पीछे से जुड़ा हुआ है, पीछे से जुड़ा हुआ किसे, वर्टिब्रल कॉलम से, बट आगे में बच्चों क्या है, आगे में वो हवा में है तो ऐसा लग रहा है कि वो तैर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्लोटिंग रिब्स, उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं बच्चों। ये क्लियर है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों, ये आपको आना चाहिए ना। शुरुआत की बात करेंगे बच्चों, शुरुआत के 7 वर्टिब्रा की, तो मैं यही लिख देता हूँ, आगे नहीं बताऊंगा फिर बच्चों। देखो शुरुआत के 7 बच्चों क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। तो बच्चों याद रखना, क्लेविकल के ऊपर दो प्रोसेस, दो ओपनिंग होते हैं, दो कह सकते हो कि हड्डी निकला हुआ होता है ओके, एक को बोलते हैं हम लोग क्रोकॉइड प्रोसेस, एक को बोलते हैं हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस।
बच्चों देखो क्रिकॉइड प्रोसेस क्यों होता है, क्रिकॉइड सी शेप का होता है, सी शेप क्रिकॉइड प्रोसेस, सी आर आई सी ओ आई डी, और एक्रोमेन प्रोसेस। तो देखो नीट में क्या पूछेगा बच्चों, नीट में आपने डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि क्लैविकल किस प्रोसेस से जुड़ता है, क्लैविकल किस प्रोसेस जुड़ता है। देखो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, यस यस, ये क्या बच्चो है, और ये क्या बच्चों, ये है क्लैविकल। तो देखो बच्चों नीट में डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ बच्चों, क्लैविकल ज्वाइंट्स विथ, क्लैविकल ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स विथ क्या बच्चों, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। डिटो बच्चों नीट में क्वेश्चन आ सकता है उठ के, ठीक है, डायरेक्टली आपका चार नंबर सही होगा, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चों एक्रोमियन से जुड़ता है, ओके, हाँ, क्रिकॉइड से वो नहीं जुड़ता है। क्रिकॉइड का क्या फंक्शन आपको मतलब नहीं, आपको बस सी से पता रखना, सी से होता है, चूहिया के बीक की तरह दिखता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, गर्डल क्लियर हो गया आप लोग का, चलो हम लोग आगे आते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हम नीचे पेल्विक गर्डल, उससे पहले मैं एनसीईआरटी के लाइंस, चलो आगे देखते हैं। तो स्कैपुला एक लंबा सा फ्लैट बोन है, लार्ज बोन है जो कि पीछे है ना, डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन व्हिच प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन। वेरी वेरी बड़े बच्चों, देखो आप ये आपको सपोज करो स्कैपुला बच्चों, सपोज करो स्कैपुला है, स्कैपुला के बाबू पीछे पीछे, स्कैपुला के पीछे पीछे क्या होता है, एक एलिवेटेड रिज है बच्चों, एक एलिवेटेड बच्चों रिज है जिसको कि, और उससे क्या होता है बच्चों, देखो एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन व्हिच प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, तो वहां से बच्चों प्रोसेस निकलता है, हम लोग क्या बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बच्चों यहां से निकला, एक्रोमियन प्रोसेस, दिख रहा है, और यहां से क्या जुटेगा बच्चों, क्लैविकल जुटेगा ना, द क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, अरे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मेरे को नहीं लिखा हुआ, चलो बच्चों ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ओके कोई दिक्कत नहीं होगा ना, बिलो द एक्रोमियन, तो बच्चों ये भी देख लेते हैं। तो प्लीज एंड प्लीज माइंड माय वर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज एंड प्लीज माइंड माय वर्ड्स, चलो तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ओके बच्चों देखो यहाँ पर कैविटी बन गया, जो बनना था बन गया, तो बच्चों समझते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर प्लीज माइंड वर्ड बच्चों, स्कैपुला के अंदर, स्कैपुला के अंदर वी हैव व्हाट अ डिप्रेशन, तो क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग बोलते हैं इसको ग्लिनोइड कैविटी, क्या बोलते हैं बच्चों ग्लिनोइड कैविटी, कोई दिक्कत नहीं है, गड्ढा दिख रहा है, मैं आपको अलग से बनाकर दिखा देता हूँ बच्चों, अलग से मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ बच्चों, अब आपको समझ में आ गया, तो बच्चों सपोर्ट कोई स्कैपुला आपका, ठीक है बच्चों, और ये क्या है ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड का फंक्शन क्या है, इसमें बच्चों क्या करेगा, देखो हेड ऑफ ह्यूमरस, मेरा ये हेड ऑफ ह्यूमरस है बच्चों, हाँ, तो हेड ऑफ ह्यूमरस बच्चों क्या करेगा, यहाँ पर जाके आर्टिकुलेट करेगा किससे, स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी से, सबको क्लियर है, जल्दी बताओ, सब लोग कंफर्म करो ये पॉइंट क्लियर है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लिनोइड कैविटी किसका है, स्कैपुला का पार्ट है जिसे हेड ऑफ आपका ह्यूमरस कंबाइन करेगा, क्या बनेगा बच्चों, ये कौन सा जॉइंट है, ये आपका शोल्डर जॉइंट, ये क्या बच्चों शोल्डर जॉइंट, और कैसा एग्जांपल, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कैसा एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, ये बॉल है और ये क्या बच्चों सॉकेट है, ओके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे आते हैं बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, चलो वापस आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, स्कैपुला पढ़ा दिया हमें, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है, सिचुएटेड इन डॉर्सल, कोई आंसर नहीं दिया मेरे क्वेश्चन का, तुम क्या करते हो यार, तुम लोग एक क्वेश्चन पूछे कि C2 टू C7 आपका क्या है, रिब्स है, तो वर्टिब्रा क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा है यार, तुम लोग एकदम नाक कटा दो, क्या आंसर जाएगा, T2 to T7 जाएगा ना पगले, क्या बोले थे, पहला वर्टिब्रा किससे जुटा, T1 से, दूसरा वर्टिब्रा किससे जुटा, T2 से, तीसरा किससे जुटा, T3 से, गधो इतना समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्कैपुला पूछेगा रिब्स के मुताबिक क्या आंसर जाएगा, T2 to T7 रिब्स, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, C2 to T7 मत लिखो ज्यादा अच्छा, लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ, हाँ बिटवीन द, देखो सेकंड एंड सेवंथ रिब बच्चों, तो सेकंड एंड सेवंथ रिब्स के बीच होता है बच्चों, R2 to R7, सॉरी बच्चों R2 to R7 लिखना, R2 to R7, तो रिब्स के मामले में बच्चों के R2 to R7 है, वर्टिब्रा के मामले में क्या जाएगा, T2 to T7, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे देखते हैं। तो स्कैपुला एक लंबा सा फ्लैट बोन है, लार्ज बोन है जो कि पीछे है ना, डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज फ्रॉम प्लांट कमर्शियल स्केल, तो देखो जो कुछ चीजें हम लोग निकालते हैं, जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्यूनिन हो गया, स्ट्रिक्निन हो गया बच्चों, ओपियम हो गया बच्चों, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली प्लांट से बनते हैं बच्चों, कैसे, एज ए डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉम ग्रेजर्स एंड ब्रॉयलर्स बच्चों, बेसिकली चढ़ने वाले जो उस पर जो खाने आता है बच्चों उससे बचने के लिए प्लांट बनाता है निकोटीन कैफीन क्यूनिन स्ट्रिक्निन बच्चों, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकोटीन कैफीन वगैरह कॉमर्शियली यूज करते हैं कॉफी बनाने के लिए बच्चों, देखते हो ना निकोटीन टोबैको में होता है, कैफीन कॉफी में होता है बच्चों, क्यूनिन स्ट्रिक्निन काइनिन बच्चों पढ़ोगे तो मेडिकल कॉलेज में, ओपियम क्या होता है बता दिए, ओपियम पॉपी याद आ रहा है ना, कॉपी प्लांट से निकलता है, पेपर सोमनिफेरम से निकलता है, ठीक है बच्चों, तो ये सब आपको क्यूनिन बता ही दिया था, क्यूनिन से बच्चों क्या है, एक मलेरियल ड्रग है, ठीक है बच्चों, स्ट्रिक्निन है ना बच्चों, पहला जीन थेरेपी दिया गया था, तो पहला जीन थेरेपी 1990 में हुआ था एक 4 साल की लड़की को, और नाम था उसका अशांति डेसिल्वा, उसका नाम था अशांति डेसिल्वा, क्वेश्चन पूछ सकता है आप, ध्यान रख लेना, तो 4 साल की लड़की को दिक्कत क्या था, तो देखो 4 साल की लड़की को दिक्कत क्या था, उस लड़की के अंदर था एक एंजाइम का डिफिशिएंसी, कौन सा एंजाइम, अदा, अदा अदा क्या होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज, तो उसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशिएंसी थी, नो इसका फंक्शन क्या है, तो बच्चों एडिनोसिन डीएमिनेज जो होता है इसका फंक्शन यही होता है कि ये बेसिकली बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है, इम्यून सिस्टम के लिए, तो में ही बैक्टीरिया या वायरस को आइसोलेट कर ले, कब, जब सिम्टम्स भी आने शुरू नहीं हुए होंगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं उस इंसान को ज्यादा अच्छे से बचा सकते हैं, और ये हम लोग कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग करेंगे बाय द एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड, लगाना स्टार नीट 2020, ये क्वेश्चन पक्का आएगा इस बार, नीट 2020 में क्वेश्चन आएगा, किस चीज को हम लोग यूज करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कैन बी बोथ डीएनए या आरएनए, बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस में आरएनए है,
कोरोना वायरस हैव गॉट आरएनए, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा कोरोना वायरस, अलग से क्लास होगा उसका। चलो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोरोना वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होगा आरएनए होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे एम्पलीफाई करेंगे। क्यों एम्पलीफाई करेंगे? क्योंकि अभी जस्ट बॉडी में गया है, बॉडी में सपोज करो दो वायरस गया आपके बॉडी में और दो जाके वो 2 लाख बनेगा, लेकिन अगर आप 2 लाख बनने दे दोगे तो बॉडी में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ऐसा हम लोग चाहेंगे नहीं ना, हम लोग चाहेंगे कि अर्ली से अर्ली इसको डिटेक्ट कर ले। तो देखो बॉडी के अंदर अभी 2-3 ही वायरस गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे कैसे, बाय द एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और कौन सा मेथड से, वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीआर। तो पीसीआर इज कॉल्ड, बताया था आप लोगों का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें करते क्या है, इसमें कोई भी मेरा डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सपोज करो ये डीएनए आरएनए कुछ भी कह लो, सपोज करो ये वायरस का ही डीएनए है, कोई वायरस का, ठीक है, या कोई भी बैक्टीरिया का, तो ये भी कब नंबर में है। लेकिन अगर हम लोग पीसीआर करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग एम्पलीफाई करेंगे, जितना बार पीसीआर का साइकिल करेंगे उतना बार एम्पलीफाई होगा। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब इसको हम लोग आसानी से पकड़ पाएंगे, हम लोग इसको अब आसानी से पकड़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस तरह से हम लोग इसको पकड़ लेंगे और हम लोग कहीं ना कहीं अर्ली टाइम से डिटेक्ट कर लेंगे, कैसे, इसके एम्पलीफाई करके न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर, यस बता दिया ना, कैसे पीसीआर करके हम लोग किसी भी वायरल डीएनए को काफी ज्यादा बढ़ाएंगे। क्योंकि देखो हम लोग को पता है कि इंसान का डीएनए कैसा है, हम लोग को अपने डीएनए के बारे में पता है, तो अगर हम लोग कुछ अल्टरेशन दिखेगा तो हम लोग को कहीं ना कहीं शक होगा कि अच्छा कुछ ना कुछ लोचा है। दिस इज द मेथड। नाउ यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, पीसीआर रूटीनली यूज कर रहे हैं एचआईवी पेशेंट्स के अंदर डिटेक्ट करने के लिए। देखो बच्चों मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, नीट का क्वेश्चन पढ़ना, पहला पूछेगा स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस टेस्ट क्या है एचआईवी का, आपको आंसर क्या देना है, एलाइजा। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जैक्टली ये लाइन पूछेगा, रूटीनली यूज क्या करते हैं आजकल, आंसर क्या जाएगा, पीसीआर। बट आपसे पूछेगा कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है, आंसर क्या जाएगा बताओ, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एक साथ में लिख दिया हूँ, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के आपको टिक करना नीट में, क्वेश्चन क्या पूछता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं हम लोग, प्रोटीन्स को पकड़ते हैं। रूटीन टेस्ट में पीसीआर करते हैं और एलाइजा करते हैं स्क्रीन टेस्ट में। ये बच्चों तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, तो पीसीआर को हम लोग रूटीनली यूज करते हैं एचआईवी पेशेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। मैं आपको अंतर समझा दिया था उस दिन क्या होता है, अंतर मैं आपको बता दिया था, स्क्रीनिंग और कन्फर्मेटरी का अंतर क्या होता है, बताया ना आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बुखार आया। ओके, तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, अ नोवल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन व्हिच वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस की बात करेंगे बच्चों, तो ये होता है सारे के सारे यूकैरियोट्स के अंदर, ये सब के सब यूकैरियोट्स के अंदर होता है, एंड इट इज द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये एक मेथड है सेलुलर डिफेंस का, मैं आपको बताया था, याद करो, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है बताओ सेलुलर डिफेंस, वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज द डिफेंस इन द प्रोकैरियोट्स, एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस। तो देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, ध्यान रखोगे। तो हम लोग देखते हैं दिस मेथड, मिलर साहब ने 1953 ईस्वी में, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वो क्या किया, सिमिलर कंडीशन किसमें लाया, लैबोरेटरी के अंदर डाले। वो क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिए एक क्लोज टैंक के अंदर, एक क्लोज टैंक लिए बच्चों, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रखे बच्चों, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कितना बचा था ना, 75,000 वोल्ट, कितना 75,000 वोल्ट रखे, और टेंपरेचर कितना था बताओ, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने CH4H2NH3 और वाटर वेपर, बताया क्या था, ये सब गैसेस क्या थे बताओ, ये सब गैसेस प्रिमिटिव टाइम में थे। तो इनका कहना था कि अच्छा यही सब गैसेस मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाए होंगे, तो उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने इन सब गैसेस को 800 डिग्री तापमान पर 75,000 वोल्ट में रखा। और उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने किया तो देखा कि 18 दिन के बाद, 18th डे आफ्टर 18th डे, व्हाट ही नोटिस्ड, आफ्टर 18th डे ही नोटिस्ड दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सम एमिनो एसिड, कौन सा, तो इसकी ट्रिक है रामगोपाल वर्मा की आग, ठीक है। तो रामगोपाल वर्मा की आग, ए फॉर लिखो क्या है, एलानिन, ए फॉर एस्पार्टिक एसिड, तो दिस ए फॉर एस्पार्टिक एसिड एंड जी फॉर ग्लाइसिन, तो तीन एमिनो एसिड बनता है, ठीक है, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन बना बच्चों, और ये आपको 18th डे पर दिखा। नाउ इसमें जो उन्होंने लिया था क्या, देखो यहां पर लिखा हुआ है, तो CH4 NH3 और H2 का रेशियो पूछता है बच्चों, रेशियो क्या था, 2:1:2, तो ये रेशियो था, मतलब CH4 और H2 दो गुना था किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, CH4 NH3 H2 का जो बच्चों रेशियो था ये था 2:1:2 था, रेशियो पूछ सकता है और आपसे एमिनो एसिड नाम पूछ सकता है बच्चों। तो ये देखिए क्या अच्छा फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड हुआ बच्चों, ठीक है। नाउ इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स, तो बाकी साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट की अदर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर, ठीक है, बहुत मजा आएगा, सुनते रहो। वेक्टर ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम लोग सोच नहीं सकते हो, या अभी तक बहुत को क्लियर नहीं होता वेक्टर, ठीक है, बहुत को क्लियर नहीं होता वेक्टर, इसको डाउट हो खुल के पूछोगे, कोई हेजिटेशन की बात नहीं, मल्टीपल टाइम रिपीट करूंगा, बट मेरे को सपोर्ट चाहिए, और तुम लोग डाउट है तो खुल के पूछो, ठीक है, घबराने की बात नहीं, ऐसा कभी नहीं बताएंगे।
तो टाइम इनफ हमारे पास, 13 सितंबर को एग्जाम है, बहुत टाइम है, आराम से करेंगे, आराम से करने में भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, दो दो बार खत्म हो सकता है, चाहे तो दो दो बार खत्म हो सकता है, ठीक है, बट फिर वही अगर अगर नॉर्मल बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह करने लगे या बाकी टीचर्स की तरह सिर्फ एनसीईआरटी को उठाए और पढ़ा दिए तो एनसीईआरटी सबको आता होगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है वो बताते चलेंगे। चलो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम लोग उसको ऐसे डीएनए को इसका लिंक किए, सॉरी ऐसे लिंक किए, ठीक है, और इस तरह से हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना लिए। तो आपसे पूछता है कि पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कौन क्या था, तो देखते हैं, तो देखो जो पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर जो डिजायर्ड डीएनए था वो क्या था, डिजायर्ड डीएनए था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन, और कौन सा एंटीबायोटिक ये पूछ सकता है तो लिख लेना, कौन सा, टेट्रासाइक्लिन, ये नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, तो ये सब इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीजें जो पूछ सकता है, तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब बोलोगे सर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये भी सुन लो यार, ये सब भी तुम लोगों को नहीं पता होगा, सुन लो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों समझो प्लीज, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है, ऐसा नहीं ना बिजली करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस होता है वायर के अंदर, वही वाला रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का मतलब कि अगर ये एंटीबायोटिक, कौन सा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला एंटीबॉडी, सॉरी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का सपोज करो जीन किसी बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो इस बैक्टीरिया को, और ये बैक्टीरिया सपोज करो किसी आदमी को इन्फेक्ट किया, ये भी किया, सपोज करो इस बैक्टीरिया के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन चला गया, तो अगर तुम इस बैक्टीरिया के, उस बैक्टीरिया को तुम टेट्रासाइक्लिन दवा के अंदर रखोगे, प्लेट के अंदर रखोगे, इसमें टेट्रासाइक्लिन बिछा हुआ है, तो ये नहीं मरेगा, क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है, इसके अंदर प्रतिरोध क्षमता आ गया है, इम्यूनिटी आ गया है, ठीक है, उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, तो दिस इज कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया में अभी लोग इसी से भुगत रहे हैं, किस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मौतें हो जाती है, क्योंकि इतना लोग एंटीबायोटिक खाता है, इतना एंटीबायोटिक खाता है, कि देखो होता क्या, सपोज करो एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड क्या बताया, प्लाज्मिड, तो प्लीज एंड प्लीज बच्चों समझो, तो प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, आगे डिटेल में बताएंगे। तो आजकल लोग मिसयूज करते हैं एंटीबायोटिक्स को, और बिकॉज ऑफ दिस मिस एंटीबायोटिक्स लोगों के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहा है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एंटीबायोटिक चलाते जा रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा, चलाते जा रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, सारा एंटीबायोटिक ट्राई करते हैं, और अंतिम फाइनली उस पर्सन का डेथ हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है घुमा फिर एक नीडो, चलो आगे आते हैं, तो ये सब चीज तो एक्स्ट्रा बताने लगे अचानक से। तो क्या बोला मैं आप लोगों को, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए में मेरा डिजायर्ड डीएनए क्या था, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन का, अच्छा दो तीन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को स्पीड अगर ज्यादा लगा था, जैसे कि अभी वो क्लास कर रही है अश्विनी, तो एक दो बच्चे बोले थे, तो देखो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, पहला चीज तो आप एनसीईआरटी लेके बैठोगे, या अगर मेरे से पहले डीएम मैटर पढ़ो तो नोट्स लेके बैठोगे, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो जो चीज लिखा हुआ है उसको नहीं लिखोगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा एड हुआ तो ऐड करोगे, या सपोज जो बच्चे मेरे से नए पहली बार पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, वो बच्चों को करना क्या है, आप सपोज करो लिख रहे हो, और कभी कभी क्या होगा, स्पीड ज्यादा हो गया, नहीं लिख पाए, तो प्लीज टाइम नोट कर लो, टाइम नोट डाल दो, लिख दो कि 24 मिनट 30 सेकंड पे वो छूटा था, तो बाद में जब आप उसको देखने जाओगे लेक्चर को, तो आपको शुरू से लगातार 2 घंटा नहीं देखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर लाइव लेक्चर के अंदर ये कैसे होता है, तो उसका भी रूल है, देखो हम लोग क्लास 6:30 बजे शुरू करते हैं, आपके लेक्चर पे सिर्फ लाइव लिख रहा होगा, टाइम नहीं लिख रहा होगा, तो आप आइडिया लगा लोगे ना, घड़ी देखोगे सामने में, चलो अभी 7 बजे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 30 मिनट के आसपास वो टॉपिक है, एंड सो ऑन सो ऑन लिखोगे, और बाद में आप एक्जैक्टली उस टाइम पर जाके उस चीज को अपडेट कर लोगे नोट्स में, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। तो बच्चों ये स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि इस लेक्चर को करने के बाद फिर से देखना, नो, आपको मैं पहले बोल रहा हूं, मैं आपको इस चीज का कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं, प्लीज एंड प्लीज माइंड में वर्ड्स, पूरा का पूरा दिन आप लोग बिंदास होकर फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान दो, पूरा का पूरा दिन फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान दो, बायोलॉजी का टेंशन मेरे पे छोड़ दो, गारंटी बायोलॉजी का टेंशन मेरे पे छोड़ दो, आपको बायोलॉजी पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ क्लास कोर्स करना है, क्लास कर लेना आगे, दैट्स सफिशिएंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो ना करो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी कवर कर लेते हैं क्लास में, उसको हम ऑलरेडी कवर कर लेंगे, उसको बनाओ ना बनाओ तुम्हारी मर्जी। तो आपको बस ये करना है, पूरे दिन में बायो सिर्फ क्लास वर्क करना है, और एक घंटा चलो दे सकते हो, एक घंटा सपोज करो दे सकते हो, अगर सपोज करो आप थोड़े से कमजोर स्टूडेंट हो, एवरेज हो, तो एक घंटा देख लो फटाक से, बट आपके पास जो बाकी के 12 घंटे पढ़ने के हैं, तो 12 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा बायो के लिए काफी हो गया, 1 घंटा सफिशिएंट है, और बाकी पूरा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दो, जितना फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा स्ट्रॉग होगा उतनी तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी, क्योंकि बायोलॉजी में पहले बता रहा है, देखो कंपटीशन नेक टू नेक है, कुछ लोगों को लगता होगा कि इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, ये बस तो इसे बेसिकली बच्चों फ्रिंज है, आपके फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब क्या होता है, फ्रिंज का मतलब होता है कि आप सपोज करो फोकस कर रहे हो एनसीईआरटी पर, और एनसीईआरटी को फोकस करने के चक्कर में इर्द गिर्द क्वेश्चन छूट जाएंगे, देखो किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि एनटीए जैसे बार एग्जाम लेगी उसमें कैसा पेपर आएगा, क्योंकि एनटीए के ऐप के क्वेश्चन को देख के बहुत सारे कंफ्यूजन से माइंड में कि एनसीईआरटी से बाहर रहेगा अंदर रहेगा, उस चक्कर में क्या होता है बच्चे, उस चक्कर में लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, देखो पूरी की पूरी इंडिया 17 लाख बच्चे अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एज चाहिए ना, एक्स्ट्रा एज के लिए तो ग्रे मैटर का की क्लास है, आपको मैं कुछ फ्री में अगर दे रहा हूँ तो यार मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, कुछ आपसे रिटर्न में मांग रहे हैं, ठीक है, बस सिंपल से बात है, मेहनत कर रहा है, तो इसको प्लीज पॉजिटिवली ले, ठीक है, पॉजिटिवली ले, आप लोग पूरे दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री करें, बाकी बायोलॉजी का टेंशन छोड़ दे मेरे पे, आई वेट, और मैं आपको पहले प्रॉमिस किया हूं 90 क्वेश्चन आपके नोट्स आएंगे, 89 तो आना ही आना है, ठीक है, टारगेटिंग हम लोग 350+ करवाना बायो में, ठीक है, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि छूट गया, तो प्लीज एंड प्लीज नोट्स के क्लास के बोले हुए हर पॉइंट को वापस जाके सुनो, इनफैक्ट जब भी आप सपोज करो नहाने जाते हो, नहाने नहीं मतलब सपोज करो टॉयलेट ही जाते हो, खाना खाने जाते हो, कोई भी लेक्चर को आराम से कान में डालो, ईयरफोन लगा के सुनो, रिवाइंड करके सुनो, जरूरी नहीं कि आपको स्क्रीन देखना है, आराम से सुनो बिंदास, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो आप लोग रेडियो की तरह सुन सकते हो, बट ये कर लो, दैट्स सफिशिएंट, फ्रिंज का मतलब क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा इर्द गिर्द चीजें हैं, तो देखो हर साल 8 से 9 क्वेश्चन बाहर से आता है, और यही 8 से 9 तो रैंक डिसाइडिंग, आपको पता है ना इस बार एम्स मर्ज हो गया, तो जैसे एम्स मर्ज हो गया नीट के साथ, कंपटीशन ज्यादा है, तो कोई भी बच्चा का ड्रीम क्या होता है, हर बच्चा का ड्रीम होता है एम्स दिल्ली, और एम्स दिल्ली लेने के लिए आपको मिनिमम 650 से 670 नंबर लाना होगा, इसको करने के लिए मिनिमम आपको बायो में 350 लाना होगा, जब बायो में 350 लाओगे तब जाके आप दोनों सब्जेक्ट में 300 मिला के लाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, गेटिंग अ पॉइंट, तो प्लीज डू एंड कोऑपरेट रेदर देन ब्लोइंग मी इन द बैक साइड, चलो आगे आते हैं बच्चों, ओके, तो ये हो गया, और हम लोग बस सिंपल सा है, क्लास करो बिंदास, सब कुछ बनेगा, तो इसको हम लोग किससे इनकोड किए बच्चों, इसको हम लोग इनकोड किए नेटिव प्लाज्मिड से, तो एक प्लाज्मिड लिए किसका, और प्लाज्मिड क्या होता है, वही लिखा हुआ है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोम डीएनए, तो बोला ना आप लोगों को किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो उसका नॉर्मल क्रोमोजोम मटेरियल होता है, उसके अलावा वी हैव गॉट समथिंग, क्या बताओ,
वी हैव गॉट ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग. ऑटोनोमस का मतलब ये खुद बखुद राजा है, खुद का खुद बखुद राजा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है. किससे इंडिपेंडेंट है? बैक्टीरिया के खुद के जेनेटिक मटेरियल से. तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कुछ भी होती है नहीं आ रहा है, आई डोंट केयर, उससे ये इंडिपेंडेंट है, ये ऑटोनोमस है. ये दरभंगा महाराज है, अपने तरीके से रूल करेगा, अपने तरीके से रेप्लिकेट करेगा. सर्कुलर है, वेरी गुड. एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है. और देखना बच्चों अगला पॉइंट, नॉन हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन है, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है. तो बेसिकली ये जो होता है ना बच्चों, ये जो प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है, ठीक है. सॉरी, इस लाइन को भी एडिट कर लेना, ठीक है, बैकलाइन को काट लो. चलो तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना होगा. चलो आगे आते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग. तो ये बच्चों आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए. तो किसका हम लोग लिए बताओ, किसका प्लाज्मिड यूज किए? सेल्मोनेला टाइफिमुरियम बैक्टीरिया का. तो प्लाज्मिड हम लोग लिए सेल्मोनेला टाइफिमुरियम का. तो हम लोग दोनों को कंबाइन किए, और दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे? डीएनए लाइगेज एंजाइम से, ठीक है. तो देखो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, अश्विनी स्पीड ज्यादा तो नहीं है आज, कंफर्टेबल स्पीड से बताओ. द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कन्फेरिंग एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन. तो सिंपल द कांसेप्ट है, एक प्लाज्मिड के बारे में इसको मालूम नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली अपना इफेक्ट सोनी कर पाएगा कौन? मेलोडिग्निया इनकॉग्निटा. दैट्स क्लियर. तो इसी तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं बचाते हैं. तो ये दो मेथड होते हैं, ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है. नाउ अब हम लोग को पढ़ना है बाकी डिटेल्स. तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे हम लोग इंटर करते हैं, किस तरह से इंटर किए. तो देखो लिखा हुआ क्या, यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम फैक्टर. सिंपल द कॉन्सेप्ट है, सपोज करो ये एग्रोबैक्टीरियम का फैक्टर है. तो एग्रोबैक्टीरियम फैक्टर के थ्रू हम लोग क्या किए, देखो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वेयर इंट्रोड्यूस इन होस्ट प्लांट. तो डीएनए पॉलीमरेज हम लोग यूज किए. ये डीएनए पॉलीमरेज कौन सा लेते हैं, याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं हम लोग यहाँ पर, टैग पॉलीमरेज. मैं आपको पहले ही बोलते हूँ, पूरे के पूरे बायोटेक में जब भी क्वेश्चन डीएनए पॉलीमरेज का है, आपको टाइप वन टिक करना है, ठीक है. टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, कभी को टाइप फोर भी दे देगा ऑप्शन में, बट आपको टाइप वन करना है. तो टैग पॉलीमरेज इज द डीएनए पॉलीमरेज यूज हियर. टैग पॉलीमरेज पता नहीं, नीट वाले का फेवरेट क्वेश्चन, सबके मुंह पर रटा हुआ होगा क्वेश्चन, क्यों है सबके मुंह पर रटा हुआ होगा. टैग पॉलीमरेज ऑप्टेन करते हैं एक चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मस एक्वाटिकस, आगे लिखा हुआ होगा. और थर्मस एक्वाटिकस का फायदा है, बार बार पूछते हैं, और ये एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर पर, और ये डीनेचर नहीं करता है, ठीक है. और बात करेंगे नॉर्मल पॉलीमरेज जो होता है, नॉर्मल पॉलीमरेज क्या करता है बच्चों? ऑफलाइन हो गया था, अरे मैं जिंदा हूं, एम आई लाइव? तो बच्चों हम लोग ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डीएनए इनटू होस्ट, इंसर्शन ऑफ ट्यूमिफेसियंस से. तो देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक क्या है बच्चों? एक बैक्टीरिया है. जो बैक्टीरिया क्या करता है, ये पैथोजन है किसका? सेवरल डाइकोट प्लांट का, बहुत सारे डाइकोट प्लांट्स का ये पैथोजन है, डाइकोट प्लांट्स को इफेक्ट करता है. और ये कैसे है यूजफुल, तो देखो हम लोग बताते हैं. तो देखो सपोज करो बच्चों ये आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया. बच्चों क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर, वी हैव गॉट समथिंग, क्या बच्चों? वी हैव गॉट टीआई प्लाज्मिड. इसी बच्चों टीआई प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड को हम लोग थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे, टीआई प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल के बना लेते हैं. तो टीआई प्लाज्मिड जब देखोगे ध्यान से, क्या देखोगे? टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक डीएनए होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, जो ब्लैक वाला है, इसको बोलते हैं टीडीएनए. आंसर तो कमेंट बॉक्स में, टीडीएनए में टी क्या है? टीडीएनए में टी क्या है? ऑप्शन है ट्यूमर, ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मिंग, ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म्ड, ये ऑप्शन है ट्यूमिफेसियंस. आंसर दे दीजिए टी का मतलब क्या है यहां पर. चलो वेरी गुड. तो बच्चों क्या बोला मैं, ये जो टीआई प्लाज्मिड है मेरा, ये टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का क्या करता है, इसके अंदर टीडीएनए होता है. टीडीएनए बच्चों जो होता है ये क्या करता है, ये ट्यूमर कॉज करता है, पेड़ के अंदर ट्यूमर था. सपोज करो ये कोई पेड़ है, इस पेड़ के अंदर गलती से भी इसका इन्फेक्शन हो गया, किसका? इस बैक्टीरिया का. तो ये क्या करेगा, पेड़ के अंदर जाएगा, और जैसे पेड़ के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, ये अपना टीआई प्लाज्मिड को छोड़ देगा. टीआई प्लाज्मिड को छोड़ के क्या करेगा, जैसे टीआई प्लाज्मिड को छोड़ेगा, तो टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो टीडीएनए मिला, जो बच्चों मेरा टीडीएनए है, ये टीडीएनए क्या करता है, ये टीडीएनए गया और प्लांट में चला गया. देखो प्लांट में टीडीएनए चला गया, प्लांट के अंदर टीडीएनए चला गया. तो जैसे टीडीएनए जाएगा बच्चों, ये क्या करेगा, ट्यूमर कॉज करेगा. बच्चों ये ट्यूमर कर देगा किसमें, पेड़ में. और ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, क्राउन गल. इसको हम बोलते हैं बच्चों क्राउन गल. देखो पेड़ के अंदर सब कुछ ट्यूमर बन गया, पेड़ के अंदर बच्चों ट्यूमर लग गया, ठीक है, ट्यूमर बन गया, तो ये कॉल क्राउन गल. तो साइंटिस्ट लोग क्या दिमाग लाया कि अगर ट्यूमर हो जाता है इस बैक्टीरिया से, क्यों होता है बताओ? क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर बच्चों क्लास कर रहे हो ना तुम लोग. हाँ वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर. रुकिए आपका रॉन्ग आंसर है, स्पेक्ट्रा का सही आंसर, आपके अंदर सही है, वेरी गुड. बच्चों याद रखना टी डीएनए में टी का मतलब होता है ट्रांसफर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना आएगा. टी का मतलब होता है बच्चों ट्रांसफर्ड, टी डीएनए में टी का मतलब ट्रांसफर्ड होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो क्यों फैसिलिटी, तो मैं तो कंफ्यूजन नहीं ऑप्शन दिया था. तो बच्चों देखो पेड़ के अंदर ट्यूमर हो गया, पेड़ के अंदर ट्यूमर हो गया. तो साइंटिस्ट लोग क्या सोचा कि अगर हम लोग इस टीआई प्लाज्मिड में हम लोग इस टीडीएनए को हटा के, इस टीडीएनए को हटा के क्या करें, इस टीडीएनए को हटा के दिमाग लगाते हैं. ये क्या किए, ये बोले कि चलो हम लोग टीआई प्लाज्मिड को लेते हैं, और अब इस टीडीएनए को जो कि ट्यूमर काउंट करता है उसको हटा के हम लोग क्या करते हैं, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर हम लोग अपना कोई भी डिजायरेबल डीएनए फिट कर देते हैं, डिजायरेबल जीन फिट कर देते हैं, डिजायरेबल डीएनए. तो देखो टीआई टीडीएनए को हम लोग चेंज किए, और क्या कर दिए चेंज करके बताओ, यहां पर हम लोग डिजायर डीएनए को फिट कर दिए. जब डिजायर डीएनए को फिट कर दिए तो क्या होगा, अब हम लोग क्या बोले कि जा बेटा तू जा जी ले अपनी जिंदगी, जी ले जिंदगी मतलब जा और तू इन्फेक्ट कर किसको, प्लांट को. और प्लांट कौन सा इन्फेक्ट होता है बताओ, डाइकोट प्लांट, मेनली डाइकोट प्लांट को करता है. अब जैसे ही इन्फेक्ट करने जाएगा प्लांट को, तो देखो प्लांट को इन्फेक्ट तो करेगा, प्लांट को इन्फेक्ट तो करेगा, बट आपका काम भी करेगा. आपका काम क्या करेगा, देखो आपका मैसेंजर है, कबूतर जा 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 वाला बात है, ठीक है, कबूतर जा वाला बात है. तो कबूतर जा रहा है और जाएगा और क्या करेगा, सेम वही काम करेगा. तो ये क्या करेगा, देखो बच्चों ये अपना टीआई प्लाज्मिड छोड़ देगा, पेड़ के अंदर टीआई प्लाज्मिड छोड़ेगा. और इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका दिया हुआ, आपका भेजा हुआ मैसेज है, कौन सा मैसेज, ये डिजायर डीएनए. देखो मैं ग्रीन कलर का बना रहा हूं, ये मेरा बच्चों डिजायर डीएनए चला गया है. अब टीडीएनए नहीं गया, अब टीडीएनए की जगह हम लोग डिजायर डीएनए पुट कर दिए हैं. ये डिजायर डीएनए कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, सपोज करो कोई पेड़ है जिसके अंदर फ्रूट्स का नंबर कम है,
सपोज करो फ्रूट बनाने वाला जीन हम लोग पुट कर देंगे, सपोज करो कि ऐसा कोई प्लांट है जिसके अंदर फ्रूट तो है वेरी गुड बट उसके अंदर और कुछ भी जो भी कुछ और जो पेड़ के यूज होते हैं, सपोज करो उसका वुड प्रोडक्शन कम है, लकड़ी उसके अंदर कम बनता है, जिसको काटोगे तो लकड़ी कम मिलेगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज हो सकते हैं लाइक उसके अंदर फ्लावर कम है सपोज प्लांट के अंदर, तो उस प्लांट के अंदर हम लोग वो जीन पुट कर सकते हैं जो जीन मेरे काम का है और हम लोग अपना काम अपना मतलब निकाल सकते हैं। इंसान क्या कर रहा है, इंसान इसको अपने मतलब के लिए निकाल रहा है, तो दैट्स व्हाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस इज कॉल्ड वेरी गुड, इट इज कॉल्ड नेचुरल बायोटेक इंजीनियर, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बायोटेक इंजीनियर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को कौन सा माइक्रोस्को हम लोग नेचुरल बायोटेक इंजीनियर बोलते हैं, तो क्या जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ठीक है, चलो बोलो क्लास में नहीं होकर भाग गया क्या, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ऐसे लिखा हुआ है, ये चीज मैं बोला हूं लिखा हुआ है, आपको खुद को पढ़ना होगा, तो सिंपल कॉन्सेप्ट टी डीएनए की जगह हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, फ्रूट वाला जीन, लकड़ी पैदा करने वाला जीन, फ्लावर पैदा करने वाला जीन, जो आपको डालना, ठीक है, हो सकता है कुछ दिन बाद पैसा उगाने वाला जीन डाल देंगे, तो पैसा उगाने वाला जीन डाल देंगे तो पैसा फड़ेगा, पैसा पेड़ पे पैसा फड़ेगा, तो हम लोग पेड़ पे पैसा तोड़ेंगे, ठीक है, लटक लटक के तोड़ लिया करेंगे, चलो वेरी गुड, आई एक्सपेक्ट ऐसा कुछ हो जाए आप लोग के बाद, तो बच्चों ये तो हो गया प्लांट का, करेंगे एनिमल्स की आराम बात करेंगे बच्चों एनिमल्स की, विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, तो अब इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस प्लांट के अंदर खुद रेजिस्टेंस आ जाएगा, इन इफैक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं एक नेचुरल बायोपेस्टिसाइड बना लिए। एग्जाम्पल्स क्या क्या देखो दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटेटो एंड सोयाबीन, तो आपको याद क्या रखना, देखो बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या था, तो याद रखना बच्चों बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर आपसे पूछेगा बच्चों फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप पूछेगा, ठीक है, तो आएगा बीटी कॉटन, बट आपसे पूछेगा बताओ आंसर तो तुम लोग खुद दो, बताओ कोई फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप, बताओ कोई फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप क्या था, एनीवन बताओ कोई कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसको आता है आंसर, तो चलो ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं, तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, बीटी कॉटन की बात करेंगे तो आपके सिलेबस में एक बीटी कॉटन दे रखा है, तो बीटी कॉटन की बात करेंगे तो देखो बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन वाले कॉन्सेप्ट में देखो, तो बैसिलस थुरिंजियसिस एक बैक्टीरिया है जिसके कुछ स्ट्रेंस, नॉट ऑल द स्ट्रेंस, सम स्ट्रेंस, कुछ उसके स्ट्रेंस क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स को, जो प्रोटीन किल करता है इंसेक्ट को, और इंसेक्ट्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो नीट में आने के डायरेक्टली चांसेस बनते हैं इसके, इंसेक्ट्स क्या क्या देखते हैं, तो पहला है लेपिडेप्टेरन्स, लेपिडेप्टेरन्स में क्या क्या है, देखो टोबेको, वुडवर्म एंड आरवी वर्म, तो इसका ट्रिक है ऐसे याद रखोगे ताल, तो ताल से याद रख लोगे, तो टी फॉर टोबेको वुडवर्म, ए फॉर आर्मी वर्म एंड एल फॉर लेपिडेप्टेरन्स, ठीक है, चलो अगला बच्चों कॉलिप्टेरन्स, कॉलिप्टेरन्स में एग्जांपल क्या है, टेरन्स में क्या क्या है, फ्लाई और मॉस्किटो, इसको याद रखना ऐसे मैन्युफैक्चरिंग डेट MFD से याद रख लेना, एम फॉर मॉस्किटो, F for fly and D for diptera. तो बच्चों ये सब insects के खिलाफ Bacillus thuringiensis का toxin काम करता है। अब Bacillus thuringiensis की बात करेंगे, तो Bacillus thuringiensis क्या करता है? ये धुंधला हो गया। बाबू मेरे तरफ धुंधला नहीं हुआ, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम अच्छे जगह पे बैठो, ठीक है? ये फेसबुक है, धुंधला मेरे साइड से कभी नहीं होगा, ठीक है? हाँ, तुम जाके उधर बैठो, तुम नेटवर्क अपना सही करो और ऑटो मोड पे डाल दो, खुद क्लियर चलेगा, ठीक है? चलो बच्चों देखते हैं, तो मैं क्या बोला आप लोगों को प्लीज समझना, यहाँ पर ऑडियो वोडियो कटेगा तो बताओगे, तो देखो पेस्ट को किल करता है, तो आपसे पूछेगा कि ये फेज है, ये पार्टिकुलर फेज कौन सा, बच्चों तो लिख लेना प्लीज, फेज का नाम लिख लो, फेज हम लोग बोलते हैं, और फेज है बच्चों लिखना, पहला फेज होता है ऑनसेट ऑफ स्पोरिलेशन, पहला फेज है ऑनसेट ऑफ स्पोरिलेशन, स्पोर के बनने के टाइम में टॉक्सिन बनता है, दूसरा लिख लेना ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज, ड्यूरिंग द स्टेशनरी, बेटर आंसर ग्रोथ फेज, तो ड्यूरिंग द स्टेशनरी ग्रोथ फेज, तो याद रखना बच्चों ये जो बैक्टीरिया है ये अपने लाइफ के दो फेज में, कौन कौन सा, ऑनसेट ऑफ स्पोरिलेशन और ड्यूरिंग द स्टेशनरी ग्रोथ फेज, इस दोनों फेज में क्या बनाता है ये, इस दोनों फेज में बनाता है ये टॉक्सिन, कौन कौन सा टॉक्सिन, तो बनाता है बच्चों ये टॉक्सिन दो तरह का, एक क्राई टॉक्सिन और एक बनाता है बच्चों CYT टॉक्सिन, दोनों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एक दिया वर्ड दोनों पूछ सकता है, क्राई वर्ड कहां से आया बच्चों, याद रखना क्राई वर्ड आया है क्रिस्टल से, और CYT कहां से आया बच्चों, तो CYT आया है साइटोलाइटिक से, साइटोलाइटिक वर्ड से, तो बच्चों याद रखना आप लोगों को दो टॉक्सिन बनाता है क्राई और साइटोलाइटिक टॉक्सिन, ठीक है, चलो तो ये दो टॉक्सिन हमारे इस बैक्टीरिया के थ्रू बनते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब मिसिंग पॉइंट है जो कोई नहीं बताता है लेकिन आपको ये आना चाहिए, चलो तो मैं क्या बताया आपको, बैसिलस थुरिंजियसिस अपने पार्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ के टाइम में कुछ प्रोटीन्स बनाता है क्रिस्टल के फॉर्म में, देखो क्रिस्टल मतलब बेसिकली सॉलिड इस तरह का क्रिस्टल के फॉर्म में, कौन कौन से प्रोटीन, क्राई और CYT टॉक्सिन, दो टॉक्सिन बनाता है क्राई टॉक्सिन और CYT टॉक्सिन, क्राई कहां से आया बताओ, क्राई आया फ्रॉम द वर्ड क्रिस्टल और CYT कहां आया फ्रॉम द वर्ड साइटोलाइटिक, ठीक है, और कब को बनाता है ये मैं आपको दोनों बता दिया, एक चीज बच्चों याद रखना, चलो तो पढ़ा चुके हैं मलेरिया के बारे में पढ़ा चुके हैं, आगे देखो यहाँ पर द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन विद द प्लाज्मिड बिकम पॉसिबल विद द हेंज ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज के कारण ही क्या हुआ, तो ये सपोज करो मेरा वेक्टर डीएनए है और सपोज करो ये मेरा डिजायर्ड डीएनए, तो वेक्टर डीएनए और डिजायर्ड डीएनए
कंबाइन होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज. तो डीएनए लाइगेज जो है ये कैसे ज्वाइन करता है ये हम लोग देखेंगे, कैसे ज्वाइन करता है जो डीएनए है इसका जो कट एंड है, वेरी गुड. और ये जो रेड वाला बच्चों नीचे इसको मैं ब्लू बना रहा हूं अभी, ठीक है. तो दोनों के कट एंड को जोड़ेगा और कट एंड को जोड़ के फाइनली क्या बनाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो. इन विट्रो का मतलब लैबोरेटरी के अंदर. तो न्यूक्लियस के दो टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियस के बच्चों दो टाइप्स होते हैं. तो न्यूक्लियस के दो टाइप्स हैं, एक है एक्सो और एक है इंडो. तो जो साइड से कट करे, सपोज करो ये डीएनए का सेगमेंट है, जो साइड से कट लगाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो. और जो बीच से कट लगाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो. तो जो बीच से कट किया उसको इंडो बोलते हैं. तो इसको हम लोग न्यूक्लियस लिखना चाहिए था, बट यहाँ पर इंडो न्यूक्लियस लिख दिया, कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना. चलो हम लोग आगे बात. नाउ कहाँ गया, द ओव्यूल इज अटैच्ड, बता दिया फ्यूनिकल. द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजन विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम. द हाइलम क्या बच्चों, हाइलम जंक्शन है किसका, ओव्यूल और फ्यूनिकल का बच्चों. ये क्वेश्चन नीट में आया था, फिर से रिपीट हो सकता है बच्चों, इस तीनों में से कहीं आ सकता है फिर से. तो हाइलम क्या बच्चों, हाइलम बेसिकली वो क्या है, जंक्शन है किसका बताओ, पूरे ओव्यूल का बच्चों और किसका, फ्यूनिकल का बच्चों. ये क्या है, ये हाइलम है, ठीक है बच्चों. ये जंक्शन है किसका, ओव्यूल का, और बच्चों किसका बोलो, फ्यूनिकल का, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बच्चों फ्यूनिकल का जंक्शन है. कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चलिए आगे देखते हैं. नाउ appendages जिसे कहते हैं स्पोरोफिल, समझे ना. कभी-कभी ऐसा होता है कि जो स्पोरोफिल्स होते हैं ना दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है स्पोरोफिल्स होते हैं वो एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना रहते हैं. क्या बना रहते हैं, कोन जैसा स्ट्रक्चर, किनके अंदर, टेरिडोफाइट्स में. तो कभी-कभी वो कोन जैसा स्ट्रक्चर स्पोरोफिल्स बना रहते हैं दोस्तों, कोन वो टेरिडोफाइट्स में, कि इसको उसी कोन को हम लोग दूसरा नाम देते हैं दोस्तों. क्या नाम देते हैं हम लोग, स्ट्रोबिलाई देते हैं, स्ट्रोबिलाई देते हैं. तो स्पोरेंजिया स्पोरोफिल में रहता है, स्पोरोफिल कोन जैसा स्ट्रक्चर कभी-कभी बना लेता है, उस कोन को कहते हैं स्ट्रोबिलाई. मेल का अगर होगा तो मेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल का होगा तो फीमेल स्ट्रोबिलाई दोस्तों, ठीक है. और इसके एग्जांपल किस किस में मिलते हैं दोस्तों, ये मिलता है तुमको सिलाजिनेला में मिलता है, इक्वेसिटम में मिलता है, सिलाजिनेला और इक्वेसिटम. जो पटना में एक मॉल है जो कि बेसिकली पीएनएम है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पीएनएम मॉल. बचाना P for phagocytosis, N for neutrophil, M for monocytes. तो WBC के दो सेल्स क्या होते हैं, phagocytic in nature होते हैं. Phagocytosis क्या होता है आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. क्या होता है बच्चों, phagocytosis का मतलब क्या होता है बच्चों, सेल ईटिंग. तो बच्चों ये pathogens को खाते हैं, that is called phagocytosis. चलो ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी. बच्चों बैसोफिल सीक्रेट करता है तीन सब्सटेंस, कौन कौन सा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरोनिन. तो बच्चों याद रखना बैसोफिल्स तो करता है, साथ साथ ये क्या करता है, मास्टसेल भी करता है. तो मास्टसेल भी तीनों सब्सटेंस रिलीज करता है. और बैसोफिल्स क्या करता है, ये तीनों चीज रिलीज करके इन्वॉल्व होता है किसमें, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में बच्चों. तो बच्चों बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है ना. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस क्या होता है ये भी सुन लो, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आर नथिंग बेसिकली, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आर लोकल रिस्पॉन्स. तो बच्चों कोई भी टॉक्सिन, रेडनेस, बच्चों रेडनेस होता है बच्चों, लिखना बच्चों, तो रेडनेस होता है बच्चों, स्वेलिंग हो जाता है बच्चों. और ऑल्सो इन्वॉल्व बच्चों किसमें, स्नोफिल किसमें इन्वॉल्व है, स्नोफिल बच्चों इन्वॉल्व है किसमें, एलर्जिक रिएक्शंस में. तो ये बच्चों एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है. तो एग्जांपल लिखना बच्चों, हे फीवर, आपके नीट में आएगा हे फीवर पोलन से होता है, तो पूछेगा क्या इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा, आंसर जाएगा स्नोफिल. बच्चों अगला याद रखना पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होता है बच्चों उसके अंदर स्नोफिल बढ़ा होता है. एग्जाम्पल लिख लो क्या, एग्जाम्पल लिख लो फाइलेरियासिस. तो फाइलेरियासिस के अंदर क्या मिला हुआ बढ़ावा मिलेगा आपको बच्चों, स्नोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा बच्चों. तो ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. और लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे बच्चों, तो लिम्फोसाइट होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ऑलरेडी पढ़ रखा होता है. बाकी अपन हम लोग लिम्फोसाइट को डिटेल में भर भर के पढ़ लिए हैं, कहां पर सबका परसेंटेज बाबू याद होगा, एक बार में याद होगा, मैं दिखाता हूं कैसे याद होगा. तो बच्चों लिम्फोसाइट्स के बारे में हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ऑलरेडी पढ़ रखा है, रिफर बैक टू द नोट्स. चलो तो बच्चों आपको मिनिमम इतना जानना था ना, बाकी अब डायग्राम्स की स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सेलुलोज. इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ना बॉन्ड, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दोस्तों. क्या कहते हैं इसे, मेरे साथ बोलो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है. चलो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में जान लिया. तो किसका एग्जांपल दिया, सेलुलोज का क्या है, मोनोमर, मोनोसेक्राइड पॉलीमर. इसको क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर. तो हेट्रोपॉलीमर का पॉलीसेक्राइड. इन्यूलिन, इसके नया एग्जांपल एनसीईआरटी में नया घुसाया है. इन्यूलिन जो है ये किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का. इन्यूलिन पॉलीमर का किसका है, फ्रक्टोज का. फ्रक्टोज जुड़ के क्या बनाते हैं, इन्यूलिन बनाते हैं, ठीक है. चलो अब स्टार्च का स्ट्रक्चर के, वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड. क्या इंसुलिन को हम लोग, आंसर दो जो देख रहे हो, इंसुलिन को क्या हम लोग ओरली एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, आंसर इसका नो. व्हाई, बिकॉज़ याद रखना इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन. इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है,
तो जो पेप्टाइड हार्मोन वाले चीज है उसको हम लोग नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये डैमेज आएगा कैसे, बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो डाइजेस्टिव एंजाइम से डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कभी भी इंसुलिन को ओरली नहीं लेते हैं। हम लोग कैसे लेते हैं, याद रखना बच्चों, इंसुलिन कैसे लेते हैं हम लोग, तो इंसुलिन को हम लोग लेते हैं सब क्यूटेनियसली। सब क्यूटेनियसली क्या होता है, बिलो स्किन लेते हैं। ये भी सुन लो कैसे लेते हैं, देखो सपोज करो ये एब्डोमेन है, ये अम्बिलिकस से नाभि है, तो बेसिकली हम लोग एब्डोमेन के दोनों साइड में मसल्स को पकड़ते हैं, स्क्रीन पर देखो मेरे, इस तरह से पकड़ के पिंच करते हैं और हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं इंसुलिन को, ठीक है, बस एक लाइन काफी याद रखना। तो बेसिकली हम लोग इस एरिया में यूज टू देते हैं और सब क्यूटेनियस देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि डैमेज क्यों होगा, याद रखना इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन और ये डाइजेस्टिव एंजाइम से डैमेज हो जाएगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं क्या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। इट इज डिफाइंड एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करके एक इकोसिस्टम के अंदर जितना बन रहा है क्या ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ओके बच्चों। लेकिन दिक्कत क्या है, जब एक प्लांट ग्रॉस मतलब प्रोडक्टिविटी कर रहा होगा तो वो खुद यूज किया होगा, वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या होगा, खुद यूज किया होगा, यस। तो देखो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस यूज किया होगा तो क्या होगा, जब हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से घटा देंगे जो भी उसने रिस्पायरेशन में यूज किया होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे रेस्पिरेटरी लॉसेस बोलेंगे, तो जब घटा देंगे तो क्या बचेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हम क्या बोलते हैं एनपीपी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी उसने बनाया और उसमें उसका रिस्पायरेशन के टाइम में कितना लॉस हुआ वो क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और एक्चुअली में यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये क्या होगा, यही मिलेगा खाने को किसको, ये मिलेगा हेटरोट्रॉप्स को खाने को। तो देखो ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, कौन, प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, ये बनाया और ये बना के कुछ यूज भी किया, ये बना के कुछ यूज भी किया रिस्पायरेशन में, और बच्चों ये बनाया क्या, ये बनाया तुम्हारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन रिस्पायरेशन का लॉस हो गया और बचा क्या, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही क्या है, यही बेसिकली अवेलेबल है हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप कौन से हैं, या तो हर्बीवोर्स होंगे जो कि घास खाएंगे, या तो डिकम्पोजर्स होंगे, ठीक है। नाउ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नया डिफरेंस आ गया, तो बच्चों ये क्या है, ओवम है, और बच्चों ये क्या, देखो ये आपका पेरी विटेलाइन स्पेस, क्या बच्चों ये पेरी विटेलाइन स्पेस दिख रहा है, हाँ, मतलब क्या ये विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर का जगह, ये बच्चों ओवम है, तो बच्चों ये क्या है, बोलो ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है, क्या बच्चों विटेलाइन मेम्ब्रेन है, तो बाहर का जगह क्या बोलते हैं, पेरी विटेलाइन स्पेस, ये क्या बच्चों जोना पेरिफेरा बच्चों, ये क्या है कोरोना रेडियाटा बच्चों, ये क्या है स्पर्मेटोजोआ बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं एक, एक क्या बच्चों, एक ही बच्चों ओवम प्लस एक मेम्ब्रेन, कॉल बच्चों एक, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ओवम प्लस एक मेम्ब्रेन कॉल नन अदर देन द सो कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नंबर कितना बताओ बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। नंबर है दो और साइज क्या होता है, छोटा सा मटर के दाना जैसा, छोटा सा मटर के जैसा, दो साइज होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, कहाँ बताओ बच्चों, प्रेजेंट है द बेस ऑफ पेनिस, तो बच्चों पेनिस के बेस में प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे देखो बच्चों ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसे सेक्रेशंस को निकालेगा जो क्या करेगा, पेनिस को लुब्रिकेट करेगा फॉर व्हाई सेक्सुअल इंटरकोर्स, बच्चों ये क्या करेगा, लुब्रिकेट कर रहा है किसको, पेनिस को, तो बच्चों ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, व्हाई, बिकॉज़ सो दैट कि पेनलेस सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो सके, तो वो कहीं ना कहीं पेनलेस सेक्सुअल एक्सपीरियंस करने में ये हेल्प करेगा। कौन कौन से क्लास में नाम बताएगा, तो देखेंगे आगे क्यों ऐसा होता है। चलो बच्चों नंबर 2 करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो देखो बच्चों हार्मोनल रेगुलेशन कैसे करेंगे, इजी कांसेप्ट है, देखो हाइपोथैलेमस से वी हैव गॉट समथिंग, बच्चों ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जीनरज बच्चों गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बच्चों इसका नेचर कैसा होता है, गोनाडोट्रोपिन निकलता है बच्चों पल्सटाइल, पल्सटाइल का मतलब बच्चों देखो अचानक से निकलेगा फिर बंद हो जाएगा, अचानक से निकलेगा फिर बंद हो जाएगा, अचानक से निकलेगा फिर बंद हो जाएगा, जैसे बच्चों पल्सटाइल मंदिर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नो समझो बच्चों, तो हाइपोथैलेमस का निकलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ये कैसे करता है काम देखते हैं बच्चों, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है बच्चों, ये जाता है कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है दो हार्मोन, क्या क्या बच्चों बोलो, LH इसको हम लोग क्या से बोलते हैं, मेल्स में ICH बोलते हैं, LH को हम लोग मेल्स में ICSH बोलते हैं, और फीमेल और क्या निकलता है बच्चों, अगला हार्मोन FSH निकलता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नो समझो बच्चों, L फॉर LH, L फॉर लेडी सेल्स, तो बच्चों याद रखना LH लेडी सेल्स पे काम करता है मेल्स में, और लेडी सेल्स क्या करता है बच्चों, लेडी सेल्स को बोलता है निकल जा बेटा तो क्या, एंड्रोजन, तो एंड्रोजन को निकालता है, एंड्रोजन क्या बच्चों, मोस्ट कॉमनली टेस्टोस्टेरोन है, कोई दिक्कत बच्चों, नो टेस्टोस्टेरोन करता क्या, देखो टेस्टोस्टेरोन को जोना पल्फिडा, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नीड टू हर्विस, तो जोना पल्फिडा आपसे पूछ सकते हैं डिटेल्स में, तो देखो जो क्या क्या पॉइंट होना चाहिए बच्चों, जोना पल्फिडा की बात करेंगे तो बच्चों क्या, देखो पहले बना कहां पे, ये प्राइमरी फॉलिकल में बन जाता है बच्चों, ना ये है क्या बच्चों, ये है एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर बच्चों, ए सेलुलर लेयर, मतलब बेसिकली क्या देखो बच्चों, यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर है, मतलब बेसिकली क्या देखो बच्चों, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट पार्ट है बच्चों, और क्या बच्चों, प्रोटीन पार्ट है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना है, और बच्चों कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्या होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग बच्चों, नॉन लिविंग, तो बच्चों ये क्या है, ए सेलुलर लेयर है बच्चों, ए सेलुलर मतलब बेसिकली सेलुलर लेयर नहीं, कोई लाइफ नहीं इसके अंदर, आ गया था, नो फंक्शन क्या बच्चों, फंक्शन एक का इट अट्रैक्ट होता है, देखो बच्चों प्लेसेंटा क्या है, इट इज टेंपरेरी एंडोक्राइन ऑर्गन बच्चों, ये क्या है, टेंपरेरी एंडोक्राइन ऑर्गन है बच्चों, क्यों, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइफ में बाबू कभी कभी बनता है, ऐसा तो नहीं जिंदगी भरता बच्चों, तो देखो टेंपरेरी एंडोक्राइन ऑर्गन ये है, बट आपसे पूछेगा बच्चों टेंपरेरी एंडोक्राइन सेल कौन सा है, कौन सा बॉडी के अंदर टेंपरेरी एंडोक्राइन सेल है, क्या जगह होता है, कॉर्पस ल्यूटम, क्या जगह बच्चों, कॉर्पस ल्यूटम, और क्या जगह होता है, ग्रोइंग फॉलिकल, क्या जगह बच्चों, ग्रोइंग फॉलिकल, तो बच्चों देखना ग्रोइंग फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटम क्या बच्चों, ये दोनों के दोनों क्या है, टेंपरेरी एंडोक्राइन सेल है, कहने का मतलब देखो हर महीने क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटम बनेगा और क्या रिलीज करेगा होता है, प्रोजेस्टेरोन स्टूडेंट को, और हर महीने ग्रोइंग फॉलिकल क्या करेगा बोलो, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, समझ रहे हो, दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, देखो टेंपरेरी एंडोक्राइन ऑर्गन पूछेगा बच्चों, ये ग्लैंड पूछेगा क्या जाएगा बोलो, आना जाएगा बच्चों प्लेसेंटा, बट पूछेगा फिर टेंपरेरी एंडोक्राइन सेल क्या बॉडी के अंदर क्या जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम और ग्राफियन फॉलिकल है बच्चों, मतलब ऐसा क्या चीज है जो कि टेंपरेरी क्वेश्चन के लिए आता है, जो कि टेंपरेरी क्वेश्चन के लिए आता है, बाकी वो चला जाता है, ठीक है बच्चों, दोनों को लिख लेना, चलो तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसको, प्लेसेंटा के हार्मोन्स को बच्चों, ये हार्मोन्स को बनाता है बच्चों, देखो पहला हार्मोन क्या है, अरे बाकी लोग भाग के क्लास है क्या, स्नेहा लोग नहीं क्लास में क्या,
कथा क्लियर क्या? चलो पहला बच्चों क्या है, एससीजी। पहला हार्मोन क्या है, एससीजी, ह्यूमन कोनिक गोनाड्रोपिन। इसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दूंगा बच्चों। क्या देखो इसको हम लोग यूज किस में करते हैं बच्चों, ग्रेविडेक्स टेस्ट में। किस बच्चों, ग्रेविडेक्स टेस्ट में यूज करते हैं बच्चों। और क्यों कहता होता, क्योंकि देखो सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या निकलता है, एससीजी। सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या निकलता है बच्चों, एससीजी निकलता है बच्चों। और ये क्या बताओ, इसको हम लोग यूज करते हैं किस में बताओ, द वेरी फेमस क्या बोलो, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी में यूज करते हैं बच्चों। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग ग्रेविडेक्स टेस्ट भी बोलते हैं। बाकी लोग भाग गए क्या? इकोलॉजी, पॉपुलेशन, जेनेटिक, हम लोग इवोल्यूशन के बारे में भी कहीं ना कहीं लिंक कर पाएंगे। नाउ अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट। देखो पॉपुलेशन के अंदर बच्चों कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। क्या समझते हैं देखो बच्चों, एक इंडिविजुअल का बच्चों क्या होगा, बर्थ या डेथ। एक आदमी का मौत होता है या डेथ होता है बच्चों, बट एक पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन का डेथ या मौत नहीं होता बच्चों, उसका क्या होता है, बर्थ रेट बच्चों, मतलब दर होता है, कितना दर से बर्थ हो रहा है बच्चों, किस रेट से हो रहा है बच्चों, किस रेट से मौत हो रही है। बर्थ रेट, डेथ रेट्स कहते हैं, और क्या है इंडिया के, मैंने आपको पढ़ा दिया इसको बाबू रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में, ठीक है बच्चों। जाके देख लेना क्रैश कोर्स वीडियो, वहाँ पर डाटा लिखे हैं, जो रिसेंट डाटा है बाबू, ठीक है। वो डाटा आपको नीट सर्विस में टिक करना है, तो डाटा बच्चों देख लेना, डाटा मैं दोबारा बता नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं बाबू। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्रैश कोर्स यूट्यूब पे, वहाँ देख लेना बच्चों। नीट में न्यूमेरिकल्स बच्चों इसे आ सकते हैं, ध्यान रखना। नो अगला एट्रीब्यूट है बच्चों किसी पॉपुलेशन का, वो है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो को वुमेन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा रखा है, मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल बाय नंबर ऑफ मेल, ठीक है बच्चों, इनटू 1000। इंडिया का करंट सेक्स रेशियो क्या है बच्चों, उसके लिए आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जाकर वीडियो देख लेना चाहिए, ठीक है, वहां पे मैंने आपको सब बता दिया। चलो बच्चों अगला है बच्चों सेक्स, बैसिलर मेम्ब्रेन। क्या बच्चों ये बैसिलर, यही तो है बेसिकली ऑर्गन ऑफ हियरिंग। बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर वी हैव गॉट समथिंग, क्या बच्चों ये, दिस इज एक्चुअली ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। क्या बच्चों ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, तो बच्चों ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और यही क्या है, यही तो है बेसिकली ऑर्गन ऑफ हियरिंग बच्चों। इसी से तो हम लोग सुन पाएंगे, यही हम लोग को हेल्प पड़ेगा सुनने में। तो सुनते कैसे हम लोग, सुनो बच्चों सुनते कैसे, वो कॉन्सेप्ट समझ। ये क्या करता है बच्चों, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज करो गलती से क्या हुआ, ज्यादा एयर या ज्यादा साउंड आ गया, ज्यादा साउंड सपोज करो फ्रीक्वेंसी आ गया किधर से, बाहर से। एग्जांपल करते हैं बॉम्ब ब्लास्ट, सपोज करो बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आपने नोटिस किया होगा दिवाली के टाइम में सबके साथ हुआ था, मेरे साथ भी होता है। जब कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आपको पता नहीं होता कि वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला, तो क्या होता है, अचानक से आपका मुंह खुल जाता है। तो मैं एग्जैक्टली देता हूँ, जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है या काफी तेज साउंड अचानक से बचता है, तो क्या होता है, अचानक से आपका माउथ ओपन होता है। क्या ओपन होता है समझो प्लीज। तो देखो बच्चों होता क्या है, अगर सपोज करो गलती से भी आपके मिडिल ईयर में ज्यादा एयर आ गया, मिडिल ईयर में ज्यादा साउंड वाइब्रेशन आ गया, तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ साउंड वाइब्रेशन स्टेशन ट्यूब के थ्रू बाहर निकलेगा, फैरिंग्स में कहां चला जाएगा बच्चों, फैरिंग्स स्टेशन ट्यूब कहां चला जाएगा, फैरिंग्स में चला जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा जो भी साउंड है, एक्स्ट्रा साउंड को बाहर कर देंगे, एक्स्ट्रा साउंड को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो आप उस पॉइंट को खुद से हिंदी में लिख लेना। तो मैं क्या बोला बच्चों, देखो जब भी आपका साउंड लेवल एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो क्या होगा, स्टेशन ट्यूब के थ्रू एक्सेसिव जो साउंड होगा बच्चों, प्लीज फोकस करना, वो एक्सेसिव जो साउंड एनर्जी होगा वो कहीं ना कहीं आपका बाहर निकल जाएगा, किसके थ्रू, फैरिंग्स। और फैरिंग्स कहां जाएगा, फैरिंग्स क्या बताया था आप लोगों को, कॉमन पाथवे किसका, पूरे एयर का। तो वो अल्टीमेटली वो फैरिंग्स के थ्रू चला जाएगा बॉडी से और माउथ से बाहर। तो ये क्वेश्चन नीट में क्लिनिकली पूछ सकता है कि आदमी जब बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम में उसका मुंह क्यों खुल जाता है ऑटोमेटिकली, अंदर क्या जाएगा बच्चों, टू एक्सपेल द एक्स्ट्रा एयर, एक्स्ट्रा वो जो एयर, एक्स्ट्रा जो साउंड एनर्जी है उसको माउथ के थ्रू बाहर निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टेशन किसको कनेक्ट किया, देखना बच्चों मिडिल ईयर को कनेक्ट किया किससे, फैरिंग्स से। और वो नीट में क्वेश्चन आने का चांस पूरा बनता है, सर मिडिल नीट में वो भी क्वेश्चन आने का चांस पूरा बनता है, कनेक्शन पूछेगा वो कहां से कहां होता है स्टेशन का कनेक्शन, क्या जाएगा बच्चों, बोलिए ना, अरे बोलो ना बाबू कहां, बोलो ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है आपके ये एयर को मिडिल ईयर से भेज रहा है, कहां बच्चों, फैरिंग्स से भेज रहा है। बताओ बच्चों इस लाइन, इस लैंग्वेज से क्वेश्चन आए ना बाबू, इस लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आ सकता है बाबू। ये क्या कर रहा है, देखो बाबू ये बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है किसको, 33। चलो और बच्चे बताओ, अभी पहली बार देख रहा हूँ मैं, तो देखो ये स्टेप लिख दिया जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखो तीनों के तीनों कैसे अरेंज है, चेन लाइक फैशन में। तो टिम्पैनिक मूवमेंट के साउंड आएगा, तो ये मैलेस पे जाएगा, मैलेस इनकस जाएगा, इनकस से स्टेपीज आएगा। और देखो बच्चों स्टेपीज कहाँ कनेक्टेड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लीज माइंड माय वर्ड, स्टेपीज वाला बच्चों कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। तो देखो बच्चों प्लीज समझो, स्टेपीज आपका ये खत्म हो रहा है, और ये बाबू कहाँ कनेक्ट कर रहा है, ये इनर ईयर में आ रहा है, और इनर ईयर में कहाँ, आई थिंक ये आपको कलर दिख रहा होगा, चलो नहीं दिखता तो मैं चेंज कर दूँगा बच्चों, प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स। और वो इनर ईयर में आके ओपन हुआ, कौन सा, स्टेपीज इनर ईयर में आके ओपन हुआ। और बाबू यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, ओवल विंडो। क्या बोलते हैं बच्चों, ओवल विंडो। तो बच्चों ये ओवल विंडो ऑफ इनर ईयर कौन, स्टेप्स जो बच्चों, स्टेपीज जो है ना, हाँ स्टेपीज जो बाबू, ये कहाँ ओपन होता है, ओवल विंडो ऑफ ईयर में, इनर ईयर में, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, याद रखना होगा, स्टेपीज ओवल विंडो ऑफ ईयर में ओपन होता है। अभी से हम लोग इनर ईयर की शुरुआत करते हैं, आप लोगों को स्टेट अप से दिख रहा है। तो देखो साउंड जैसे जैसे आता है, वैसे वैसे मैलेस को टकराता है, मैलेस इनकस को ठोकता है, देखो सब एक दूसरे को लात मार रहा है, वो उसको लात दिया, वो उसको लात दिया, और वो उसको लात दिया, देख रहा हूँ तीनों से खुशामद कर रहा है, तू बेटा आगे बढ़, तू आगे बढ़, आगे बढ़। और देखो स्टेपीज कम से धक्का मार रहा है किसको, ओवल विंडो, किसको बाबू, ओवल विंडो ऑफ इनर ईयर को। ना इनर ईयर बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिंदगी में आपको बेहतरीन मजा आएगा, अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप इंडिया में कहीं भी पढ़ ली होगे, इससे बेहतरीन आपको कहीं नहीं बताया। चलो देखते हैं बच्चों, ना देखो यहाँ पर जैसे ही प्लीज फोकस करना, आपको एकदम ऐसा व्यू माइंड में आएगा ना कि जिंदगी में दोबारा आपको कोई पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ लाइफ में दोबारा इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा आपके पास, ठीक है, आपको सीधा बोल रहा हूँ मैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लो, जितना स्कोर ले होगे मेरे लिए उतना अच्छा है, तुम्हारे लिए उतना अच्छा है, ठीक है। बायोलॉजी का 360 का ठेका लेता हूँ मैं, ठीक है, 360 में 60 आएगा, बस कंडीशन है कि तुम्हें पढ़ो। स्थिति ये है कि अभी 10 बच्चे क्लास कर रहे हैं, मेरा एमए समझने का बात है, पता है जब टाइम निकल जाता है, जब नीट दिन हो जाएगा ना, उस दिन पछतावा होता है,
ठीक है, बट वो पछतावा ना हो, हम नहीं चाहते कि नहीं हो। चलो बच्चों देखो, ये मैलियस था, ये इनकस था, और बच्चों ये क्या था, सॉरी ये मैलियस यहाँ तक था, ये बाबू क्या था, इनकस था, ठीक है, ये मैलियस था, और ये क्या बच्चों देखो स्टेपीज, ये क्या बच्चों स्टेपीज, कोई दिक्कत नहीं। स्टेपीज बच्चों कहाँ ओपन हुआ, देखो यहाँ पर दिस इज द पोर्शन, दिस इज कॉल्ड ओवल विंडो। देखो क्रिस्टलाइन क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अभी जहाँ तुम्हारा नीट का स्कोर ध्यान से, तो देखो बच्चों इनर ईयर में क्या क्या होता है। तो बच्चों इनर ईयर में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हम एनसीईआरटी को मान के चलते हैं, एनसीईआरटी कहता है इनर ईयर का दो पार्ट क्या क्या बच्चों, तो वन वी हैव गॉट कॉक्लिया एंड सेकंड इज कॉल्ड वेस्टिबुलर एपरेटस। बच्चों क्या है, वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है, तो वेस्टिबुलर एपरेटस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों कॉक्लिया क्या, देखो यहाँ पर, वेरी गुड वेरी गुड, यू कैन सी समथिंग, यस, ये आपको दिखा बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बच्चों दिखा रहा हूँ, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो बच्चों देखो दिस इज द क्वाइल्ड पोर्शन, ये दिख रहा है बच्चों, दिस इज आवर कॉक्लिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये क्या है, कॉक्लिया है, कॉक्लिया बच्चों क्या, कॉक्लिया इज द क्वाइल्ड पोर्शन 370। चलो ठीक है, अभी जहाँ मेरे से बात कर लेना क्लास के बाद, ऑन माय नंबर 7903992632, ठीक है, क्लास के बाद मेरे को कॉल कर लेना, बात कर लेना मेरे से, ठीक है, चलो आगे आते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलो तो इनर ईयर के दो पार्ट्स हैं, तो बच्चों ये क्या हो गया आप लोग का कॉक्लिया, और कॉक्लिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, क्या है ये बच्चों, ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, मतलब बेसिकली हम लोग सुन क्यों पा रहे हैं, कॉक्लिया की वजह से हम लोग, ठीक है, कान से सुनते हैं, बट मेन क्या है, कॉक्लिया से सुनते हैं। बच्चों प्लीज फोकस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस कॉन्सेप्ट, बच्चों प्लीज फोकस कीजिएगा आप लोग। तो देखो बच्चों, वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड, ये दिख रहा है वो एक कैनाल, प्रोटीन के बारे में कुछ खास बात भी कहा इसने, क्या खास बात कहा है कि कोलाजिन जो है प्रोटीन्स में सबसे ज्यादा, जो एनिमल वर्ल्ड मतलब एनिमल्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा प्रोटीन है, कोलाजिन। और रुबिस्को, प्लांट फिजियोलॉजी में तुम लोग पढ़ोगे रुबिस्को के बारे में, तो रुबिस्को जो है उसका फुल फॉर्म याद कर लेना है। ये पूरे वर्ल्ड में एनिमल प्लांट सब मिला के जब अगर कहेगा कि सबसे ज्यादा कहाँ क्या मिलता है प्रोटीन, तो वो है रुबिस्को। ये भी एक एंजाइम है, प्लांट्स के अंदर मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलो अब कार्बो, बच्चों तो एक इम्पोर्टेंट है बच्चों, इससे वो हर साल एक क्वेश्चन पक्का है, नीट 20 में फिर से आएगा, तो नीट 2020 में वो एक क्वेश्चन वो फिर से आएगा, यहाँ सी और शॉर्ट है। तो देखो बच्चों इसके स्टेप्स क्या है, तो देखो पहला है बच्चों प्रोफेज वन, तो प्रोफेज वन में क्या है बच्चों, प्रोफेज वन ऑफ द फर्स्ट मेटल डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर बच्चों, थोड़ा सा लंबा है, और बच्चों ये मोर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्यों देखते हैं बच्चों, ये फर्दर डिवाइड होता है पानी, इसका बच्चों ट्रिक है जो कि बहुत फेमस है, ला जरा पानी ड्रिंक, इस तरह से बच्चों ट्रिक होता है, एक सेकंड मैं बना देता हूँ, मैं LZPDD कुछ बना लेते हैं शॉर्ट में, LZPDD हो जाए, ठीक है, तो ठीक है, लड़के जरा पानी दे दे, ठीक है, ए लड़के जरा पानी दे दे, ठीक है, तो बाबू किसी को तुम बोल रहे हो, किसी लड़के को बोलो लड़के जरा, सॉरी लड़के जरा पानी दे दे, ठीक है, लेफ्टोटीन आएगा बच्चों। तो देखो लेफ्टोटीन कुछ खास नहीं है, पहला बच्चा याद रखना कॉम्पेक्शन बच्चों शुरुआत हो जाता है, ठीक है बस, और हम लोग उसको लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब बच्चों अगला स्टेप क्या है, देखो जाइगोटिन बच्चों, तो ना जेड फॉर जाइगोटिन, जेड फॉर जुड़ने लगेंगे बच्चों, जुड़ने लगेंगे, अब बोलना सर जुड़ने में तो जी होगा, अरे भाई ट्रिक से मतलब रखो, जुड़ने लगेंगे तो देखते हैं कैसे जुड़ने लगेंगे। तो चाहते हैं ना जाइगोटिन में जुड़ने लगेंगे, सेकंड स्टेज है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्सिस बच्चों, तो क्या होगा सिनेप्सिस होना शुरू होगा बच्चों, पैकेटिन, क्या बोलो पैकेटिन, तो लड़के जरा पानी दे दे, ठीक है जरा पानी दे दे, तो वो जरा पानी में हम लोग आते हैं बच्चों, क्या देखो पैकेटिन, पैकेटिन में क्या होता है, पैकेटिन क्या है बच्चों फर्स्ट, अच्छा देखो पहला दो स्टेज हो चुका है लेफ्ट जाइगोटिन, वो क्या है शॉर्ट लिव्ड बच्चों, ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों पैकेटिन है, जो सैनोटोनोमी कॉम्प्लेक्स था बच्चों, जो चिपकाया था बच्चों, ये क्या होता है, ये अब डिसोल्यूशन होगा, क्या होगा, गलने लगेगा,
क्या होगा, साइनोटोमिक में गलने लगे होता होगा, टेंडेंसी हो जाएगा, बताओ रिकम्बाइंड जो होमोलोग कंबाइन बच्चों जो कॉम्बिनेशन हुआ है 1 और 3 के बीच, सॉरी बच्चों 2 और 3 के बीच कॉम्बिनेशन, तो कियाजमेटा फॉर्मेशन बच्चों कहां मिलेगा, बच्चों कियाजमेटा कहां मिलेगा बोलो, एंड देज एक्स बच्चों चला पर बच्चों कियाजमेटा, बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों कियाजमेटा, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अगला साल इसे ला सकता है, जो कियाजमेटा फॉर्मेशन बच्चों बच्चों कहां मिलेगा, बच्चों कियाजमेटा कहां मिलेगा बोलो, तो जो कियाजमेटा फॉर्मेशन मिलेगा बोलो, एक सेकंड मैसेज आ रहा है मेरा, यार डिस्टर्ब कर देता है पूरा, चलो बच्चों क्या हो गया, कियाजमाटा का फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया बोलो गाइज, कियाजमाटा का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, तो आपसे पूछेगा कियाजमाटा फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा बच्चों, तो ऐसा क्या बोलो डिप्लोटिन बच्चों, बोलो डिप्लोटिन बच्चों, डिप्लोटिन में कियाजमाटा का फॉर्मेशन होगा, मतलब क्या हो समझ रहे हो ना, मतलब बेसिकली देखो समझ सकते हो, देखो बच्चों ये आपका समझ करो होमोलोगस क्रोमोसोम था बोलते हैं, तो होता क्या देखो क्या होगा, ठीक है फीमेल्स के अंदर क्या होता है प्यूबर्टी तक डिप्लोटिन में रहता है कौन बोलो प्राइमरी ओसाइट, तो प्राइमरी ओसाइट टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा, देखो बच्चों जो कियाजमाटा बना, जो कियाजमाटा बना हो गया बच्चों, अब फाइनल स्टेप क्या होता है, फाइनल स्टेप है बच्चों डायाकाइनेसिस, क्या बच्चों डायाकाइनेसिस, दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा, देखो बच्चों जो कियाजमाटा बना, जो कियाजमाटा बना देखो ये कियाजमाटा एक्स दिख रहा है बच्चों, एक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है ओके बच्चों, बट क्या साहब तो बच्चों नीट में आ सकता है, तो रॉबर्ट माय साहब ने क्या बोला कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होगा बच्चों क्या है अबाउट 7 मिलियन है, अबाउट 7 मिलियन बच्चों, तो नीट में आ सकता है, तो रॉबर्ट में 7 मिलियन बोले थे बच्चों, इसके केस में जो होता है ओवरी को सुपीरियर ओवरी नहीं कहते, हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों ओवरी को हम लोग कहते हैं हाफ इंफीरियर, हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों ओवरी को हाफ इंफीरियर कहते हैं, इसका एग्जाम्पल देखो प्लम रोज पीच ठीक है, फिर लास्ट टाइप कौन से क्या निकलता है मिनरल कॉर्टिकॉइड, एफ से क्या निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, आर से क्या निकलता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकलता है, चलो बच्चों अब देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ ठीक है, अब देखो माइंड में लेके चलना, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पढ़ने से पहले आपको माइंड में लेके चलना बच्चों कि देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हर वो काम करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हर वो काम करेगा, देखो बच्चे जो भी 11 12th के बच्चे हैं प्लीज सीरियस क्लास को मत देखें ठीक है, वो 11 12th के लिए क्लास नहीं है बच्चों, जैसे क्रैश कोर्स काफी स्पीड में रहेगा ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्लास देखें, जो अगर 12th पास लोगे वही लोग क्लास को देखें, बाकी लोग मत देखें, चलो तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या बच्चों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो काम करेगा हर काम, तो मैं लिख देता हूं बच्चों ये क्या करेगा हर वो काम करेगा, इससे क्या होगा ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या काम करेगा बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करेंगे तो देखो कैसे बढ़ाना है, अब बच्चों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करेंगे तो देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या है कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल क्या बच्चों मेन ये है मेरा क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसके अलावा क्या क्या होता है बच्चों लिख लेना बच्चों, तीन तरह के होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, लिख लो कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन और लिख लो बच्चों कॉर्टिकोस्टेरोन ठीक है बच्चों, तो तीन तरह के आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं हमारे ठीक है, तो उसमें कॉर्टिसोल क्या है मेन है, मेन क्या बच्चों ये कितना 95% अकेले ये होता है बच्चों, 95% अकेले खुद ये है कौन कॉर्टिसोल में 95% बाकी 5% दोनों मिला के होता है, तो अब देखते हैं बच्चों कैसे कैसे ये आपके बॉडी में बढ़ाएगा क्या ग्लूकोज के लेवल को, तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का क्या क्या तरीका हो सकता है, तो पहला तरीका लिखो, देखो बच्चों पहला तरीका लिखो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, क्या करवाएगा बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज नए तरीके से बनाना, ग्लूकोज नए तरीके से बनाना ठीक है, नए तरीके से बनाना ठीक है, मैं सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा ध्यान से सुन रहना, बच्चों देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब न्यू, तो देखो समझो इस चीज को प्लीज, आपके बॉडी में क्या होता है नॉर्मली, मैं इस चीज को आपको एक साथ लिखवा दूंगा आपको, देखो इस चीज को पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, तो मैं इसको लिखवाऊंगा बच्चों, देखो नॉर्मली क्या होता है बॉडी में ग्लूकोज हम लोग लेते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ग्लूकोज क्या होता है बच्चों ग्लाइकोजन बनता है, सब लोग बच्चों इसको लिख लेना, सबको एक साथ, सब लोग इसको एक साथ लिख लोगे ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी चीज होता है बच्चों, तो क्या बोला देखो नॉर्मली क्या होता है हमारे बॉडी में जो भी हम लोग ग्लूकोज एक्सेस लेते हैं वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और जब हम लोग फास्टिंग में होते हैं तो ग्लाइकोजन टूट के क्या बनता है ग्लूकोज बनता है, तो पहले हम लोग नाम समझते हैं बच्चों, देखो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, इसको ग्लाइकोजेनेसिस क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं ठीक है, चलो नाउ ग्लाइकोजन टूट रहा है और टूट के क्या बनना है ग्लूकोज बनना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं ठीक है, चलो नाउ ग्लाइकोजन टूट रहा है और टूट के क्या बनना है ग्लूकोज बनना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, क्या बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है ब्रेकडाउन, देखो नाम ही काफी है आपको, मैं हर नाम एक्जेक्टली बता दूंगा मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ग्लाइकोजेनोलाइसिस लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, तो ग्लाइकोजन का टूटना और ग्लूकोज को बनना, इसको बच्चों ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये तो सबको आता होगा, बट अब बच्चों दिक्कत क्या देखो, अब देखो कुछ तरीका और होता है ग्लूकोज को बनाने का और तरीका, पहला तरीका क्या है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाना बच्चों, दूसरा तरीका होता है बच्चों कि ग्लूकोज को हम लोग किसी भी और तरीके से बना सकते हैं बच्चों, किसी और तरीके से मतलब कैसे बना सकते हैं बच्चों, नॉन कार्बोहाइड्रेट, देखो बच्चों नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, अगर हम लोग नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे एग्जांपल लिख लो अमीनो एसिड फैटी एसिड, देखो बच्चों अमीनो एसिड और फैटी एसिड से अगर तुम क्या बना रहे हो ग्लूकोज को बना रहे हो, तो तुम ग्लूकोज को बना रहे हो बट तुम ग्लूकोज को नए तरीके से बना रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखो ये 1 हो गया ये 2 हो गया इसको 3 लिख देते हैं बच्चों, हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चलो अब बच्चों लास्ट पॉइंट, देखो ग्लाइकोजन बनने का तरीका क्या है, ग्लाइकोजन बनने का तरीका है कि हम लोग इसको ग्लूकोज से बना सकते हैं, बट इसके अलावा एक और तरीका है, यस क्या तरीका है बच्चों, देखो ग्लाइकोजन बनने का एक और तरीका क्या है कि हम लोग यहां पर क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, लैक्टिक एसिड, क्या कर सकते हैं लैक्टिक एसिड, बच्चों देखो लैक्टिक एसिड से अगर तुम
ग्लाइकोजन को बना रहे हो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? देखो यहां पे क्या कर रहे हो, नए तरीके से बना रहे हैं, नए तरीके से बना रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखो ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन बना रहे हो, नियो मतलब नए तरीके से, नए तरीके का मतलब लैक्टिक एसिड से। नॉर्मली कैसे बनाते हैं ग्लाइकोजन? ग्लूकोज से बनाते हैं बच्चों, इसको लिख लो चार। अब मेरे को सब कंफर्म करो, 1 2 3 4 ये सब कुछ क्लियर हो गया? 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट क्लियर है? सब लोग बताओ 1 2 3 4 चारों पॉइंट क्लियर हो गए सबको? सब लोग कंफर्म करो जल्दी, तो मैं आगे बढ़ूंगा। सब लोगों को 1 2 3 क्लियर हो गया चारों से, तो मैं आगे बढ़ूंगा। बच्चों दिस इज द कांसेप्ट, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट होमोस्टेसिस। बच्चों ये कहां होता है बच्चों? ये चारों चारों चीज कहां होते हैं? ये होते हैं बाबू मेनली कहां पर? लीवर में। देखो सबके सब स्टेप कहां होते हैं बच्चों? लीवर में होते हैं मेनली। और ये क्या बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है। सब लोग कंफर्म करो, सबको पॉइंट क्लियर है? किसी में कोई डाउट नहीं? नियो का मतलब नया तरीके से बनना, ग्लाइकोजन, देखो चारों वर्ड क्लियर, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। सब लोगों को क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, कलेक्टिवली एक साथ कोई लिखवाता, मैं आपको लिखवा दूँ, उसका स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है बच्चों, अमीनो एसिड और फैटी एसिड से बनना इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, लैक्टिक एसिड से बनना इज कॉल्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। सब लोगों को क्लियर है बच्चों? तो देखो यहां पे क्या लिखा था मैं, तो क्या बोला मैं? देखो बच्चों कॉर्टिसोल क्या करेगा? वो हर काम करेगा। जैसे क्या करेगा बच्चों? ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। जैसे क्या करेगा? बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, चलो सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग क्या करना है? ग्लूकोज को बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करें बच्चों? देखो पहला कॉन्सेप्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस। बच्चों देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम लोग क्या करते हैं? देखो आपको बढ़ाना है बच्चों, और क्या क्या आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में बताना चाहिए बच्चों? सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस तरह से क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है बच्चों, तो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, वेरी गुड बच्चों। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? डायबिटीज की तरफ ले जा रहा है, डायबिटीज की तरफ आदमी को खींच के ले जा रहा है। अब बच्चों देखो अगला हार्मोन है कौन सा? इंसुलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, लगाओ 5 स्टार नेट में मेरे अकॉर्डिंग इंसुलिन फिर से आना चाहिए इस पर। चलो बच्चों, तो ग्लूकोज हम क्या किया? देखो ग्लूकागन हर तरह से क्या किया? हाइपरग्लाइसेमिक काम किया। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब ये क्या किया? इंक्रीज किया, क्या बताओ? ग्लूकोज को, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, बाबू ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने को हाइपरग्लाइसेमिया। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं आपको सब लिखवाऊंगा बच्चों, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा आपको, ठीक है? बच्चों बात करेंगे इंसुलिन की, तो देखो बच्चों इंसुलिन क्या? इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है बच्चों, ओके, सेम कॉन्सेप्ट है, प्रोटीन का बना हुआ है, व्हिच प्लेज अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमोस्टेसिस। किसके साथ? बाबू ग्लूकागन के साथ मिलकर। नाउ कैसे काम करेगा? तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट माइंड में लेकर चलना है, इंसुलिन हर वो काम करेगा जिससे क्या होगा बताओ? जिससे कि ब्लड ग्लूकोज, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज क्या होगा? कम होगा। जिससे कि ब्लड ग्लूकोज कम होगा, हर वो काम करेगा। तो देखते हैं क्या क्या काम करेगा। इसके साथ हेपेटोसाइट्स के अंदर, बच्चों कहां पर? एडिपोज टिश्यू के अंदर। सिंपल सा कांसेप्ट बताओ, अगर किसी भी तरीके से अगर आपके बॉडी के अंदर जो भी ब्लड में ग्लूकोज है बच्चों, वो ग्लूकोज अगर कैसे भी करके आपके लीवर के सेल्स में घुसेगा या आपके एडिपोज टिश्यू में घुसेगा, तो क्या होगा बच्चों? आपका क्या होगा? बॉडी का जो ब्लड है उसके अंदर क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल घटेगा, तो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करेगा, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा कांसेप्ट है बच्चों। ये काम कौन करवाता है? इंसुलिन करवाता है बच्चों, ठीक है? तो क्या हो गया बच्चों? अपटेक और यूटिलाइजेशन को क्या किया ये बाबू? अपटेक और यूटिलाइजेशन को क्या किया? प्रमोट किया। क्या किया ये? प्रमोट किया। देखो लिखा हुआ एनहेंस किया, ठीक है, एनहेंस किया। कोई दिक्कत नहीं बाबू, चलो आगे समझते हैं, पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, नाउ अब देखते हैं बच्चों अब क्या करेगा बच्चों। देखो एज ए रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू हेपेटोसाइट। तो बच्चों क्या होगा इस कारण से? ब्लड से हेपेटोसाइट्स में और एडिपोसाइट्स में क्या होगा? रैपिडली ग्लूकोज मूव करेगा। और बच्चों याद रखना बच्चों, प्लीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ग्लूकोज के एंट्री के लिए व्हाट वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड ग्लूट। नीट में से लाया था ग्लूट, क्या बच्चों? ग्लूट इज नथिंग, ग्लूट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। बच्चों क्या है ये? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन सेल है। ये क्या बच्चों? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन सेल बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है, बट मैं इसको यहीं बता देता हूं, ठीक है? आगे वहां बता दूंगा फिर से भी। तो ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? देखो तो बेसिकली सेल्स के ऊपर व्हाट वी हैव गॉट? ग्लूट। क्या बच्चों? ग्लूट होता है। ग्लूट क्या बाबू? इधर का समझ सकते हो, रिसेप्टर है, प्रोटीन है कह सकते हो। ये ग्लूट क्या कर रहा है? ये ग्लूकोज ग्लूकोज को एंट्री करने में हेल्प कर रहा है बच्चों, ठीक है? नाउ डिक्रीज हो गया क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो का मतलब कम होना, हाइपर का मतलब ज्यादा होना। तो बाबू देखो कहीं ना कहीं आपका शुगर का लेवल घट रहा है बच्चों, तो हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है बच्चों। नाउ इंसुलिन आल्सो प्रेशर थ्योरी खत्म करने से पहले जान लो कि रूट प्रेशर थ्योरी जो है एक जगह ऑब्जर्व लेकिन होती है। रूट प्रेशर कहाँ पे ऑब्जर्व होती है? तो सुबह सुबह तुम लोग छोटे छोटे प्लांट्स में देखते होगे, जब खेत घास पे चलते होगे, ठंडी में खासकर देखोगे, गर्मी में भी दिखता है सुबह सुबह, ओस नाम का चीज तुमने सुना होगा, ओस पानी, वो जो पत्ते होते हैं पत्तों के साइड में बूंद रहता है, ओस रहता है, ओस गिरना, जो पत्तों में ओस होता है उस ओस को कहते हैं, जो पत्तों से पानी निकलता है सुबह सुबह, देखोगे ना पत्तों पे पानी रहता है, उसमें ऊपर वाला नहीं होता, मेनली होता है उनसे निकला हुआ पानी, तो वो जो पानी उनके अंदर से निकला होता है उसको कहते हैं गटेशन। वाटर लॉस इन लिक्विड फेस इज नोन एज गटेशन। कहां से निकलता है? लीव से निकलता है। तो ये किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? ये होता है तुम्हारा रूट प्रेशर की वजह से। तो क्वेश्चन आता है कि रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, तुमको बहुत ऑप्शन देगा, वाटर ट्रांसपोर्ट, जाइलम ट्रांसपोर्ट, लीफ ट्रांसपोर्ट, क्या क्या बोलेगा, लेकिन एक ऑप्शन में गटेशन दे देगा। तो आंसर रूट प्रेशर में क्या है और गटेशन का आंसर क्या है? रूट प्रेशर। समझे ना, याद रखना गटेशन रूट प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है? गटेशन क्या होता है, देख लो, रात को और अर्ली मॉर्निंग जब इवेपोरेशन कम होता है, पानी कहां कलेक्ट हो जाता है? ड्रॉपलेट का, कहां पर? ग्रास, ग्रास में, घास में कलेक्ट हो जाता है। ओस नहीं कहते कि घास को ओस गिरी हुई है, वही बात है, ठीक है? इसमें देखो रूट प्रेशर कितना कितना देखता है, रूट प्रेशर अपने बेस्ट पे लास्ट में, ठीक है? चलो ना, वैसे देखो यहाँ पर
सम सेल्स तो कुछ एडल्ट एनिमल सेल्स होते हैं बच्चों जो कि डिवाइड नहीं करते बच्चों, जैसे कि हार्ट सेल्स, बच्चों देखना हार्ट सेल्स के अंदर बच्चों वो बाबू एग्जिबिट डिवीजन नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि डिवाइड नहीं करना। और बच्चों कुछ ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी में जो कि सिर्फ ऑकेजनली जरूरत पड़ने पर डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बाबू एज नीडेड कब बताओ, तो जब रिप्लेसमेंट करना होगा इसका, ऐसा जो लॉस हो गया बच्चों, सब थोड़ा इंजरी हो गया, सेल डेथ हो गया, तो मजबूरी में डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो याद रखना बच्चों हार्ट सेल डिवाइड नहीं करते बच्चों, और कौन नर्व सेल बच्चों, और नर्व सेल भी बच्चों डिवाइड नहीं करते, मतलब न्यूरॉन सेल बच्चों डिवाइड नहीं करते, उनके अंदर भी रीजनरेशन नहीं होती। चलो भाई आगे देखते हैं ना, तो बच्चों देखो कुछ कुछ सेल जरूरत पड़ने पर डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या है, ये सेल्स जो होते हैं जो वो जरूरत पड़ने पर डिवाइड करते हैं, दे सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये सेल्स क्या करते हैं, समझो बूढ़े हो गए, बूढ़े का मतलब समझाने का तरीका है, ये बोलेंगे चलो ठीक है लाइक मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस का यूज कर सकता हूँ। बच्चों ये सेल्स क्या होंगे, ये सेल डिवाइड नहीं करेंगे और क्या करेंगे, फर्दर एग्जिट, तो जीवन फेज को बच्चों एग्जिट कर देंगे, जीवन को बच्चों एग्जिट कर देंगे और कर देंगे इनएक्टिव फेज में घुस जाएंगे, कौन सा बच्चों जी जीरो में, हम क्या बताओ बच्चों क्यूसेंट फेज बोलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नीट में आया था लास्ट ईयर, बहुत ही कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन, मतलब दो दो इसका आंसर सही था, तो बहुत हंगामा हुआ क्वेश्चन को लेकर। तो बच्चों जी जीरो फेज में चले जाएंगे, ओके बच्चों, नौ क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, प्रथम मत सुना, तो मत बोला आंसर क्या जाएगा सही, ठीक है, हाँ बोल लो बच्चों, याद रखना जी जीरो फेज को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन, मतलब शांत फेज, माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में क्या दिख रहा है, देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है बच्चों, और साइटोकाइन से बच्चों, तो क्या है पीएमएटीसी, ठीक है बच्चों, पी मैट से याद रख सकते हो बच्चों, ठीक है, पी मैट से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, ठीक है बच्चों, और टेलोफेज हो गया, और लास्ट में क्या है साइटोकाइनेसिस। और बच्चों देखो ये क्या है माइटोटिक फेज, मतलब बच्चे माइटोसिस का फेज है, ना उसके अलावा क्या बच्चों, उसके अलावा ये जो बच्चों पूरा फेज है ये क्या है इंटरफेज, मतलब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें सेल तैयारी करेगा किसका, अगली बार डिवाइड करने के लिए, सार बार तैयारी करेगा, तैयारी करेगा। देखो एक्स्ट्रा में जी जीरो है, जी जीरो फेज दिख रहा है, जो कि बच्चों नीट 2019 में आया था और काफी बवाल मचा था, कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन ने कुछ और आंसर दिया और फाइनली एनटीए वाला आंसर सही माना गया, समझ रहे हो, याद आ रहा है क्वेश्चन था, बहुत हल्का मचा दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखो यहाँ पर इंटरफेज की बात करेंगे, तो देखो इंटरफेज में क्या दिख रहा है, जीवन है, एस है और जी टू, सिक्वेंस क्या है जीवन एस जी टू, कभी जी जीरो भी हो जाता है। चलो तो बच्चों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है बक्सा में, आपको बोलेगा कि एबीसीडी कौन सा बढ़िया। तो बात करेंगे इसकी, एम जो ऑलरेडी मेरे से ग्रे मैटर में पढ़ चुके हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, वो एज ए क्रैश कोर्स को ले रहे होंगे, एज ए स्प्रिंट कोर्स, ठीक है। तो आप टाइटल हमने देख ही लिया, तो जो हम लोग का सेशन है वो है स्प्रिंट कोर्स अल्टीमेट टारगेट फॉर 350 प्लस आउट ऑफ 360 इन नीट 2020 बायोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है, तो हम लोग आराम से 350 प्लस करेंगे, बस स्ट्रेटजी फॉलो करो, जो जो बोलते हो फॉलो करो, जो भी एडिशनल पॉइंट्स ऐड होने वाला है वो हम लोग ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग एग्जैक्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो भी इर्द गिर्द आ सकता है प्रोबेबली वो मेरे को पता है, वो मैं ऐड करवाऊंगा और आपके लिए सफिशियंट है। तो जो अभी तक नहीं पढ़े थे उनके पास भी अच्छा मौका है कि 65 डेज में वो आराम से दो साल का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा, ओके राजस्थान से चलो तो स्पीड ज्यादा होगा बाबू, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, कॉपरेट करो थोड़ा सा और मजा आएगा। सब लोग अपना नाम बता देंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट से, जो भी देख रहे हैं, तो आराम से तुम लोग पढ़ोगे। और स्ट्रेटजी यही है कि क्लास होने के बाद जाके इस लेक्चर को या तो तुम दोबारा सुन सकते हो, अगर तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक है या तुम्हारा तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हारे टेस्ट में स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, और नहीं तो तुम्हारा अगर सब कुछ क्लियर हो जा रहा है तो डायरेक्ट तुम क्वेश्चन बैंक पे जाओगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। प्रीवियस 30 ईयर के क्वेश्चन लोग कहते हैं, बट मेरा सेशन हमेशा होगा 2009 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करो, ठीक है, होगा 2009 ऑनवर्ड्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो एनसीईआरटी 2006 में आप लोग चेंज हुई थी, ठीक है, तो 2006 में एनसीईआरटी चेंज हुई थी, उससे पहले कुछ क्वेश्चन बकवास आते थे, वो आपके काम का नहीं है, ओके। तो आपको 2009 के बाद का क्वेश्चन करना है, 2009 से करना शुरू कर दो, काफी मजा आएगा, पहले कुछ क्वेश्चन एकदम रिलेवेंट आते थे, वैसे क्वेश्चन सब नहीं आते एग्जाम में। चलो तो हम लोग का डिस्कशन पूरा का पूरा बेस्ट होगा एनसीईआरटी को लेते हुए, साथ साथ ऐड करते हुए, सब लोग एनसीईआरटी को लेकर बैठोगे, वेलकम आईसा, वेलकम ईसा, ओके, वेलकम जय कुमार। चलो तो आप लोग एनसीईआरटी को लेकर बैठोगे साथ में, और हम लोग स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, जल्दी एनसीईआरटी ले लो, जल्दी से लेके आओ एनसीईआरटी रूम में, तो वेलकम नाहिद, वेलकम वैष्णवी, बाकी बच्चे अपना नाम बता दो, वेलकम सावन, ओके। तो लेट्स बिगिन, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, कहीं पर भी ऑडियो वीडियो कुछ इशू आएगा तो तुरंत बताओगे तुम लोग, ठीक है।